सो हाय दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर आपका हमारी बोल फटाफट फैमिली में। सबसे पहले एक कमेंट ले लेती हूँ मैं कि राजू जी बोल रहे हैं कि स्टैंड नहीं जा रहा है, उसके मैनेजर ने कंफर्म कर दिया, बस स्टैंड के ऊपर है अब। अरे भाई, स्टैंड के ऊपर भी नहीं है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कहीं नहीं जाने वाला है स्टैंड। स्टैंड के 30-40% जो व्यूअर्स हैं वो स्टैंड की वजह से जो है वो शो देख रहे हैं। और ऐसा बंदा जो स्टार्टिंग से ही फर्स्ट वीक से जो है ऑरमैक्स की रिपोर्ट में टॉप 5 पर है, और इस वीक तो वो बंदा ऑरमैक्स की रिपोर्ट में टॉप 2 में, तो आप कैसे सोच सकते हो कि यार मेकर्स उसको जो है बाहर निकालने की सोचेंगे भी। हाँ, मैं मानती हूँ कि बार बार उसका ये क्लिप दिखाया जा रहा है कि एमसी स्टैंड जो है घर से बाहर निकलना चाहता है, उसने 2 करोड़ के लिए भी बोल दिया है, तो हो सकता है इस बार वीकेंड के वार पर हमें जो एमसी स्टैंड की क्लास लगते हुए नजर आए कि भाई तुम क्यों जो है वो बार बार सोचे जो है वो बाहर निकलना चाहते हो, और तुम्हारे पास बहुत पैसा है, पैसा देकर तुम जो है वो शो से बाहर निकल जाओगे। ये हो सकता है कि इस बार वीकेंड के बाद पर सलमान खान या तो एमसी स्टैंड की क्लास लगाएं या फिर उसको समझाएं, गेम से रिलेटेड कुछ बातें उसको समझाएं, तो ये सारी चीजें जो है वो है। लेकिन एमसी स्टैंड कहीं से कहीं तक जो है वो शो से बाहर नहीं निकलने वाले जितना कि मुझे लगता है। वहीं पर अगर ये बात करें कि भाई एमसी स्टैंड ने बार बार बोला है मैं शो से निकलना चाहता हूँ, ये चीजें तो अंकित गुप्ता ने भी बहुत बार बोली है। और अगर अंकित गुप्ता और एमसी स्टैंड का मैं कंपैरिजन करूं तो अंकित गुप्ता से ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो मुझे एमसी स्टैंड का दिखाई देता है शो के अंदर, क्योंकि वो सारी ड्यूटीज भी करता है, वो टास्क में भी जो है वो परफॉर्म करता है ना, सारी चीजें हैं। वहीं पर क्या नाम है, टीना दत्ता मैडम भी रो रही हैं अब कि भाई मुझे शो से बाहर निकाल दो। बल्कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो श्रीजिता के आने के बाद तो टीना ने हार सी मान ली है कि भाई सौंदर्या भी मेरे ऊपर चढ़ रही है, टीना भी मेरे ऊपर चढ़ रही है, शालीन भी मुझसे अलग हो गया है, तो पूरी तरीके से टीना दत्ता को तो ब्रेक डाउन हो गया है। तीन प्रमो आए, तीनों प्रमो टीना से रिलेटेड आए ना, टीना वर्सेस सौंदर्या, टीना वर्सेस जो है वो क्या बोलते हैं उसको, टीना वर्सेस श्रीजिता और टीना वर्सेस शालीन। तो टीना का तो पूरी तरीके से ब्रेकडाउन हो गया। वो तो कलर्स वालों को ही बोल रही है कि तुमसे मेरी खुशी जो है वो देखी नहीं जाती। टीना वैसे घर में किसी को ब्लेम नहीं करती, वो सीधा कलर्स की टीम को ब्लेम करती है कि पता नहीं क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होकर आया इनका कि भाई तुमसे मेरी खुशी नहीं देखी जा रही, क्या जो अब तुम श्रीजिता को लिया। और श्रीजिता ने तो आते ही मतलब एक्सपोज करना शुरू कर दिया टीना दत्ता को कि भाई तुम तो शालीन को जब भी हक करती हो तो तुम हमें तुम्हारा ध्यान जो है वो कैमरा के लिए होता है, यानी कि तुम घर में जितनी भी चीजें कर रही हो वो सारी चीजें जो है तुम सिर्फ और सिर्फ जो है वो कैमरा के लिए कर रही हो। जैन मैम आप प्लीज, मैम या सर जो भी आप अपना कैम ऑन कर लीजिए, फिर मैं आपको जो है वो पैनल पे ले लेती हूँ, ठीक है? तो आप अपना कैम ऑन कर लीजिए। देखो, बोलने को तो सब ये भी बोल रहे हैं कि एमसी स्टैंड जो है वोटिंग में नंबर 1 पर नहीं है, लेकिन हकीकत तो सबको ही पता है ना कि एमसी स्टैंड के फैंस उसको कितनी शिद्दत से जो है वो वोट कर रहे हैं, है ना, और वो नंबर 1 पर है ही। तो र्यूमर्स तो बहुत सारे होते हैं जो कि हमें सुनने को मिलते हैं, यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कि सलमान खान उसकी जो है वो तगड़ी अच्छी खासी जो है वो क्लास इस बार लगा दे, जिस तरीके से वो बोल रहा है कि मुझे शो से बाहर जाना है, मुझे शो से बाहर जाना है, मुझे शो से बाहर जाना है। सबसे बड़ा रीजन ही यही है यार, 30-40% व्यूअर्स जो है एमसी स्टैंड की वजह से शो देख रहे हैं, और मैक्स की रिपोर्ट में वो बंदा टॉप 2 पर है, है ना। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी जो है वो एमसी स्टैंड को जो है मेकर शो से बाहर निकालेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वीकेंड के बाद पर इस बार हमें जो है एमसी स्टैंड की थोड़ी सी क्लास जो है हो सकता है मेकर्स लगाते हुए दिखाई दे, या फिर प्यार से जो है सलमान खान एमसी स्टैंड को समझाएंगे, वो तो वीकेंड के बाद पर ही सारी चीजें क्लियर होंगी। बट मेरा जो प्रिडिक्शन कह रहा है, मुझे जो लगता है कि मेकर्स जो है वो एमसी स्टैंड को शो से बाहर नहीं निकालने वाले हैं। वहीं पर अगर टीना दत्ता का भी तो ब्रेक डाउन हो रहा है, टीना दत्ता भी कह रहे हैं मुझे शो से बाहर निकाल दो, ऐसे तो सभी कंटेस्टेंट बोल रहे हैं, अंकित गुप्ता भी बोल रहा है, साजिद भी बोल रहा है मुझे शो से बाहर निकाल दो, तो निकाल दो भी सबको शो से बाहर, सभी बोल रहे हैं मुझे शो से बाहर निकाल दो, शालिनी ने भी बोला था मुझे शो से बाहर निकाल दो, तो क्यों नहीं निकाला। अगर इस तरीके से हो गया तो एक तो बोलूं ये एक रीत सी चल जाएगी बिग बॉस के घर में कि जिसको भी घर से बाहर निकालना है चलो निकाल दिया, एक बार राहुल वैद्य को निकाल दिया था, अब एमसी स्टैंड को निकाल देते हैं, अगले सीजन आएंगे वहां पर और भी कंटेस्टेंट बोलेंगे कि भाई हमें जो है निकाल दो बाहर, तो ऐसे तो बिग बॉस सबको ही बाहर निकालने लग जाएंगे, तो ऐसे तो इनके शो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी ना, हर दूसरा बंदा बोलेगा मुझे शो से बाहर निकाल दो। तो देखते हैं इस बार वीकेंड के बार पर क्या होता है एमसी स्टैंड का, बट जहां तक मुझे लगता है, मुझे यही फील हो रहा है कि एमसी स्टैंड को मेकर जो है वो शो से बाहर नहीं निकालेंगे। जैन जी आप अपना कैमरा ऑन करके रखिए, फिर मैं आपको पैनल पे ले लेती हूँ, ठीक है? और वोटिंग ट्रेंड में भी वो बंदा भाई नंबर 1 पर है, वोटिंग ट्रेंड में भी वो बंदा नंबर 1 पर है, तो कहीं ना कहीं मुझे अभी लग रहा है कि मेकर्स का जो निशाना है वो सौंदर्या, अंकित और साजिद खान, इन तीनों में से किसी एक पर है। इन तीनों में से किसी एक को जो है मुझे लग रहा है कि मेकर्स शो से बाहर निकालना चाह रहे हैं, और जब तक ये नॉमिनेशन में नहीं आएंगे तब तक कोई इविक्शन भी नहीं होगा। क्योंकि अगर देखो सीजन की बात करें तो सीजन भी एक्सटेंड हो गया है, सीजन की अभी जो न्यूज आ रही कि 18 फरवरी या 25 फरवरी को, पहले 15 जनवरी को इसका फिनाले होने वाला था, है ना, लेकिन अब जो है वो 18 फरवरी या फिर 25 फरवरी को हमें इसका फिनाले, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 1 महीने से जो है सीजन एक्सटेंड हो गया है। तो इसके हिसाब से इसके चलते भी देखा जाए तो इतनी जल्दी जल्दी तो मेकर्स इविक्शन करेंगे नहीं, पूरे के पूरे भी 2 महीने रहते हैं, 2-2.5 महीने रहते हैं शो को चलते हुए, तो इतनी जल्दी तो मेकर्स इविक्शन करने वाले हैं नहीं,
तो जो मेरे मेरा कहना है। और माई गिले में तो भैया बोट 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 इतने बोट लग रहे हैं, ये हम लोगों ने आपको पहले बोल दिया था कि निमृत कौर आलूवालिया देखना टाइम जो है नंबर वन पर आ जाएगी। यार सीरियसली क्या प्रियंका से ज्यादा फैंस निमृत कौर आलूवालिया के? इस चीज पर तो मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। जो प्रियंका फैंस यार वो शिफ्ट भी लगा रहे हैं दो दो घंटे की, वो बंदे जो है वो शिफ्ट लगा रहे हैं कि 2 घंटे तुम 2 घंटे तुम और 2 घंटे तुम, दो दो घंटे की प्रियंका फैंस शिफ्ट लगा रहे हैं। और निमृत कौर आलूवालिया के फैंस है लेकिन कोई ट्रेंड निमृत कौर आलूवालिया का नहीं, कोई वोटिंग पोल होता है वहां पर निमृत कौर आलूवालिया कभी टॉप पर नहीं होती। तो माइक लेन पे निमृत कौर आलूवालिया कैसे टॉप पर हो गई, तो यहाँ पर तो घपलेबाजी हमें साफ साफ दिखाई देती है। ये तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके थे कि जो विनर बनेगा वो माइक लेन, आप अगर कैम ऑफ करेंगे तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी जैन जी, जो विनर बनेगा वो माइग्लैम का विनर नहीं बनेगा और जो माइग्लैम का विनर बनेगा वो बिग बॉस सीजन 16 का विनर नहीं बनेगा। तो यहाँ जिस तरीके से निमृत कौर आलूवालिया को जो है टॉपर दिखाया जा रहा है और ये सिर्फ बिग बॉस की मेहरबानी है और जिसके चलते मुझे लग रहा है जो 25 लाख की प्राइज मनी है वो जो है हमें निमृत कौर आलूवालिया के हाथ में देखने को मिलेगी। प्रतीक जी आप नहीं बताएंगे मुझे कि मुझे क्या बोलना चाहिए या क्या बोलना नहीं चाहिए, जहां जहां पर उसको बोलने की जरूरत होती है ना वो बंदा बोलता है और वो बंदा पूरी ऑनेस्टी के साथ बोलता है। जिस जिस टास्क में उसको परफॉर्म करने का मौका दिया गया उसने क्विट नहीं किया, उसने हर टास्क परफॉर्म किया, उसने हर घर की ड्यूटी किया है, वो सभी घर वालों के साथ बैठकर मजाक मस्ती भी करता है, बातचीत भी करता है, सारी चीजें करता है। वो सारा दिन सोता नहीं रहता या बोलता नहीं रहता कि यार मुझे तो नींद आ रही है, यार मुझे तो नींद आ रही है, ठीक है। तो आप नहीं बताएंगे मुझे कि कौन जो है वो मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। अथर जी आप भी प्लीज भाई अपना कैम ऑन कर लो, कैम ऑन कर लो आप सब अपना। स्टैन जी बोल रहे हैं कि प्रमो में श्रीजिता सबको रियलिटी चेक दे रही है, मतलब स्टैन को भी बुलाएगी क्या? हाँ देखो बाहर से जब कोई कंटेस्टेंट आता है ना, ये तो हर बार का है कि बाहर से कोई कंटेस्टेंट आता है, कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री आती है तो डेफिनेटली वो सबको जाकर बताता है कि उसकी गेम जो है कैसी चल रही है, बाहर ऑडियंस क्या बता रही है, बाहर ऑडियंस उसको कितना पसंद कर रही है कितना पसंद नहीं कर रही है। तो ये सारी चीजें तो हमेशा होती ही है कोई भी वाइल्ड कार्ड एंट्री आए। अब इसके अंदर जो विकास मानक तला है, मैंने कल विकास मानक तला का नहीं देखा था, मैंने आज देखा जिस तरीके से वो बोल रहा है कि मैं किसी मंडली का हिस्सा नहीं होने वाला हूँ और मैं जो है यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो उसका फिर मुझे जो होता है ना कि अपने आप को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता है कि मैं ये कर दूंगा अंदर जाके, मैं वो कर दूंगा अंदर जाके, ना बड़ी बड़ी बातें और बड़ा पाव खाते वो वाला सीन हो जाता है फिर उनका घर में जाने के बाद। बाकी विकास मानक तला का हम गेम देखेंगे कि घर में आने के बाद वो किस तरीके का जो है वो गेम खेल रहा है। निजाम जी बोल रहे हैं कि माइक ग्लैम पर निम्मो नंबर वन पर कैसे, आई एम शॉक्ड, मैं भी हैरान हूँ। लेकिन हम लोगों को पता था यार, पहले बोल दिया था हमने निमृत कौर आलूवालिया धीरे धीरे नंबर वन पर पहुंचेगी। आप ये देखो ना निमृत कौर आलूवालिया के वोट्स बढ़ते जा रहे हैं माइक ग्लैम पे और प्रियंका वहीं पर अटकी हुई है। प्रियंका अपना 31 से सिर्फ 35 पर पहुंची और वो 20 से 35 से ऊपर भी पहुंची, यानी कि प्रियंका फैंस वोट ही नहीं कर रहे, सिर्फ निमृत के फैंस वोट कर रहे हैं, वोट कर रहे हैं। तो यहां से रियलिटी सामने आ जाती है ना, और ये हो ही नहीं सकता कि प्रियंका से ज्यादा वोट जो है वो निमृत को मिल सके किसी भी सिचुएशन में। हाँ अथर जी आप अपना कैम ऑन कर लीजिए प्लीज। वो मैं कर दूंगा थोड़ी देर में, मैं तो ये कह रहा था असल में यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम हुआ है निमृत का जो है ना उस पे तो बहुत बड़ी है। अथर जी आप कैम ऑन करिए प्लीज, जरा पहले एक मिनट कैम ऑन करिए आप। मैं थोड़ा सा लंच ले रहा था ना इसलिए बुरा लग रहा था। अच्छा ठीक है ओके, कोई नहीं, नो इशू। फिर निमृत सोशल मीडिया पोल्स में भी उसको कुछ भी वोट्स नहीं आते हैं। यस एग्जैक्टली एग्जैक्टली ना यार, जिस बंदे को कहीं पर भी कोई भी नंबर वन पर टॉप पर वो रहती नहीं है तो कैसे वो प्रियंका सुंबुल इन सबको पछाड़ कर मतलब सीधा माइकले में जो है वो टॉप पर पहुंच गई है। ये तो सबके लिए ही शॉकिंग होगा, कोई भी इसको जो है मानने वाला है ही नहीं इस चीज को। हाँ अथर जी आप कंटिन्यू कीजिए, मैं बस 2 सेकंड में आती हूँ, आप कंटिन्यू कीजिए। यही मेरा कहना था कि यहाँ पे निमृत का तो यही है कि उसको शिव की उसमें डाला गया ही इसलिए था कि ताकि शिव वाले अब्दू वाले और एमसी स्टैंड की जो पूरे के पूरा जो है वो सारे के सारे थे। लेकिन पता नहीं एमसी स्टैंड वाले तो कभी भी नहीं देंगे क्योंकि उनकी अपनी ही एक बहुत बड़ी वो है और ये लोग कह रहे हैं कि एमसी स्टैंड नहीं जा सकता, एमसी स्टैंड बहुत मुश्किल है क्योंकि कल बिग बॉस ने जो कन्फेशन रूम में बुलाया था वो उस अंकित गुप्ता का गेम और उसका गेम सादिक खान का गेम एक्सपोज करने के लिए बुलाया था कि ये लोग गेम में हिस्सा ही नहीं लेते, ये लोग जिस तरह का गेम खेलते हैं
उन लोगों का गेम एक्सपोज करने के लिए बिग बॉस ने बुलाया था कन्फेशन रूम में इन तीनों को, निमृत और टीना दत्ता को, क्योंकि ये लोग ना तो गेम में हिस्सा ले रहे हैं और ना शो में इनका इतना बड़ा योगदान है। इसी ऐसे बिग बॉस ने तीनों को बोला था कि आप किसी भी तरीके से इन दोनों को बोले, क्योंकि जब भी मैं कोई टास्क देता हूँ तो ये लोग पहले ही से कह रहे थे कि हम नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। और तो इसी वजह से मैम ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि इन लोगों को कन्फेशन रूम में बुलाया, आप किसी भी तरीके से इन लोगों को समझाइए। मेघा मैम बोल रही हैं कि शिल्पा मैम हम क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने आइडियल के लिए, फिक्स्ड विनर निमरित, यानी देखो मैं आपको बता रही हूँ बिग बॉस सीजन 16 के विनर तो निमरित कहीं से कहीं तक नहीं, ये मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ। सब लोग बोल रहे हैं कि निमरित विनर बनेगी, निमरित विनर बनेगी, निमरित विनर नहीं बनेगी, प्रियंका डेफिनेटली जो है वो हमें बिग बॉस सीजन 16 के विनर बनती हुई नजर आएगी, ये मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ आप लोगों को। लेकिन हाँ, आइडल के लिए मेहनत करने का मतलब ये होता है जब हम लोग वोटिंग करते हैं ना, तो वो वोटिंग जो है वो मेकर्स को तो पता चलती है कि किसका कितना फैंडम है, किसकी वजह से हमें जो है कितनी टीआरपी मिल रही है, किस फैंडम के लोग जो है, मतलब किस कंटेस्टेंट के जो लोग हैं, किस कंटेस्टेंट के जो मतलब फैंडम है वो ज्यादा एक्टिव है, तो किसको हमें शो में रखना है और किसको निकालना है। तो ये सब चीजें जो है ना वो मेकर्स को वोटिंग से ही पता चलती हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का वोटिंग बोला। आप देखते हैं ना कि बिग बॉस का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है या वूट है, वो अलग अलग तरीके के पोल डालते हैं जिससे पता चलता है कि किसका फैन बेस जो है वो ज्यादा एक्टिव है, तो किसको उनको शो में रखना है, किसको उनको शो से निकालना है, ये सारी चीजें उनको वोटिंग के बेसिस पर ही पता चलती हैं, और बाकी जो शो में उनका कंट्रीब्यूशन होता है कंटेस्टेंट का। मैम ये चीज जो बोल रहे हैं ना कि निमृत का, ये नहीं है जरूरी कि निमृत ही जीते और ना ही प्रियंका जीते। ये चीज ये भी देखिए, बिग बॉस ने इस दफा फुल ऑन गेम भी खेला है, कोई और भी जीत अब्दू भी हो सकता सकता है, अब्दू भी हो सकता है, मुझे एक जो डाउट जा रहा है ना मेरा अब्दू के ऊपर भी जा रहा है कि अब्दू रोजिक जो है वो भी जो है वो शो का विनर बन सकता है। देखो अभी अथर जी लंच कर रहे हैं इसलिए उनका जो है कैम ऑफ है, बाकी जितने भी ये बैक स्टेज है, उमर जी और ए आर मोला जी एंड जैन जी, आप लोग अपना कैम ऑन कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को जो है वो पैनल पे ले लूंगी। मैम, क्योंकि अब्दू का मुकम्मल, क्योंकि ऑर्मेक्स लिस्ट की एक वैल्यू होती है, हम लोग मानते हैं कि जब से बिग बॉस हुआ है तो हाल में ये लोग ऑर्मेक्स लिस्ट ही वाले ही जीतते हैं जो जो टॉप करता है, और जबकि एमसी स्टैन तो वैसे ही टॉप पे, वो बिग बॉस वाले कभी भी नहीं निकालेंगे, ये तो है गारंटेड, चाहे वो वॉलेंटरली कुछ कर ले, क्योंकि उसको तो पहली बात ये है कि शो एक्सटेंड होने की खुशबू आ रही है, और कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री बहुत मुश्किल से अपने आप को उसमें डाल ले। अब देखिए हमने तीन दो वाइल्ड कार्ड को देखा, फरमान कमेंट ले रहे हैं। सोलो स्ट्रीम जी कह रहे हैं कि मैडम जी यूट्यूब पर बड़े जोर शोर से न्यूज चल रही है कि स्टैन इविक्ट होगा, न्यूज है ना, न्यूज जोर शोर से आई है और जोर शोर से चली भी जाएगी, टेंशन किस बात की है, वीकेंड का वार बस आज का दिन और निकल जाए, कल और आज ही नहीं कल और परसों वीकेंड का वार हमारे सामने ही है ना। यार आप लोग खुद सोचो, ठीक है 1% में डाउट, 1% में डाउट दे सकती हूँ, लेकिन 99% जिस बेसिस से अगर मैं देखू ना कि 30-40% जो व्यूअर्स हैं वो एमसी स्टैन की वजह से देख रहे हैं शो को, और सीजन जो है वो एक्सटेंड भी हो गया, ये भी हम सबको पता है कि सीजन एक्सटेंड हो गया 18 फरवरी या 25 फरवरी तक, और मैक्स की लिस्ट में वो बंदा हमेशा टॉप 5 में रहता है, तो कैसे मेकर्स उसको निकाल सकते हैं, ये भी तो सोचने वाली बात है ना। और YouTube की ही उसमें सारे में वो टॉप कर रहा होता है जब भी वो अभी नॉमिनेशन में वो, अब आप बता दो कोई वैलिड रीजन बता दो कि वो किस तरीके से नीचे वो उसको बाहर निकाल सकते हैं। सीधी सी बात, आप लोग खुद ही अपने जहन लगाओ, आप र्यूमर्स में नहीं जाओ ना, सीधी सी बात है, मेरा तो यही कहना है। चांदनी जी बोल रही कि निमरित को जब वोट से माई ग्लेम पर टॉप पर ला सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। यस डेफिनेटली कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और सबसे बड़ी बात तो ये समझ में नहीं आया कि अंकित और साजिद के लिए, मतलब चलो साजिद का समझ में आता है कि उसके लिए निमरित और शिव को बुलाया गया, लेकिन अंकित के लिए टीना को क्यों बुलाया गया, टीना तो अंकित के इतने क्लोज है ही नहीं, अंकित के क्लोज है तो अर्चना है, सौंदर्या है, प्रियंका है, इन तीनों में से किसी को बुलाना चाहिए था, लेकिन मेकर्स ने ना अंकित को बुलाया, ना प्रियंका को बुलाया, ना सौंदर्या को बुलाया, उन्होंने अंकित के लिए बुलाया टीना को, समझ रहे हो, क्योंकि मेकर्स को भी नहीं पता है बात, कि भाई अगर मैं अर्चना, प्रियंका और सौंदर्या को बुलाऊंगा तो वो तो अंकित के फेवर में ही होंगे, वो लोग क्यों उनको बाहर निकालेंगे। बिग बॉस भी ना सबका माइंड रीड कर लेता है कि किसके दिमाग में किस कंटेस्टेंट के लिए क्या चल रहा है,
अभी लोग यहाँ पर कल बोल रहे थे ना कि अर्चना प्रियंका और सौंदर्या को नहीं बुलाया, अर्चना प्रियंका और सौंदर्या को इसीलिए नहीं बुलाया क्योंकि वो क्यों उसको जो है कैप्टनसी की दावेदारी नहीं देंगे, क्यों उसको जो है वो नॉमिनेशन में डालेंगे। हाँ लेकिन यहाँ पर मैं बोलूंगी कि शिव और निमरीत जो है वो उसकी मंडली में है, साजिद की मंडली में है, लेकिन कहीं ना कहीं वो सिर्फ अपने लिए गेम खेल रहे हैं, तो अगर उनको मौका मिलेगा तो वो साजिद को भी नॉमिनेशन में डाल देगा। और मैंने आप लोगों को ये चीज उस दिन भी बोली थी जब ये नॉमिनेशन टास्क हुआ था, वहां पर शिव ठाकरे ने प्रियंका चहर चौधरी को जो वो चरखी वाला टास्क हुआ था उसको नॉमिनेशन में डाला था क्योंकि उसको पता था कि सबसे वीक कंटेस्टेंट जो है जितने भी लोग जो है वो इसमें आए हैं नॉमिनेशन में आया है उसमें से साजिद खान जो है वो सबसे वीक कंटेस्टेंट है, उसका बाहर को इतना फैंडम भी नहीं है, इसलिए उस टाइम पर उसने ना तो सौंदर्या को इविक्शन में डाला था और ना ही उसने अर्चना गौतम को इविक्शन में डाला था, नॉमिनेशन में डाला था, क्योंकि उसको पता था कि अगर जाने के चांसेस हुए तो वो साजिद खान के होंगे। लेकिन उस वीक जो है वो इविक्शन नहीं हुआ क्योंकि कल भी जब शालिन और शिव ठाकरे दोनों आपस में बातें करे थे तो शिव ठाकरे ने कल भी बोला था कि देखो मैंने सौंदर्य को इसलिए निकाला क्योंकि सौंदर्य का इतना कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, उसका बाहर भी इतना कोई मतलब बड़ी बहुत सारा फैंडम वगैरह नहीं है। तो ये सब चीजें ना इनके माइंड में चलती रहती हैं और बिग बॉस को पता है कि कौन किसकी मंडली में होकर भी उस मंडली का हिस्सा है या नहीं है, इसलिए साजिद खान के लिए जो है वो शिव और निमरित को बुलाया गया था और अंकित के लिए जो है वो टीना को बुलाया गया था। और आजकल हम लोग ये भी देख रहे हैं कि टीना की थोड़ी बहुत बातचीत भी हम लोग देख रहे हैं एपिसोड में। मैंने तो नोट भी किया है कि टीना से वो बातचीत भी खुल के कर रहा, जितना प्रियंका से इतनी नहीं कर पा रहा। तो ये वो बिग बॉस देखता है। निमरित के लिए तो यही बोलूंगी, निमरित मुझे बहुत बड़ी अटेंशन सीकर लगती है। मैं निमरित के लिए मेरे पास एक ही वर्ड है, अटेंशन सीकर। जब उसको लगता है ना कि अब मुझे अटेंशन नहीं मिले तो भाई मैं रोने लग जाऊं, और अब मुझे अटेंशन नहीं मिल रही, मेरे ग्रुप वाले ही मुझे अटेंशन नहीं दे रहे हैं, है ना, तो वो मुझे बस सबसे बड़ी अटेंशन सीकर लगती है और इससे ज्यादा कुछ नहीं लगती। निमरित सुम्बुल से भी छोटी बच्ची है, बीबी के लिए इतना ज्यादा डायरेक्शन दे रहे हैं बट वो जाके इनडायरेक्टली साजिद को बता भी रही है कि क्या गाइडलाइन मिल रही है। सेम उसने अर्चना वाली बात भी तो बता दी थी ना सबको जाकर, लेकिन चलो अच्छा उसने अपने ग्रुप को बता दी थी, शिव ठाकरे को उसने सारी बातें बता दी थी कि अर्चना मुझसे ऐसे 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 जो है वो बोल रही है। कल के टास्क के बारे में मैम एपिसोड के बारे में भी बताना चाहूंगा। सब जो कह रहे थे ना कि ये वन साइडेड था, मैम एक बात बताऊं, कल इतना जबरदस्त और डबल दोनों साइड का था, लेकिन इन्होंने टास्क ही नहीं समझा। सीरीज मैच हुआ, जेलर चाहता ना, जो सब सबसे पहले सोनेरिया ने क्या किया, चाबियों की साइड को अपने साथ ले लिया। वो चाहती ना तो वो पूरी पूरे एक जिला को एक साथ निकालती, और जो वो चीज है ना, मड जो थी जिसमें से चीज बनानी थी वो अपने पास रख लेती, अब वो नहीं देती। तो यहाँ पर टास्क उनके हाथ में हो जाता, फेवर में हो जाता। तो ये कह रही थी ना कि मेरे नहीं बन पा रहा, या फिर उसका पीस इतना कम देती उन सबको, तो इनके बनाने में मुश्किल होती। क्योंकि वहां पे बिग बॉस ने बोला था एक के बाद एक करके आप उन सबको दो, तो आप छोटा पीस दो ताकि उनके लिए मुश्किल हो, इस टाइम से उसके लिए भी आसानी हो जाती, लेकिन यहाँ पे नहीं किया। मेरे हम हिसाब से ये तो टास्क देखते पूरी तरीके से सही था, टास्क किसी भी तरीके से बायस नहीं था, लेकिन इन लोगों को खेलना ही नहीं आया। मेरे हिसाब से जो शिव ठाकरे वाली टीम थी उसने जबरदस्त टास्क खेला था, लेकिन ये लोगों ने बस दिमाग में यही चला रखा था या तो हम डिस्क्वालिफाई कर देंगे या फिर हम वहां पर जो है फिजिकल कार्ड खेलेंगे, फिजिकल हो गया फिजिकल हो गया फिजिकल फिजिकल, तो इन लोगों ने फिर देखा नहीं कि टास्क में फिजिकल होता कैसे है। ये मतलब जरा मैम। सा लगने लुगने पर धक्का मुक्की को मतलब फिजिकल हो गया, बल का प्रयोग हो गया, आप छोड़ दो आप डिस्क्वालीफाई कर दो। ऐसे तो अगर ये टास्क करने लग गए ना तो फिर पिछले सीजन में तो ये लोग कुछ कर ही नहीं पाते, सिर्फ टास्क जो होते थे उसके अंदर बस कोना पकड़ के बैठे रहते, बल का प्रयोग बल का प्रयोग बल का प्रयोग। पिछले सीजन में क्या टास्क हुए थे मैम, उससे पहले वाले सीजन और क्या क्या टास्क हुए थे देखने लायक के। पिछले सीजन में तो कबड्डी भी हो गई थी मैम, क्या क्या जबरदस्त उड़ा उठा के फेंक रहे थे ये लोग। स्टेन जी का कमेंट ले लेती हूँ, अगर आपने लंच कर लिया हो तो थर्जी फिर आप लाइट ऑन कर लीजिए, अपना कैम ऑन कर लीजिए। स्टेन जी का कमेंट ले दो लेती हूँ, विकास मानक तला कहीं स्टेन से ना भिड़ जाए वरना उसका गेम शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है क्या करता है विकास मानक तला, लेकिन अभी तो मुझे उसका यही लग रहा है बड़ी बड़ी बातें और वड़ा पाव खाते। जो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होकर आता है ना कि मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा वही सबसे बड़ा फुस्सी बम निकलता है। लाइक गौतम बीज को देख लो ना, गौतम बीज कि मैं किचन में जाकर ये करूंगा, ये
मतलब मैं रियल रहूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो भी सबसे पहले वही निकला। जितने भी बाकी के अगर बोलूं तो ये शालीन टीना, ये सबसे पहले, तो जो ज्यादा बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं ना, वही सबसे बड़ा फुस्सी बम निकलता है। हाँ विजय रेड्डी जी, मैं बोलिए आप। बोलिए बोलिए, माइक ऑफ है आपका, माइक अनम्यूट तो कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए विजय रेड्डी जी। म्यूट हो मेरे भाई विजय। अरे भाई म्यूट हो आप, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, बोलने से पहले अनम्यूट करना पड़ता है विजय रेड्डी जी। मैं माफ कर अथर जी आप बोलो। मैम, ये बोलना था कि ये जो दूसरे जो वाइल्ड कार्ड है विकास, उनके बारे में मुझे पता है। एक मिनट, कमेंट लेगा। जबरदस्त कमेंट है कि श्रीजिता का शालीन वाला हक देखा आपने? यस देखा मैंने। हाँ अथर जी बोलिए। हाँ, विकास के बारे में मैंने मुझे वो पता चला है कि मैम ये अंकित गुप्ता है ना, उनके एक फ्रेंड है। अंकित तो गुप्ता और हाँ, प्रियंका, इन दोनों का फ्रेंड है विकास मानक तला, दोनों का फ्रेंड है, सिर्फ अंकित का नहीं, दोनों का फ्रेंड है ये, और ये उनके साथ ही मिलके खेलेगा। तो इसी वजह से इनके साथ खेलेगा। और बिग बॉस ने भी बहुत जबरदस्त डीलिंग की हुई है, तो इसीलिए मैं बता रहा था कि इन लोगों की आपस की है। एक मिनट एक मिनट, 2-3 मिनट मेरे रहेगा, ले लूँ जरा। देखो कोई भी वाइल्ड कार्ड आता है ना, कोई भी वाइल्ड कार्ड आता है तो उसका ना किसी कंटेस्टेंट से कोई लिंक जो है वो जरूर होता है, तभी वो एज अ वाइल्ड कार्ड जो है वो घर में आता है। अभी यहाँ पर श्रीजिता को बुलाया गया है टीना के लिए, क्योंकि हमें पहले भी जो है दिखाया गया था कि मेकर्स जो है वो श्रीजिता वर्सेस टीना करवाना चाहते थे, लेकिन वो हो नहीं पाया। कन्फेशन रूम में भी इन दोनों को बुलाया गया कि भाई आप लोग अपनी पुरानी दुश्मनी को भूल गए क्या? लेकिन उसके बाद भी श्रीजिता ने कोई एक्शन नहीं लिया, हालांकि श्रीजिता को पूरी कोशिश की थी पंप अप करने की मेकर्स ने, लेकिन वो उसने किया नहीं। तो अब उसको पूरी तरीके से, मतलब बोलो ना, घोट कर पिलाकर भेजा गया है कि उसको जो है शो के अंदर आकर क्या करना है। वहीं पर विकास मानक तला को जो भेजा गया है तो वो प्रियंका और अंकित का फैन है। अब ऐसे तो ये लोग खेल नहीं पा रहे, ये लोग टास्क नहीं समझ पा रहे, तो वो अपने आप को बाहर ही बोल रहा है कि मैं बहुत बड़ा मास्टरमाइंड हूँ और ये हूँ वो हूँ, मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। तो भैया तू शॉर्ट टेम्पर्ड है तो उसका मतलब क्या, क्या करना क्या है तुझे शो के अंदर आकर? शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब क्या? शॉर्ट टेम्पर्ड हो तो मतलब आप विनर बन जाओगे क्या शो के? वहां पर रहने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़ता है, शॉर्ट टेम्पर काम नहीं करता। जिसके अंदर दिमाग है वो बंदा आगे निकल जाएगा वहां पर, और जिसके अंदर रियलिटी है वो बंदा आगे निकलता है शो के अंदर। तो वो तो पता ही है कि ये जो है उनका फ्रेंड है प्रियंका और अंकित का, तो डेफिनेटली उनके साथ ही खेलेगा। और उसने बोला भी तो है प्रोमो में कि मैं किसी मंडली का हिस्सा नहीं बनूंगा, और मंडली हमें पता ही है कि मंडली किसको बोला जाता है। कल राहुल जी बोल रहे हैं कि कल सच्ची की मूरत प्रियंका का गेम देख गया, दूसरा को बोलता है फेयर खेलना, अपना वक्त क्या हो गया। यस टिट फॉर टैट, है ना, जो होता है ना कि जब अपने पर आती है ना तब पता चलता है कि कौन कितना महान है और कौन कितनी महानता के साथ जो है वो गेम खेलता है। दूसरों को अनफेयर अनफेयर बोलना बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब अपने पर पड़ती है ना, साम दाम दंड भेद सारी चीजें करते हैं लोग। तो इसलिए तो मैं बोलती हूँ कि यार बिग बॉस के घर में ये पॉइंट तो इन लोगों को उठाना ही नहीं चाहिए, अनफेयर अनफेयर अनफेयर, क्योंकि जब अपने ऊपर आते हैं ना तो हर कोई अपने करीबी को, जो अपने नियर डियर होते हैं, जो अपने फ्रेंड्स होते हैं, उनको ही प्रायोरिटी रखेगा ना। वो अपने हाथ से कैप्टनसी छीन कर दूसरों के हाथ में कैसे दे देगा, या फिर वो अपने वाले लोगों को नॉमिनेशन में डालकर दूसरे वाले लोगों को कैसे सेव कर देगा? तो हमेशा जिसके हाथ में पावर होगी वो अपने लोगों के लिए ही जो है वो खेलेगा। और वहां पर भी अंकित जो खेला अपने लोगों के लिए सही खेला, लेकिन उसको जो है वैलिड रीजन रखने नहीं आया, उसने टास्क ही मतलब रद्द हो जाता जिस तरीके से वो फैसले वहां पर ले रहा था। अंकित गुप्ता को डिसीजन कुछ इस तरीके से लेनी चाहिए थी, डिस्क्वालीफाई करने के बजाय वो ये भी बोल सकता था कि हमारी टीम यहाँ पर जीतती है किसी वैलिड रीजन के साथ है, मतलब एक सॉलिड रीजन देता और फिर बोलता कि इस वजह से जो है वो हमारी टीम जीतती है। लेकिन वहां पर वो अपनी टीम को जिता भी नहीं रहा था और टास्क भी बार 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 डिस्क्वालीफाई करे जा रहा था। दैट्स द रीजन कि बिग बॉस वहां पर बार 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 इंटरफेयर कर रहे थे। मैम जिस तरह से टीना पे प्रमो कट रहा है तो मुझे लगता है कि टीना, हाँ टीना तो कहीं नहीं जाने वाली, ऋषिकेश जी को तो पहले से ही बोल दिया था हम लोगों ने भी कि अभी देखो ये जो लोग आए हैं ना, ये जो लोग नॉमिनेशन में आए हैं, सुंबुल तौकीर खान है, टीना दत्ता है, और कौन है, एमसी स्टैन है, और एक और है, एक और कौन है अथर जी नॉमिनेशन में, चार लोग है ना नॉमिनेशन, निमृत, निमृत है, तो निमृत को भी जितना फुटेज दिया जा रहा है, निमृत भी कहीं नहीं जाने वाली, टीना भी कहीं नहीं जाने वाली, तो ये लोग जो है वो कहीं से कहीं तक नहीं जाने वाले हैं। हेलो डोरीमोन, हेलो जेबा मैम।
हेलो मैम, कैसे हो आप? आई एम ओके जाबा मैम, आप कहाँ गायब हो जाते हो बीच बीच में? ऐसे ऐसे ही मतलब कहाँ गायब हो जाते हो, तीन तीन चार चार पांच पांच दिन के गैपिंग पीरियड पे चले जाते हो आप? हाँ, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लाइव डिबेट्स चलते हैं ना, तो सबका सुन के मेरा तो दिमाग फट जाता है कि तो यार सुनते क्यों हो सबका, तो सुनते क्यों हो पूरा सबका? नहीं सुनती हूँ मैं, क्योंकि चलते तो वो दो दो तीन तीन घंटे है ना, इतना तो टाइम नहीं होता है। मैं दस दस मिनट ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते हुए सुन के क्या करती हूँ, चली जाती हूँ कि टॉक्सिसिटी हो राउंड जाती सा है। मार लेते हो, मतलब राउंड सा मार लेते हो। हाँ, मन कहता है। अभी देखो क्या होता है ना, सबका एक एक ये है। जैसे एक होता है जो शिव को सपोर्ट करते, एक होता है प्रियंका को करते, एक एमसी स्टैंड को। अभी हम लोग जाकर बोलेंगे तो हमारे पर ठप्पा लग जाता है कि अरे आप शिव वाले हो ना इसलिए ऐसा बोल रहे, अरे और एमसी स्टैंड वाले हो ना इसलिए ऐसा बोल रहे। बेटर है कि आप अपने पॉइंट इतना ज्यादा मतलब जाके दूसरों को हर्ट भी ना करो और चुप रह के यहाँ अपने पर माइंड में देखो रखो। जैबा मैम, यहाँ पर हम किसी को नहीं बोलते कि आप शिव ठाकरे वाले हो इसलिए आप शिव की साइड बोल रहे हो, नहीं या नहीं आप होस्ट नहीं बोलता है कहीं पे प्रियंका भी, होस्ट वाले एक्चुअली नहीं हो बोलते हैं। क्या होता है, नहीं, मैं बोलती हूँ पैनलिस्ट लेकिन और कमेंट्स होते हैं ना, जैबा तो मैम अगर मैं बोलती हूँ, वैलिड पॉइंट भी मैं बोल रही हूँ ना, तो क्या हो जाता है पता है कि अरे आप शिव वाले तो आप ऐसे ही बोलोगे, अरे आप एमसी स्टैंड वाले तो आप ऐसे ही बोलोगे, ऐसा हो जाता है। अभी तो क्या क्विट क्यों कहो, करना, तो ज़ैबा मैम क्विट क्यों करना? अगर हम सही हैं तो हमें अपने पॉइंट्स मैं रखने कुछ चाहिए नहीं ना। करती हूँ मैम, मैं कुछ नहीं करती हूँ। हाँ पता है क्या होता है मेरे माइंड में, ये होता है कि अगर मैं सही हूँ तो सामने वाला अगर गलत भी बोल रहा है तो उसकी नजर में वो सही है ना, तो मैं कैसे उनके ओपिनियंस को क्वेश्चन कर सकती हूँ, ये नहीं हो नहीं जाता है। इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन अगर सामने वाला कोई पॉइंट रख रहा है और आपके पास उसका सॉलिड काउंटर है तो आप काउंटर दो, फिर वो तो ऑडियंस मेरे डिसाइड पास करेगी। सॉलिड काउंटर होते हैं। ऐसा भी होता बस है ना कि क्या होता है, एक बंदा होता है जैसे कहीं अभी शिव के जो डिबेट्स चल रही है ना वहां पर जाएंगे, अगर 8 लोग शिव के सपोर्टर हैं एंड वो एक होता है तो वो कॉर्नर हो जाता है। मैं भी इसी तरह होती हूँ कि कहीं पे मैं अकेली होती हूँ और बाकी सर इतने ज्यादा काउंटर्स देने का मुझे मौका भी तो नहीं मिलता है ना। अभी कल वाला एपिसोड के बारे में बोलूं, एक मिनट क्योंकि डोरीमोन 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 डोरीमोन, अभी जैबा मैम की टर्न है ना, अभी मैं आपका भी नंबर आएगा, कुणाल जी का भी नंबर आएगा। हाँ जैबा मैम बोलिए। मैं कल के एपिसोड में बोलूंगी। देखो पहले तो मुझे बिग बॉस का इतना ज्यादा इंटरफेयर करना पसंद नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिकली एक साइड चला जाता है, ऑडियंस जो है ना एक साइड चले जाते हैं। वो लॉजिक नहीं सोचती है ना, पिछले टास्क का लॉजिक सोचती है ना अब का लॉजिक सोचती है, डायरेक्ट क्या करती है, अरे इनके टाइम पे इंटरफेयर किया है तो ये लोग गलत हैं, तो ऑपोजिट टीम के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं और इनकी साइड हो जाते हैं। जबकि एमसी स्टैंड जब संचालक बना था उसने पूरा टास्क होने दिया था, लास्ट में उसने अपना पॉइंट क्लियर रखने का जब उसको मौका मिला था तब उसने अपना पॉइंट रखा था। जब साजिद खान बने थे, भले ही मुझे साजिद खान कितना भी नापसंद हो, मुझे नहीं पसंद है वो, लेकिन जब है ना साजिद खान को संचालक बनाया गया था, वो जो खोपड़ी वाला टास्क था उसमें संचालक के हाथ में राइट दिया गया था कि वो कोई भी टास्क मना कर सकता था, कंटेस्टेंट नहीं इवन चाहे तो संचालक भी मना कर सकता था। उस टाइम पर जब वो मना कर रहे थे उनको चीटर चीटर बोल रहे थे, जबकि उनको बिग बॉस ने राइट दिया हुआ था, आपको यहाँ डिस्क्वालिफाई का राइट नहीं दिया था, पास हुए हैं या नहीं हुए हैं सिर्फ इतना बोलना था। उसमें भी मैं बोलती हूँ अंकित को अपनी टीम के साथ ही खेलना चाहिए था, यहाँ मैं फेयर अनफेयर की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ दिमाग की। अगर देखो फर्स्ट राउंड में क्या हुआ था, स्टैम जो लगा था ना वो चाहता तो परफेक्ट रीजनिंग दे सकता था ये बोलकर कि स्टैम गलत लगा है, वो बोलकर वो डिस्क्वालीफाई कर देता। सेकेंड राउंड में शिव भाग गया था उसको अग्री कर लेना चाहिए था, थर्ड राउंड भी अर्चना भाग गई थी उसको अग्री कर लेना चाहिए था, फोर्थ राउंड खिला करना तब भी अगर वो अनफेयर करता तब भी अच्छा लगता, क्योंकि बिग बॉस ये चाहते थे कि ये फिजिकल फाइट हो, यहाँ पे कोई गुफा में घुस रहा है तो उसको पकड़े टाइट पकड़े, यहाँ पे थोड़ा भी हो रहा था तो फिजिकल 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 हो रहा है, हाथापाई हो रही है, हिंसा हो रही है, डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई डिस्क्वालीफाई। संचालक का काम होता है लास्ट में सोच समझ कर बोले, और पुलिस वाले जो अंदर घुस रहे थे 5 लोग उनको भी रोके। आप ऐसे नहीं कि आप एक जगह पे जाके बेड पे बैठ के संचालन आप नहीं कर सकते, फोर्थ राउंड होने ही नहीं दिया। तो बिग बॉस ने इतनी मेहनत की, इतना खर्चा किया है ना,
उस वजह से बिग बॉस को गुस्सा आ रहा था। अब लोग बोल रहे हैं कि साजिद की टीम को जिताना चाहते हैं इसलिए बोला, ऐसा होता तो साजिद को भी बैश थोड़ी ना करते बिग बॉस, कन्फेशन रूम में बुलाकर साजिद और अंकित दोनों को एक्सपोज किया ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंकित को बोल रहे थे, क्योंकि ये अंकित के ही वर्ड्स थे कि सेवा मैम सॉरी इंटरप्ट करूंगी, अगर साजिद की टीम को जिताना होता ना तो बिग बॉस ये टास्क ही रद्द कर देते, कहते कि अंकित डिसीजन ही नहीं ले पाए, ये टास्क ही रद्द होता है, क्योंकि अगर हम अगला राउंड रखते हैं तब भी ये डिस्क्वालीफाई होगा, तब भी कोई वैलिड नहीं होगा, क्योंकि दो दो राउंड हो जाएंगे और पहले दो राउंड वो डिस्क्वालीफाई कर चुका था, सिर्फ एक राउंड सिर्फ जीता था, अगर चौथे राउंड में भी वो टीम जीत जाती तब भी वो रद्दी होता, तो कहीं से कहीं तक रिजल्ट निकलता ही नहीं, लेकिन बिग बॉस ने उसके ऊपर होकर इनकी टीम को जो है कैप्टनशिप की दावेदारी दी है। हाँ वही ना, अगर बिग बॉस ऐसा ही करना चाहते हैं यार, लॉजिकल पॉइंट्स, आप पिछले टास्क में बिग बॉस ने इंटरफेयर किया है नहीं किया, इस पेज पे क्यों कर रहे हो, पिछले टाइम में क्या टास्क के रूल्स थे, इस टाइम क्या टास्क के रूल्स हैं, वो क्यों नहीं देखते हो आप लोग। और ये अंकित की बात थी ना कि टास्क में ना आधा कंटेंट निकल जाता है, तो आपने कंटेंट ही नहीं निकलने दिया, अभी वीकेंड के बारे में क्या बात होगी, अगर झगड़ा नहीं होगा कुछ नहीं होगा, मुद्दा नहीं होगा, स्पेशली हम देखते हैं हिंदी बिग बॉस में यही होता है कि वो छोटे छोटे मुद्दों पे बात नहीं करते हैं, उनके लिए चाहिए बड़ा मुद्दा, बड़ी फाइट, वो क्यों नहीं होने दी संचालक ने। अब एमसी स्टैन और जो शिव ठाकरे थे ना और अर्चना, इन दोनों इन तीनों ने मिलकर ना टास्क बहुत एंटरटेनिंग बनाया। अभी चोरी करने की बात थी, चोरी कैसे करेंगे, थोड़ी ना मांग के करेंगे, छीना झपटी तो होगी ना। अब वहां पे एक बहुत फनी चीज हुई कि शिव ठाकरे बोलता है कि अरे अब तू पकड़ के खड़ा है ना, अब मैं चोरी कैसे करूंगा, उसके लिए मुझे छीनना ही पड़ेगा, तो एमसी स्टैन बोलता है कि बाहर बाहर चोर लोग हंस रहे होंगे ये हंस रहे होंगे, देखकर। चोर लोग हमें गालियां देंगे, अगर हम चोरी नहीं कर पाए तो चोर लोग हमें गालियां देंगे। मैम अपने वो एमसी स्टैंक जो देखो इतना डाउन सबसे होता है बड़ी ना, बात देखो, उसके हाँ लिए सबसे टास्क बड़ी होना बात बहुत देखो, जरूरी है। सबसे बड़ी बात देखो, जहां पर अंकित को सौंदर्या को बोलना चाहिए था वो बल का प्रयोग जो बोला था सौंदर्या को बोला, पहली बात तो ना जैबा मैम इन लोगों को टास्क ही समझ नहीं आता, टास्क जो ही ये नहीं समझ ट्रिका में के आता है। टीम है ना इन लोगों को टास्क ही समझ में नहीं आता, वहां पर जितने भी जेलर थे उनको एक्टिविटी करवानी थी, और वो हाँ एक्टिविटी करवाने के बजाय वो मैडम वहां पर चाबी पकड़ के खड़ी हुई थी, तो अगर तुम चाबी पकड़ के खड़ी होगी अपनी जेब में चाबी डालोगी तो सामने वाला तो तुम्हारे साथ फिजिकल होगा ना, वो क्विट थोड़ी कर हाँ देंगे तुम्हारी वजह से अपना गेम, कि भाई सौंदर्य ने तो पॉकेट में चाबी डाली है, सौंदर्य ने तो चाबियां पकड़ एक ली है, और अब हम पॉइंट बोला था चाबी लेने हमारे चलेंगे, महासंचालक ने, अगर आपने सुना है तो, बोल रहे कि अरे वो तो एक इंस्पेक्टर है उस पर सात सात लोग चढ़ रहे, तो फिर साजिद के टाइम पे भी सात लोगों को टास्क दिया गया था कि एक के ऊपर कॉफी डालो, एक को रैप करवाओ, एक को माइक उतरवाओ, वहां पे 7 वर्सेस 1 क्यों नहीं दिखा इन लोगों को। सीक्रेटली बोला गया था, यहाँ तो ओपनली आपको बताया जा रहा है कि सामने और वाले को क्या चीजें बताई जाए, कि सामने वाले को किस तरीके से जो है वो फरार होना है, वहां पर तो सीक्रेटली आप लोगों को बताया था, तब भी आप लोग टास्क नहीं कर पाए थे। और यहाँ पे एक चीज और ऐड करूंगा, यहाँ पे सबको सेल में बंद किया गया था मैम, सीधी सी बात बताऊंगा, और सेल में से आपकी मर्जी थी कि आप किसको निकालो किसको नहीं निकालो, किसको नहीं निकालो, इसको निकालो, इनको दिमाग सबको से लगा निकालना दिया जरूरी गया नहीं था। था, वो चाहते तो एक को यस भी निकाल सकते थे, यस और चाहे तो टाइम के लिए, टाइम पास करने के लिए पूरा टाइम लगा के किसी को भी नहीं निकालते। हाँ नहीं फिर तो बिग बॉस बोलते ना, फिर तो टास्क नहीं ही नहीं होता, एक्टिविटी करवानी थी एक्टिविटी ना अथर जी, तो एक्टिविटी करवानी करवानी थी थी तो निकाल मैम, वो निकलवाना था। आप वो निकलवा हटा देती ना, जो मर्ड जो थी बिग बॉस ने ये तो नहीं बोला था कि जो मर्ड है वो अपने पास कि वो उनके हाथ रखो, आप मर्ड अपने पास रख लेती अब ये उन देखो लोगों। फिजिकल जो है ना, फिजिकल जो है ये दोनों बार ना देख लो इनकी टीम की तरफ से हुए हैं, पहली बार सौंदर्या ने चाबियां पकड़ ली थी तो सामने वाली टीम को तो भाई चाबियां लेनी लेनी थी, उनको भी अपना टास्क करना था, सेकंड टाइम जब अर्चना वहां से फरार हुई थी टनल से तो प्रियंका आई थी वो गेट बंद करने के लिए, जिसकी वजह से अर्चना को वहां पर चोट लगी है, तो दोनों बार जो फिजिकल हुआ है ना वो इन लोगों की वजह से हुआ है। और उन्होंने एमसी स्टैंड के ऊपर डाल दिया ना, सेकेंड टाइम जो अर्चना भाग रही थी, एमसी स्टैंड ने पैर पकड़ लिया, वो बोल रहा मैंने पैर नहीं गेट पकड़ा। गेट और मैं चाहती हूँ ना, जो एमसी स्टैंड इतना डाउन रहता है ना, उसके लिए ये घर के मुद्दों में वो नहीं पड़ेगा, इसके लिए टास्क होना जरूरी है जिससे उसको भी यस मजा आए ये टास्क। अभी इस बार देखो यही तो गधापंती करते हैं कि जब फिजिकल टास्क होता है तो सब लोग एक्टिव हो सकते हैं, वो भी ये लोग ठीक से होने नहीं देते। एंड मुझे एमसी यस स्टैंड के लिए ये लग रहा है कि कहीं वो एमसी स्टैंड को ही ना निकाल दे, क्योंकि आज कल अगर आपने सुना तो वो टीना से कुछ बात कर रहे थे कि मैं बाथरूम में जाता हूँ मुझे सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जो बीप किया गया था, तो कहीं उसको ये ऑप्शन ना दे दे कि वॉलंटरी एग्जिट करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि अभी टीना का चांस लग रहा था तो श्रीजिता को लेकर आ गए। यस
मैम तो टीना आई तो होप नहीं कि निकलती जैबा मैम, पूरा वीक देखो ना उसको कैसे लाइमलाइट में रखा जाता है, लाइव फीड में उसको शालीन टीना दिखाते रहते हैं, नहीं तो नहीं टीना मैं तो कहीं वोटिंग से के कहीं बेस तक पे बोल रही निकलने हूँ। वाली। वोटिंग बेस हाँ पर देखा जाए तो उसको सबसे कम वोट्स आ रहे हैं मैं मुझे एक उसके पॉइंट सर। पूछना था कि अगर समझे कल फेयर भी खेलते, अनफेयर तो हुआ ही, मैं कुणाल मान एक मिनट, एक मिनट कुणाल एक मिनट, ओके। शिपली ज्वाइन करो, आपने ज्वाइन किया था फिर से लीव कर लिया, ज्वाइन करो शिपली। हाँ कुणाल बोलो, कंटिन्यू हाँ करो। मैम मुझे ये पूछना था कल देखिए ग्रुप के लिए अगर संचालक है तो वो अपने तरफ करेगा ये तो माना, अगर वो फेयर भी खेलते तो मेरे को सिर्फ एक सवाल पूछना था ये जो था पुलिस ऑफिसर वो किस तरीके से जीत सकते थे, पहला मेरे को ये पॉइंट है वो किस तरीके से जीत सकते थे। हाँ बता दीजिए बहुत ये मेरे ब्रो सवाल बहुत है। इजी, मैं अरे बता पूछिए देता पूछिए। हूँ यार। देखो टास्क करवाना जेलर के हाथ में था, सेल में बंद ये लोग थे, उसके में ये था कि आप अपनी मर्जी से किसी भी कैदी को निकालें, समझ में आई? समझ में आ आप गई ये यस, तो अब आप मतलब सोचो। अब्दू को निकालो, अब्दू को बोलो क्ले बना, अब्दू को बोलो ऊपर से कुडी मार, समझ गया ओके थैंक्स। सेकंड पॉइंट मेरा ये था कि भाई मैंने सोचा मतलब बोलना है कि अगर कल जीत जाते ये लोग तो आपने देखा सेकंड टास्क जो उसने बोला तुम लोग जीत गए हो यानी शिव ने कुडी मारी, सेकंड फर्स्ट थर्ड टास्क अर्चना आराम से निकल गई और पहले टास्क में भी मेरे ख्याल से अर्चना ने वो क्ले और चाबी बनाई थी अर्चना और एमसी दोनों ने मिलके, तो जब ये मंडे को होता और ये लोग जीत जाते वो लोग चूज करते अर्चना को, नहीं बोलते अर्चना तूने कुछ मेहनत नहीं की है, शिव तूने मेहनत की है एंड अरे असम्पशन पे अजम्पशन मत पे मत जाओ। जाओ, अजम्पशन पे मत जाओ, जो हम देख रहे हैं ना उसके ऊपर हम बात करते और हैं, इस हिसाब क्योंकि से अगर मुझे देखा कल चाबी मेरे नहीं को फील हुआ मिलती। अर्चना को चोट लगी ना कोई नहीं गया उसके पास, मतलब कुणाल बुरा अगर लगा। चाबी ही नहीं मिलती तो वो स्टैम्प कैसे लगाती अर्चना, और चाबी कुणाल आप किसने ये नहीं ली? बोल सकते कि कोई नहीं गया उसके पास, सारी चीजें हमें एपिसोड में नहीं दिखाई देती, पहले तो हम लाइव फीड में देख लेते थे क्या क्या हुआ है, लेकिन टास्क के अंदर क्या क्या हुआ है क्या क्या नहीं हुआ ना, वो बस जो इंपॉर्टेंट क्लिप्स होती है ना वो काट कर हमें एपिसोड के अंदर अच्छा दिखाई जाती है। इंपोर्टेंट ही और जब निकालते एमसी हैं। स्टैन ने देखा ना, जब एमसी स्टैन ने देखा ना टनल में उसका पैर अड़ गया, तो वो वहां से वो गेट हटाने भी गया था। हाँ पता है वो मैंने देखा, मैं बाहर कह रहा हूँ हाँ जब बाहर है एमसी का तो मैंने देखा जब वो अंदर गए इतना ना इतना डिटेल में नहीं दिखाते एपिसोड में कुणाल, ऐसा हो क्योंकि नहीं सकता टीना कि का चोट दिखाया था। लगी हो। हाँ तो वो थोड़ा बहुत ही दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता कि वो सबका ही दिखाएंगे, ठीक है ना, अच्छा एपिसोड में वो मेन फोकस उनका टास्क के ऊपर होता है। हेलो शिपली, ड्रामे टीना ड्रामा भी तो ज्यादा करती है ना कुणाल, ज्यादा इतना करती चीकम है। चिल्ली तो उस पे ऑटोमेटिकली फोकस चला जाता है, हर कोई इतना ड्रामेबाजी नहीं करता है वहां पे। आजकल वैसे भी कैमरे का ध्यान टीना पर और टीना का ध्यान कैमरे पर ही रहता है, नोटिस करोगे तो आप। सर इस बार एमसी को उडर सिनेमैटिक डाल ले जो आप हमेशा कहते हो ना सिनेमैटिक हर वीक में, सर मैम आप हर वीक में सिनेमैटिक कहते एक हो। मिनट, एक कुणाल जी सिनेमैटिक जी कह रहे कि शिल्पा मैम कभी अलग अलग चैनलों के होस्ट के बीच डिबेट होती है क्या? होगी तब बहुत मजा आएगा, इनविटेशन बहुत आते हैं मुझे बट मैं ज्वाइन नहीं करती। मैम आप हमेशा कहते हो ना एक चीज कि साइड से एविक्शन होगा सीक्रेट रूम में डाल दे या कोई रूम में मैं नहीं बोलती इस सीजन में तो सीक्रेट रूम का मतलब ही नहीं, क्योंकि अच्छा ओपनली बिग बॉस सब कुछ बता हाँ रहे मतलब हैं। उसका मतलब अगर जो भी अगर ऐसी चीज है जहां पर लोगों के ये दिखाया जाए कैसे, तो मैं चाहता हूँ एमसी को डाल दे, एमसी को पता तो चले सब चीज क्या हो रही है, एमसी को डाल दे अगर उसमें दिखाते हैं। आप मैंने सुना है क्या होता है सीक्रेट रूम सर्च क्या, पहली बार देख रहा हूँ उसके हाँ लिए वो सब सब दिखाते हैं दिखाते उसके हैं अंदर। क्या क्या चीज कहते हैं एमसी के बारे में दूसरों के 24/7 बारे में, डाल दो एमसी को अंदर दिखाओ ये सही एक बोला हफ्ते कुणाल, दो डाल हफ्ते दो एमसी को अंदर एक हफ्ते के लिए, ये हाँ जबरदस्त पता तो पॉइंट चले है। क्या। पहली बार मेरे को मैंने सर्च किया व्हाट इज सीक्रेट रूम, मैंने हाँ फर्स्ट सीजन देख रहा हूँ जैसे पता चला डाल दो पता चलेगा ये। निमरीत ने शिव को आके क्या बोला, मेरे को अर्चना ने ये सब बोला तेरे बारे में, ये बोला निमरीत मैंने एमसी को बोला वो मेरे सच्चा खेलता है, कैसे बोलू नहीं बोल सकता नहीं बोल सकती, सलमान खान चलो पॉइंट उठाए ना उठाए। एमसी स्टैन उनको इतना ज्यादा कंपटीशन लगता ही नहीं है ना, पहली बात उनको लगता है कि शिव ठाकरे कंपटीशन है तो अच्छे ऑब्वियसली शिव इंसान नहीं दिखते ठाकरे के बारे कंपटीशन, में अंकित बोलेंगे। कुछ नहीं है एमसी कुछ नहीं है, अच्छे इंसान दिखते ही नहीं है। जो चुप रहता है ना उनके बारे में बात नहीं करते कुणाल जी, बात जो नहीं गेम होती ज्यादा, दिमाग लगाता है जिनको लगता है जिससे उनको खतरा है उनकी गेम पलट सकता है उसके बारे में ही बात करेंगे ना। हेलो शिपली, अरे फिर से रिमूव हो गई। हाँ दास जी आप बोलिए। अरे क्या हो रहा अरे है ये ये? भी हेलो चले गए शिपली,
इसलिए आवाज आ रही है, इसी प्रकार ना नेटवर्क इशू हो जाता है बार बार। हाँ बोलो अथर जी। मैम कह रहा हूँ कि आप इविक्शन क्यों कर देती हैं, मिडवीक इविक्शन क्यों कर रही हैं? नहीं, मैं नहीं कर रही एविक्शन, अपने आप ये लोग भाग रहे हैं। मैंने बोला क्योंकि एमसी उधर गया ना, मैंने सर्च किया इसका मतलब, फर्स्ट सीजन देख रहा हूँ तो पता चलेगा ना उसको क्या क्या अरे मैं चीज बता करते रही थी हैं। कुणाल जी, आपको सर्च वर्च करने की जरूरत नहीं है, हमसे पूछ लेते, सीक्रेट रूम कोई भी बता देता आपको क्या था। सीक्रेट रूम में इनको 24/7 का जो है वो पूरा लाइव दिखाया जाता है, कौन क्या बातें कर रहा है, और स्पेशली इनके बारे में कोई क्या बातें कर रहा है वो जरूर इनको दिखाई दे जाती है तो सीक्रेट रूम सही में। बात है। और कोई अच्छी बात करता है अगर, जैसे अर्चना ने सौंदर्या की उसका यूज कर रहे हैं वगैरह, तो वो प्लेयर अगर उसको पॉजिटिव लेता है कि नेगेटिव लेता है उसकी मर्जी ना, पता तो चले उसको कि गॉड। कल तो भाई इसने अर्चना क्या नाम है, निमरित रो रही थी, आप ही आते हैं मेरे साथ, आपसे उम्मीद है, अब्दू से ऐसा क्या नाम है, शिव से, एमसी भूल गई वापस, ये लोग तो भूल ही गए एमसी नाम का प्लेयर है। अरे चुप रहता है तो क्या, वो अंकित भी चुप रहता है, वो लोग नाम लेते हैं ना, अंकित समझता है, दिल का अच्छा है, वो लोग तो नाम भी लेते हैं लड़ाई झगड़ा करके, तुम तो लड़ाई झगड़ा करके भी नाम नहीं ले रहे हो, वाह। हेलो शिपली, आवाज आ रही शिपली तुम्हें मेरी? शिपली यार, शिपली को आवाज नहीं आ रही शायद। हाँ आप बोलिए प्रसन्नजीत जी, आप बोलिए जब तक। मैम, मैं कल के टेस्ट में मैं बहुत सारी आप लोग, मेरा बस सही से आ रहा है ना मैम जी? हाँ, आपकी आवाज सही आ रही है। कल के टेस्ट के बारे में मुझे बात करना था। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि सभी लोग बोल रहे हैं कि संचालक अनफेयर या ऐसा कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कल टेस्ट ही थोड़ा सा केडीयू की तरफ मुड़ा हुआ था, जितना भी कह लीजिए। अब मुझे इतना बता दीजिए सभी को, मैं कुछ समझ में नहीं आया कि पुलिस अगर जीतना चाहेगा भी तो कैसे जीतेगा, पुलिस के हाँ पास सत्यजीत कोई तरीका ही नहीं जी, था। पुलिस इसलिए जीत पाएगा क्योंकि फैसला संचालक के हाथ में था, लेकिन नहीं, संचालक ने जो रीजन दिए ना, वो रीजन ही संचालक ने गलत दिया, उसने डिस्क्वालीफाई कर दिया, उसने अपनी टीम को जिताया ही नहीं एक भी राउंड में, उसने वो राउंड ही डिस्क्वालीफाई कर दिए। आप लोग इतना तो बताइए ना कि पुलिस जीतेगा कैसे इस खेल को, जीतेगा पुलिस मैं कैसे जीतेगा, बताऊं? पुलिस के पास क्या था? प्रसन्नजीत, एक्टिविटी प्रसन्नजीत, नहीं होने देती। हाँ जयबा मैम बोलिए। हाँ मैं इनको बोलती हूँ, बिग बॉस ने एक्टिविटी दी थी ना प्रसन्नजीत जी, अगर वो एक्टिविटी करवाना चाहते तो करवा सकते थे, ऐसा कंपलसरी नहीं था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर एक्टिविटी के लिए किसी को लेकर आ रहे हैं, सारे कैदियों को लाना जरूरी नहीं था वहां पे। बिग बॉस ने नहीं बोला कि सारे कैदियों से करवाओ, आप कैदियों से करवाओ देखो, बोला था। इसमें कोई ताला सिस्टम नहीं था, जेल का कोई ताला नहीं था, आप गेट में कोई ताला नहीं था, ताला मरा बेटा हुआ वो था। पॉइंट, वो ताले वाले की बात नहीं, अगर लॉक किया है तो पुलिस वाला ही नहीं, खोल कोई सकता लॉक है। नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जब जब संचालक तो आपका देखिएगा। अपना है ना, संचालक तो नहीं आपका अपना है, देखिएगा, डिस्क्वालीफाई कर दो जब कंपनी जब को। एक सेकेंड नहीं अथर जी, देखिएगा, प्रियंका जब लिख रही थी ना कुछ, सब अपने अपने कैदी खुद ही बाहर आ गए थे। प्रियंका तो जब लिख रही थी, आप आ गए, मैं देखा ना। प्रसन्नजीत संचालक क्या संचालक क्यों कर है? संचालक रहा था का क्या उस काम था उस वक्त? संचालक का, संचालक खेल में क्यों बोलेगा, कैदी अपने अरे बाहर खेल में आएगा, तो संचालक ही बोल सकता है संचालक के प्रसन्नजीत रीजन ही गलत जी। थे यार। वो तो पुलिस का है ना, वो तो पुलिस का नहीं, स्ट्रेटेजी होगा ना कि वो कितने लोगों को लाएगा, अकेले बनाएगा। आप जो बोल रहे हैं, प्रसन्नजीत आप जी लोग जो देखो, बोल रहे एक मिनट, काम डाउन काम डाउन। देखो अगर आप क्वेश्चन पूछोगे ना, तो फिर वो ना क्या होगा, वो समझ नहीं आएगा, फिर सामने वाला आंसर भी देगा। आप अपने पॉइंट्स रखिए, उसके बाद फिर जिसको काउंटर देना होगा ना, वो काउंटर देगा। आप अपने पॉइंट्स रखिए। सभा मैम प्लीज ऑन योर कैमरा। हाँ प्रसन्नजीत जी बोलिए। मैं एक कहना चाहता हूँ कि कल का टास्क संचालक चाहे अनफेयर रहे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संचालक फेयर था अनफेयर था, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। संचालक अनफेयर हो सकता है, बिग बॉस की हिस्ट्री में जितने भी संचालक हुए अभी तक, तो किसी को भी किसी की कोई भी इतना ज्यादा फेयर नहीं होता है। लेकिन कुछ मेरा सवाल है कि जो टास्क डिजाइन किया गया था, टास्क ही डिजाइन किया गया था कैदियों को जिताने के लिए, आप कोई भी एक तरीका नहीं है जिससे कि पुलिस वाले जीत सके इस टास्क को, उन लोगों को रोक सके, क्योंकि 6 लोग हैं, 6 लोग एक गार्ड को कुछ भी कर सकते हैं। 4 लोग अगर एक तरफ से उसको घेर लेंगे तो दूसरा बाकी 2 लोग उसको आसान से जो कुछ है कुछ कर सकते हैं। प्रियंका में एक मिनट आखिरी स्टैंड राउंड में, बाय, सुनो मैं बोल देता हूँ, आखिरी राउंड में आपने देखा था कि उसमें कोशिश की थी सबको बिठाने के लिए कि आप लोग बैठो क्लास करो, मैं जो लिख रहा हूँ, लेकिन किसी ने बैठा था क्या? किसी ने सभी एक एक
चला गया, तो एक्टिविटी कराने क्या उसमें कुछ भी नहीं है। कोई आप बोल दो कोई सुनने वाला था क्या, कोई छह लोगों में से छह लोग कोई एक्टिविटी करता क्या, अगर एक्टिविटी कराने की कोशिश भी करता कोई एक्टिविटी करता, ऐसा कुछ भी नहीं था। कल का टास्क जो था वो मतलब पूरी तरीके से कैदी वालों में से कैप्टन बनाने वाले थे, था बिग बॉस चाहता था खुद कि कैदी वालों में से कैप्टन बने। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अंकित फेयर संचालक था, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन टास्क डिजाइन ऐसे किया गया था जिससे कि वो कैदी वाले जीते। और एक और रीजन है इसमें, इसमें बिग बॉस का बिग बॉस इसके क्यों चाहते थे, मैं आपको वो रीजन बताता हूँ, क्योंकि वो शिव वालों को या निमित वालों को फेवर कर रहे थे। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूंगा, क्योंकि बिग बॉस को भी किसी को फेवर नहीं करते, बिग बॉस एक शो बना रहे जिससे कि इस शो को इंटरेस्ट हो उसी चीज को करते हैं। मैं दूसरों की तरह नहीं बोलूंगा कि वो शिव वालों निमित को फेवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। बिग बॉस ऐसा इसलिए किया, देखिए आज तक घर में जितने भी कैप्टन बने हैं सबकी कैप्टन के खिलाफ अर्चना कहो, प्रियंका कहो, सुंदरिया कहो, उन सब ने रिवोल्ट किया है। लेकिन पिछले दो तीन दिन से जितने मतलब इस साइड के जब कैप्टन बना है ना, तब उस ग्रुप की ओर से कुछ भी ऐसा कुछ भी एक्टिविटीज किया नहीं गया, तो जिससे कि शो जो है ना वो ठंडा पड़ गया है। तो इस शो को चलाने के लिए उसको इस साइड से कैप्टन बनाना पड़ेगा, जिससे कि अर्चना हो प्रियंका वो लोग उसके खिलाफ बोले कुछ, रिवोल्ट करे। आप इसमें इसको किसी को फेवर करने के लिए नहीं था, उसको अपना अपना शो को चलाने के लिए वैसा किया गया है। उसमें ऐसा नहीं है कि वो शिव बालू को निमित बालू को फेवर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो चाहते हैं कि शो ज्यादा इंटरेस्टिंग बने। एक मिनट प्रसन्न जी, आपने आपने ये स्टेटमेंट कहाँ से सुनी प्रसन्न जीत जी? कौन से स्टेटमेंट? यही वाला कि मतलब जब से ये कैप्टेंसी में थे, जब से वो वाली टीम जो है सामने वाली टीम को रिवॉल्ट नहीं कर रही थी, जब से अंकित गुप्ता कैप्टन बना है। नहीं रिवोल्ट मैं तो खुद मैं कोई से सुना नहीं हूँ, मैं ऑब्जर्व किया हूँ, क्योंकि देखो एक शो होता है जैसे किसी भी सीजन। ओके ये पॉइंट मैं कल ही यहाँ पर बोल चुकी हूँ कि इसी वजह से जो है मेकर्स चाहते हैं कि शिव ठाकरे की टीम से कैप्टन बने, क्योंकि उधर से ना जब ये अंकित गुप्ता कैप्टन बना तो उधर से कोई रिवोल्ट नहीं आ रहा, और ये जो अर्चना है, प्रियंका है, सौंदर्य, ये अपने ही बंदे की कैप्टनसी के अगेंस्ट कभी जाएंगे नहीं, तो इसलिए बिग बॉस भी चाहते हैं। यहाँ पे उनकी हिपोक्रेसी भी दिख रही है ना मैम, वो नहीं दिखता है लोगों को, लोगों को वो लोग सही लगते हैं। वही तो ये पॉइंट भी मैं कल रेस कर चुकी हूँ यहाँ पर, कि उस वाली टीम से जो है वो कैप्टन बने और फिर अर्चना प्रियंका जो कि करते हैं उनकी कैप्टनसी में वो चीजें फिर जो है वो कंटिन्यू। मुझे ये कमेंट का आंसर देना है मैम। इसीलिए कन्फेशन रूम में भी जो है ना अंकित के लिए ना तो प्रियंका को बुलाया गया, ना अर्चना को बुलाया गया, ना सौंदर्य को बुलाएगा, क्योंकि वो लोग अंकित को क्यों नॉमिनेशन में डालेंगे, वो लोग क्यों अंकित को कैप्टेंसी नहीं देना चाहेंगे, इसीलिए उसके लिए वहां पर टीना को बुलाया गया था। और शिव और निमृत को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि उनको पता है कि ये साजिद के सामने तो बोलते हैं लेकिन साजिद के लिए माइंड में इनके कुछ और चल रहा होता है। लेकिन कोई देख सकता है मैम माइंड में कौन घुस के, वो भी अजम्पशन हो गया ना कि माइंड में कुछ है। जैबा मैम देखो साजिद के बारे में निमृत और शिव बातें करते हैं, ये आप भी सुनते हो, ये मैं भी सुनती हूँ, और क्या बातें की जरा बताइए मुझे भी। अगेंस्ट में वो बोलते हैं, अगेंस्ट में बोलते हैं दोनों, अगेंस्ट का सामने भी बोला कल साजिद सर हमें नीचे दिखाने की ये सारी चीजें, लेकिन फिर वो खुल के नहीं बोलते ना साजिद के सामने, जैसे शिव ने कल चुप करा दिया था निमृत को, जब निमृत बोल रही थी तो शिव ने वहां पर चुप करवा दिया था निमृत को, तो बिग बॉस चाहते हैं कि वो बोले वो सारी चीजें, वो सारी चीजें बोले। अब साजिद खान जब नॉमिनेशन में था लास्ट वीक, इस बार शिव ठाकरे ने जो है वो सौंदर्य शर्मा को नॉमिनेशन में क्यों डाला, सौंदर्य क्योंकि शिव ठाकरे अच्छा प्लेयर है, मैं ये नहीं कह रही, वो दिमाग अपना लगाता है, उसको पता है कि कौन वीक कंटेस्टेंट है, कौन शो से जो है वो बाहर जा सकता है। अभी इस बार जो नॉमिनेशन में थे, इस बार जितने बंदे नॉमिनेशन में आए थे, उसने सुम्बुल का सौंदर्य का नाम लिया, क्योंकि उसको पता है कि सौंदर्य का इतना फैंडम भी नहीं और इतना कुछ वो कर भी नहीं रही, वो बस फॉलोअर बनके घूम रही है, वो हमें भी दिखाई दे रहा है, चिखम चिल्लाई के अलावा सौंदर्य का कोई गेम नहीं है। लास्ट वीक जब चरखी वाले टास्क में नॉमिनेशन हुआ था ना, तब वहां पर साजिद खान नॉमिनेशन में आया था, और वहां पर किसका नाम लिया था शिव ठाकरे ने, प्रियंका का, जबकि शिव ठाकरे को अच्छे से पता है कि प्रियंका कहीं से कहीं तक बाहर नहीं जाने वाली। जितने भी लोग उस वीक नॉमिनेशन में थे उसमें सबसे वीक जो था वो साजिद खान ही था, ना ही तो उसका बाहर कोई फैंडम है, तो शिव ठाकरे को पता था कि अगर इविक्शन होगा तो वो साजिद खान का ही होगा, लेकिन वहां पर भी बिग बॉस की ही हिपोक्रेसी की, बिग बॉस ने उसमें कोई नो इविक्शन नहीं किया। तो मैं ये नहीं बोल रही कि वो डर्टी गेम खेल रहा है, वो अपना दिमाग चला रहा है, और बिग बॉस भी उन्हीं लोगों को कन्फेशन रूम में बुलाता है जिसको पता है कि ये किसके अगेंस्ट जा सकते हैं और ये किसके फेवर में जा सकते हैं, इसलिए वहां पर साजिद के लिए शिव और निमृत को बुलाया गया था कि क्यों तुम्हें उसको कैप्टेंसी देनी है।
क्यों ये सारी चीजें करनी है। साजिद भी तो लॉयल नहीं है ना, जब उसका मतलब होता है, जब मतलब होता है ना वो यहाँ पे रह जाता है। वहां पे जब अंकित के साथ डीलिंग की, अगर इतना ही सच्चा होता वो अब्दू के लिए बोल सकता था ना, जो बोलता है कि मैं अब्दू से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वहां पे पीट पीट देखो सामने क्या बोल रहा था, सुम्बुल और शालिन को बात करने से रोक रहा था, क्योंकि वो दोनों कैप्टनसी के दावेदार थे। अगर वो दोनों एक हो जाते, एक होकर किसी और के अगेंस्ट खेलते, तो इनमें से कोई कैप्टन बनता। वही पीछे जाके अंकित के सामने बोल रहा है, पता है रियल कौन है? मैं हूँ, तू है और स्टैन है। अगर आपको पता है कि वो लोग रियल नहीं है तो आप उनके साथ क्यों रह रहे हो इतने हाँ, दिन तो ये से? उसकी तो बिग बॉस में साजिद को तो घर में सबका अच्छा और बनना साजिद है। के अगेंस्ट क्यों बोल रहे बिग बॉस? क्योंकि साजिद मेहनत नहीं कर रहा है, ऐसे ही बैठे बैठे आगे बढ़ रहा है, सिर्फ नॉमिनेशन से बच जाता है और दूसरों को भी टास्क करने से रोकता है वो। एक मिनट मुझे आंसर देना था कि टास्क किस तरीके से बैलेंस बनाया जा सकता था, वो मैं साफ साफ आंसर दे देता हूँ कि जेलर्स के पास भी बहुत सारे ऑप्शंस थे। अरे आपने दे दिया सर कि मतलब वो पहले टास्क में उनको सेकंड। उनको अच्छा वो नहीं हो पाए ना, वो नहीं हो पा रहे अच्छा ना उनको। एक एक चीज का मैं आंसर दे देता हूँ। सौंदर्य के पास क्या क्या आंसर था, वो क्या क्या वो है वो भी मैं बता देता हूँ। मैं वो सौंदर्य चाबी इन नहीं छुपा था। जनरल बताइए, इतना डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। इन जनरल बता दीजिए कि पुलिस वाले कैसे जो अरे छह भाई लोग है, अगर एक आप लोग आंसर लेना एक चाहते हो तो ले सकते हो प्रसन्नजीत जी, आप आंसर क्या सुन कर रहे हो लीजिए पता है? सर, एक आंसर सेकंड वैलिड रुक भी हो रहा लीजिए। है तो आप उसको डिनाई कर रहे हो। आप डिनाइल आप में फंस जाएंगे, अगर वैलिड आंसर होता तो मेरा फंसता। बताइए देखिए देखिए, प्रियंका चाहती तो सारे पत्ते फूल उड़ा देती, प्लांट उड़ा देती और अपने पास रख लेती। सीधी सी बात, प्रियंका का तो फूल वाला था ही नहीं भाई, प्रियंका को था वो बोर्ड में कुछ लिखा के पढ़ा ना करता। प्रसन्नजीत जी कैसे पॉइंट रखते हो आप? किसी का भी था उस राउंड में, एक जेलर तो था ना सामने वाली टीम से, जी सुंबुल थी सेकंड राउंड में, फ्लार वाले राउंड में सुंबुल थी। सुंबुल जी उड़ा देती सारे फ्लार, एक्टिविटी कंप्लीट नहीं करने देती वहां पर, अरे वॉलेट के हाथ एक्टिविटी में का तो था ही नहीं ना, एक्टिविटी तो एक बहाना था, वो तो एक्टिविटी। सर प्रसन्नजीत फिर ये ऐसे पॉइंट रख देते हो ना आप, फिर मतलब फिर अभी इलॉजिकल पॉइंट रख मैं देते मेन हो को तो आप। दे दूं, लॉजिक नहीं, मैं एक लॉजिक की बात कर मिनट, रहा अरे हूँ। कुणाल जी बुलाटी, अरे ओके कुणाल जी वेट वेट, वो यस बोल रहे कि एक्टिविटी का था ही नहीं। बिग बॉस ने जेलर को बोला था कि आपको कैदियों से एक्टिविटी करवानी है, जेलर का पार्टिसिपेशन ही नहीं था कि उसको ठीक है एक्टिविटी अच्छा करवानी है। अब ये जेलर के ठीक हाथ है में था कि वो एक्टिविटी कंप्लीट होने दे या ना होने दे, वो जेलर के हाथ में था। आप बोल रहे हो कि एक्टिविटी का कुछ था ही नहीं, मतलब कुछ भी बोल देते हो आप अच्छा लोग। ठीक है। प्रियंका ने इन्हें क्या कोशिश नहीं किया था एक्टिविटी करवाने के लिए? किसी ने माना था क्या, बैठने के बैठा था क्या कोई? बैठे थे, यार वो सिर्फ बैठे और थे, सिर्फ वो उसको माने निकाल उनको के उन्होंने जीतना निकाल है, दी वो ना। माने कि अरे उनको अरे जीतना कुणाल है। चुप रहो, कुणाल चुप रहो एक मिनट, ये कोई पॉइंट नहीं होता कि वो क्यों माने उनको जीतना है। पहली बार वो नहीं बैठे थे, लेकिन जब प्रियंका ने बोला कि ये सब जो है वो नहीं बैठे हैं, बाहर आ गए सारे जाकर वहां बैठ गए थे, प्रियंका खुद वहां नहीं गई थी, वो सब वहां पर जाकर बैठ गए थे। निमरीत, साजिद और क्या नाम है अब्दू, एमसी स्टैन, ये सब वहां पर जाकर बैठ गए थे, अर्चना वगैरह। प्रियंका वहां पर नहीं गई थी, प्रियंका वहां पर खड़े होकर तब भी चिल्लाई जा रही थी वो डर रही थी और बहुत ज्यादा। साथ साथ खड़े हुए थे। आप सवाल किया ना, इसका आंसर भी मैं दे दूं। प्रियंका ने सबके दरवाजे क्यों खोले, इन सारे ज्वेलर्स ने सबके दरवाजे क्यों खोले? एक दरवाजा खोलने का बोला था दरवाजा खुला ही है भाई, अपने यार, यही बाहर बोला ना रहते थे। कि संचालक प्रसन्नजीत क्या जी, कर यहीं रही पे तो थी संचालक का काम आता है, संचालक यहीं का पर, काम इधर ही संचालक आता है, कह छोड़ो रहे हैं छोड़ो दरवाजा छोड़ो। खुला ही अरे नहीं। एक मिनट भाई, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं सबको म्यूट कर रही हूँ। प्रसन्नजीत जी आपने क्वेश्चन पूछा कि मतलब वो कैसे कैसे जो है वो इंस्पेक्टर थे, वो कैसे टास्क जीत सकते थे। अब आप बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक है? जैबा मैम काउंटर करो। हाँ प्रसन्नजीत जी, वहां पे अगर सबको एक साथ ही रखना था, एक ही जेल बनाते ना, दो दो की जेल क्यों बनाते? दो दो लोग को निकाल के वो टास्क करवा सकते थे। वो अगर खुद से बाहर आ रहे थे तो वहां संचालक का काम बनता है कि किससे एक्टिविटी करवानी है पुलिस को, पुलिस डिसाइड करेगी कि किन दो सदस्यों से उनको एक्टिविटी करवानी है। बिग बॉस ये नहीं बोलेंगे, बिग बॉस ने बोला कैदियों से एक्टिविटी करवानी है, सारे कैदियों से नहीं बोला था। और ये जो मैम नीचे कमेंट कर रही है कि बिग बॉस ने अगर बार बार अंकित को टोका तो कैदियों को भी टोक सकते थे, नहीं वो संचालक को ही टोकेंगे, क्योंकि संचालक ना ना पुलिस वाले जो 5 लोग अंदर जा रहे थे ना, संचालक उनको रोक रहा था, जो कैदी हैं जो सारे कैदी बाहर आ रहे थे उनको भी संचालक नहीं बोल रहा था ना, संचालक को पुलिस वाले बोल रहे थे कि मैंने तो सारे कैदियों को बाहर आने के लिए नहीं बोला था, मैं दो कैदियां चुनती हूँ। ये पुलिस वालों भी ना कोई भी वहां पे टास्क समझ ही नहीं रहा था।
उसका बेनिफिट कैदी उठा रहे थे। शायद कैदियों में से पता होगा किसी को पॉइंट कि सिर्फ दो कैदियों को बुला के बाहर करवाना था, लेकिन वो अपना पॉइंट क्यों बोलेंगे। वहां पे संचालक का बहुत बड़ा रोल था और पुलिस वाले का भी बहुत बड़ा रोल था। अगर आप सारे कैदी को बाहर निकाल रहे हो तो ये आपकी फॉल्ट है। आप चाहे तो दो कैदी को बुला के करवा सकते थे, इसीलिए सेपरेट जेल बनवाई थी, अगर आपने नोट किया होगा तो। वरना जो दो जेल बाजू बाजू में थे वो चारों की एक साथ जेल बना सकते थे ना, बीच में दीवार क्यों रखी थी बिग बॉस ने, समझ नहीं रहा था संचालक। इसीलिए संचालक को बहुत ज्यादा डांट पड़ रही थी, क्योंकि संचालक ना समझ रहा था ना पुलिस वाले वो टास्क समझ रहे थे। यस अच्छा ये कमेंट ले लेती हूँ मैं। भाई अंकित ने जब चूज किया पांच कैप्टन के दावेदार, उससे उससे पहले दी ये टास्क का सेटअप हो गया था। यस एग्जैक्टली अंकित को बोला गया था पांच कैप्टन चूज करना और उससे पहले टास्क का सेटअप हो गया था। अब बिग बॉस को तो नहीं पता था ना कि अंकित कौन से पांच लोगों को चूज करने वाला है, क्योंकि जब नॉमिनेशन का टास्क आया था तो उसने वहां पर भी शिव ठाकरे को चूज किया था। तो हो सकता था कि वो इस बार भी शिव ठाकरे को चूज कर लेता या शिव ठाकरे की टीम में से किसी को चूज कर लेता, साजिद को चूज कर लेता। तो हम ये नहीं बोल सकते ना कि बिग बॉस ने सेटअप इस तरीके से तैयार किया था कि शिव की टीम ही जीते, क्योंकि वो तो अंकित के ऊपर है कि अंकित को किन पांच लोगों को जो है वो चूज करना है। वो बिग बॉस को नहीं पता कि अंकित किन पांच लोगों को जो है वो चूज करने वाला है। वहां पर तीन लोगों का तो बिग बॉस को भी पता था कि ये अंकित प्रियंका को करेगा, सौंदर्या को करेगा और अर्चना को करेगा, लेकिन देखो उसने अर्चना को भी चूज नहीं किया। तो बिग बॉस को नहीं पता था कि ये कौन से पांच लोगों को चूज करने वाला है। तो ये तो पॉइंट ही मतलब इनवैलिड है कि बिग बॉस जो है वो शिव की टीम को जो है वो जिताना चाहते थे। देखिए मैम एक तो कुछ गलत हो गया, अगर शिव से सिलेक्ट करना तो आप सबको पता है, ये पूरा प्रेडिक्टेड है, बिग बॉस को भी पता है कौन से लोगों को कौन सिलेक्ट करेगा, ये कुछ अलग ही हो गया। नहीं 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 कुछ अलग ही हो गया। अरे अर्चना को पता है, अगर अर्चना प्रियंका के साइड में प्रियंका कौन से कलर सिलेक्ट करेगा। अर्चना के साथ उसका इतना अच्छा बॉन्ड है और टीना का वो कुछ समझता ही नहीं है, टीना के साथ उसका कोई इतना अच्छा बॉन्ड नहीं है। शालिन के साथ तो मैं फिर भी कह रही हूँ चलो वो उठता बैठता है, अर्चना के साथ उसका इतना अच्छा बॉन्ड है, उसने कैप्टेंसी के लिए अर्चना को चूज नहीं किया। उसको ये थोड़ी पता था वो बिग बॉस को ये रीजन देगा कि बिग बॉस ये लोग जो है एक एक बार कैप्टन बन चुके हैं इसलिए मैं, जबकि बिग बॉस ने रीजन नहीं पूछा था, रीजन बिग बॉस ने बाद में रखी थी। देखिए वो बिग बॉस को, बिग बॉस के लिए अनएक्सपेक्टेड था कि अर्चना को चूज नहीं किया, बिग बॉस को पता था कि उन लोगों को चूज करेगा, इस तरह से टास्क को डिजाइन किया गया। आप लोग थोड़ा उसको गलत तरीके से मोल्ड कर रहे हैं, बिग बॉस को पता था, बिग बॉस को अंदेशा था कि प्रसन्नजीत जी अंकित की टीम में ना सिर्फ तीन लोग हैं, प्रियंका जी, अर्चना और सौंदर्या, बाकी किन जी दो लोगों को चूज करेगा ना वो बिग बॉस को भी नहीं पता कि अंकित बाकी किन दो लोगों को चूज करेगा। तो वो शिव भी हो सकता था, वो साजिद भी हो सकता था, एमसी स्टैन के साथ भी अभी वो बहुत अच्छा खासा बैठता है, वो अब्दू का नाम भी ले सकता था, वो किसी का नाम भी ले सकता था, तीन तो हमें भी पता है। लेकिन उसमें भी देखो ना उसने अर्चना का नाम नहीं लिया, तो ये किसी को नहीं पता कि सामने वाला बंदा किन लोगों के नाम लेने जा रहा है, ये किसी को भी नहीं पता। अगर उसकी जगह शिव ठाकरे होता, एमसी स्टैन होता, हमें भी नहीं पता कि वो किन लोगों का नाम लेते, तो वो बस एक अजम्पशन है। बिग बॉस की घर में आप, मैं तो पहले ही बार कह चुका हूँ कि बिग बॉस चाहते हैं कि प्रियंका, अर्चना और सौंदर्या कैप्टेंसी से बाहर रहे, ताकि नौ लोगों में से कोई भी बन जाए। आप मैं ऐसा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भाई शिव को फेवर किया जा रहा है ना निमृत को फेवर किया गया है, मैंने एक बार भी नहीं बोला कि वो शिव को फेवर किया गया है, निमृत को फेवर किया गया है। आप मैंने जो कहा है उन लोगों को बाहर रखने के लिए जिसकी कैप्टेंसी के खिलाफ जो एक होता है ना रिवोल्ट, वो हो सके कैप्टनशिप के खिलाफ छोटे छोटे पॉइंट, छोटे छोटे मुद्दे उठाए। आपने स्टार्टिंग में आकर पॉइंट ही यही रखा था कि ये जो टास्क था वो बायस था, स्टार्टिंग में आकर आपका पहला पॉइंट ही यही था, अब आप बोल रहे हो कि मैंने ये पॉइंट ही नहीं रखा, अब आप बोल रहे हो कि मैंने ये पॉइंट ही नहीं रखा। नहीं मैंने तो नहीं 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 मैं तो अभी भी कह रहा हूँ टास्क बायस था, और मैं दूसरा भी रखा था कि वो शिप को फेवर करने के लिए नहीं था, अब टास्क बायस था मतलब कैदू के लिए टास्क बायस था, वो चाहते थे कि है। चलो छोड़ो अब बाकी लोगों को भी बोलने का मौका देते हैं। हाँ विजय मैम आप बोलिए पहले, विजय मैम ने भी विजय मैम कैम ऑन कर लो यार प्लीज, विजय मैम आप तो आप बिल्कुल भी कैम ऑन नहीं करते। ऑफिस में रात में करूंगी। अच्छा अच्छा ऑफिस में हो, चलो ठीक है बोलो विजय मैम। सुनो शिल्पा ये टास्क ना बिग बॉस ने ही पूरा गलत कर दिया स्टार्टिंग से लेके, ठीक है। सबसे पहली बात कि आपने जो जेल का टास्क बनाया था वो कैदियों के हिसाब से बनाना चाहिए था कि जो जिस राउंड में, चाहे वो कैदी हो
और चाहे वो जेलर हो, जो जिस राउंड में अपने कार्य को सफल कर लेगा वो उस राउंड का विजेता होगा और वही कैप्टन का हकदार होगा। तो दोनों टीमों में से जितने भी जीतते, चाहे इधर के दो जीतते उधर के चार जीतते, जितने भी राउंड कराते वो लोग टास्क के उसकी कैप्टेंसी के दावेदार हो जाते हैं। ठीक है, बिग बॉस की दूसरी गलती, आपने कैदियों इस्तेमाल किया वर्ड, ठीक है, और वहां वो इतने अच्छे अच्छे लोग पढ़े लिखे भरे पड़े हैं कि वो कैदियों में सभी कैदियों को हम भी काउंट करेंगे। अगर हमें बहुवचन में कुछ बोला जाएगा तो हम सबको ही काउंट करेंगे, एक को नहीं करेंगे। कैदी बोलते कि एक जेलर एक कैदी से ही एक्टिविटी करा सकता है या दो कैदी से एक्टिविटी करा सकता है, तो वहां वो उस हिसाब से निकालते। उन्होंने कहा कि कैदियों से जेलर को, तो एक जेलर पांच कैदियों से किस आधार पर एक्टिविटी करा सकता है, ये मुझे समझ में नहीं आया। रही बात दूसरी, अगर बहुवचन में ना, बहुवचन में दो कैदी भी आ सकते हैं, दो कैदी को भी कैदियों ही बोला जाएगा। मैं कैदियों की ही बात कर रही हूँ, तो उनको नहीं समझ में आया ना ये, हम लोग क्यों हम तो समझ रहे ना इस चीज को, हम समझ रहे ना। अब उन जेलर को नहीं समझ में आया, इसमें कौन क्या कर सकता है, आप ये बताओ। दूसरी बात ये, अगर बिग बॉस को रूल बनाना था तो बता देना चाहिए था कि अगर कैदी को एट ए टाइम जेलर पकड़ लेता है वो कैदी उसी टाइम आउट माना जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जेलर को धक्का देके कैदी भागा जा रहा है, कैदी भागा जा रहा है, उसको हम विजेता घोषित कर देंगे। बॉस, हम कैदी को पकड़ते हैं, वो भागने के प्रयास करता है ना, तो अपनी नौकरी बचाने के लिए हम उसको पैर पर सीधे ठोकते हैं कि कहीं भाग ना पाए, तो वो किस आधार पर भाग सकता है। इन्होंने खुद, बिग बॉस ने खुद ही सेटअप लगाया, खुद के ही सारे नियम बना दिए। अंकित गुप्ता की गलती, सौंदर्या ने स्टार्टिंग में ही उसने क्या फिजिकल वायलेंस करना, ये मुझे नहीं अच्छा लगा, क्योंकि अगर छीना झपटी चाबी की होती है तो फिजिकल वायलेंस थोड़ा बहुत होगा। ठीक है, तो उसके बाद में अंकित गुप्ता की गलती यहाँ थी कि उन्होंने चाबियां बनाई थी। अगर आप डिस्क्वालीफाई करते तो आप ये कह सकते थे कि सर इनकी चाबियों की छाप उस आधार पर नहीं बनी है जिस आधार पर ताला बनाया जा सकता है। वो बोला था, बोला था, जिता देता। बिग बॉस भी कुछ नहीं बोलते। ठीक है, सेकेंड टाइम में फूल सारे सुम्बुल को सारे फूल उठा के अपने पास रख लेने चाहिए थे, एक एक फूल करके देता कि जाओ आप लगाओ आप लगाओ आप लगाओ, क्योंकि एक्टिविटी पूरी नहीं हो पाती। देखो जंप तो कर लेता वहां, शिव का तो था कि शिव जंप कर लेगा, शिव के बारे में जंप किया वो जीत गया। वहां एक को अगर ऐसे ही इधर उधर मैनिपुलेट करके इधर उधर घुमा के अगर एक व्यक्ति काम करने पे लग जाता। रही बात प्रियंका की एक्टिविटी कराने की, उसने बैठा ला, मैं मुझे कुछ बोलना है, लोग बैठने के लिए तैयार नहीं थे। मैं मुझे कुछ बोलना है इस बारे में भैया, मैं पूरा कर लूं फिर आप बोलो। विजया मैम कंप्लीट कर ले, और रोहित जैन जी आप पैनल पे आके बार बार कैमरा ऑफ कर देंगे तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी, अपना कैम ऑन रखिए आप। हाँ विजया मैम बोलिए। तीसरी बार प्रियंका ने एक्टिविटी कराने के लिए कहा, एक्टिविटी और टनल का दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी शिल्पा, समझ रहे हो आप, तो अगर वो बोर्ड पे लिखती रहती तो एक ना एक करके तो घुस ही जाता ना अंदर। टास्क उसने रोक लिया, चलो हम मानते प्रियंका ने वहां जाल लगाया, जाल लगाने के बाद अर्चना को अगर रोक दिया था उसी टाइम पे तो टास्क वही खत्म हो जाना चाहिए था कि भाई रोक लिया जेलर ने। तो टास्क देखिए, हम लोग की ना तो ये सिर्फ वालों की गलती है ना ही है प्रियंका वालों की गलती, टास्क ही उन्होंने बिग बॉस ने जो रूलिंग बनाई वही गलत कर दी उन्होंने स्टार्टिंग से ही। उन्होंने स्पष्ट कुछ किया ही नहीं वहां पे कि आपको करना क्या है। अब ये इतने होशियार होते तो फिर ये कर लेते ना सारा टास्क, चलने देते और आगे। हाँ बोलो भाई, इसे बोलना मैं ये बोलना चाहता हूँ, जो मटेरियल मिलते थे ना वही मटेरियल ही गायब हो जाते थे अगर आपने देखा हो तो। हाँ वही कह रही हूँ मैं, वही तो मैं कह रही हूँ। यहाँ पर वो जेलरों ने दिमाग ही नहीं लगाया ना अपना, समझी नहीं, मतलब टास्क ही चीजों को समझ नहीं पा रहे, टास्क किस आधार पे करना है क्या नहीं करना है, इन लोग को टास्क ही समझ नहीं आ रहा। समझ ही नहीं रहे थे मैम, सीधी सी बात बोलूंगा, टास्क को केवल एक शिव ठाकरे समझता है, बाकी कोई नहीं समझता अगर देखा जाए तो। और ले देंगे दूसरा, शालीन से समझ रहा था। रोहित जी को बोलने देते हैं, रोहित जी ने भी ज्वाइन किया। प्रसन्न जी जी अपना कैम ऑन कर लीजिए, डोरीमोन जी अपना, अब जो 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 अपना कैम ऑफ करेगा ना, ज़ैबा मैम का है इशू आई नो, और विजय मैम ऑफिस में, उसके अलावा भी कोई भी अपना कैम ऑफ करेगा ना मैं फिर उसे पैनल से रिमूव कर दूंगी। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले बिग बॉस ने अंकित को बोला कि आप किन लोगों को कैप्टेंसी की दावेदारी देना चाहते हो, तब तक बिग बॉस ने ये नहीं बोला था कि जो कैदी होंगे उनको भी ये चांस मिल सकता है, मेरी बात सुनना। तो उसी तब बिग बॉस ने सोचा होगा, मेरी बात सुनो पहले,
तब बिग बॉस ने सोचा होगा जब इन्होंने नॉमिनेशन करना था उस टाइम इसने शिव का नाम लिया था, तो ये शायद उसमें शिव या रोहित जी, आप तो मेरी बात सुनिए, आप अलग ही चले गए। बिग बॉस मैं ने आगे आ रहा कभी हूँ। नहीं बोला, अरे नहीं मेरी बात नहीं, सुनिए पहले, आपने यही गलत आप कर दिया, आपने यही गलत कर दिया कि बिग बॉस ने जो है वो अंकित को नहीं बताया कि कैदी भी जो है वो कैप्टन बन सकते हैं, वो बाद कैदी बाद में अंकित बोला, बाद मेरे चूज होने के बाद, आप देखो एपिसोड, चूज उसने चूज करने के बाद अब बोला कि नहीं ये पॉइंट क्या शिव हो नहीं। यार। अरे हाँ सुनिए मैं पॉइंट रोहित बताता हूँ, जी, सत्ता ये बदल शिव नहीं के, होती, मेरी बात हाँ सुनिए ठीक पहले, है आप मेरा सुन ये लीजिए, सुनिए पहले, सत्ता बदल नहीं होती, फिर अंकित गुप्ता ही कैप्टन रहता, फिर कैप्टेंसी की दावे, अगर कैप्टेंसी की दावेदारी इन लोगों को नहीं मिलती, जो इंस्पेक्टर थे इन लोगों को अगर कैप्टेंसी की दावेदारी नहीं मिलती तो सत्ता बदल नहीं होती, फिर अंकित गुप्ता ही कैप्टन रहता इस हफ्ते भी। लेकिन बिग बॉस को अंकित को कैप्टनशिप से हटाना था क्योंकि पूरा वीक जो है वो वैसा गया है, इसलिए बिग क्या बॉस मैम ने सच इस में? टास्क से ऊपर जाकर, बिग बॉस ने टास्क रद्द होने की सिचुएशन पे था, लेकिन बिग बॉस ने उस टास्क को रद्द होने की बजाय अपने आप से इन लोगों को कैप्टनसी की दावेदारी दी है। माय गॉड, और अब मुझे यहाँ लगा पे कि एक चीज बाहर और जाते तो थी, कैटी कैप्टन बनने जाते। अब मैं टास्क एक पे, मिनट यहाँ पे अथर्जी, अंकित अथर्जी गुप्ता वेट अपना नाम भी वेट ले वेट सकता था वेट 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 अथर्जी वेट यहाँ जी, अब पे। रोहित रोहित जी को कंप्लीट करने देता, उन्होंने पॉइंट मैं गलत आता बोला। हूँ, मैं आता हूँ टास्क पे। जब अगर बिग बॉस को अगर करना था तो वो सिर्फ एक ही चाबी रख सकते थे, एक ही चाबी रख सकते थे। इसलिए उन्होंने 6-7 रखी होंगी, क्योंकि ये लोग ज्यादा हैं। और वो एक्टिविटी सिर्फ 2 लोग कर रहे थे फर्स्ट टाइम में। एक्टिविटी का मतलब सबको, जितने भी कैदिया हैं उनको सबसे पहले एक्टिविटी करनी है, उसके बाद अगर चांस मिले तो चाबी लेनी। मैडम जब एग्जाम से पहले ही अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे डायरेक्ट अरे आप रोहित एग्जाम, जी, आप कुछ नहीं देख रहे, फिर आप कुछ, आप बोल रहे हो कि पहले वो एक्टिविटी कर ले, अरे एक्टिविटी यही थी कि चाबी की छाप लेनी थी, पहले वो मिट्टी के अंदर जाकर थोड़ी मुंह मारते, चाबी लेके वो अरे चाबी की प्लेस छाप लेते। मैम इसका आंसर मैं दे दूं प्लीज, आप यहाँ गलत मैम आज एक्टिविटी, मैं लेना उनको चाह क्ले रहा से हूं। कुछ बनाना था, क्ले से विद्या बना के मैम वो मैं दे बनाने दूं? थे। अरे मैम आप है ना, अच्छा मैम एक आप सेकंड मुझे पूरा पहले सर, बोलने दो, मैम मुझे अच्छा पूरा बोल बोलने दीजिए बोल दो, दीजिए, मैम मुझे बोलने पूरा देते बोलने सर, दो। सब चलो म्यूट बोलो हो बोलो जाइए। बोलो बोले दूसरा, मैंने बोले मान लिया जो प्रियंका वाला टास्क था, मैम आप विचार करो कि उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखना था, उनको पढ़ाना था, जब स्टूडेंट ही बैठने को तैयार नहीं है तो मैम कैसे पढ़ाएगी? 1 मिनट, एक पूरी बात करना मुझे करने दो। जब स्टूडेंट ही वहां नहीं बैठ रहे हैं, जो थे कैदिया वो वहां नहीं बैठ रहे हैं, वो लिख के उनको पता है, अरे ब्लैक बोर्ड का और जो निकलने का रास्ता था उसके बीच की डिस्टेंस बहुत थी। अगर वो बोर्ड के पास जाती 6 लोगों को एक साथ कैसे हाँ बिग बॉस से बोलता कि इसमें से 6 में से 3 कैदी को बाहर जाना आवश्यक है, तो अब चलो मान सकते हैं कि एक निकल गया तो 2 को और संभाल सकती है, एक और निकल गया तो 3रे को संभाल सकती है। तीसरी बात मैम, जब पता है कि एक एक विद्यार्थी को पता है कि ये विद्यार्थी, ये स्टूडेंट, इनको बाहर जाना ही है, तो अगर वो गेट के पास नहीं बैठेगा, टीचर गेट के पास नहीं बैठेगा, तो स्टूडेंट सब निकल जाएंगे। वो उसने दिमाग लगाया, अर्चना को, अर्चना की तरफ फेंकी, उसने चौक फेंकी ताकि वो अपना काम भी करवा सके। तब साजिद खान ने बोला था कि मुझे लिखना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है, तो वो चीज, वो एक्टिविटी करा रही थी अर्चना के थ्रू। वो जेलर है, वो किसी किसी प्रकार से हैंडल कर सकती थी, लेकिन इन लोगों ने पहले वहां बैठने की आवश्यकता ही नहीं समझी। ये उनको पता है कि 2-3 बैठेंगे, एक तो बाहर निकल ही जाएगा। मैम एक कैसा टास्क है जिसको पता है कि 6 वर्सेस 1 के बीच में हो रहा है, एक इंसान 6 को नहीं संभाल सकता। हो गया मैं रोहित जी, आप सोचो, ये आज पॉइंट चाहते मैम थे मुझे कि देना। शिव शिव का ग्रुप में से कोई भी एक, ये इसलिए भी चाहते होंगे कि अंकित की तरफ से जब कैप्टन बना है तब से शो में कंटेंट नहीं मिल रहा है, ताकि इनको ओके इसको बदल के शिव के ग्रुप की साइड से कोई और कैप्टन बन जाए। अब मैं बोलूं आज, ओके, हाँ मैं बोल दूं कुणाल जी आज, बोलिए, अटर भाई हाँ थैंक यू, आपने बोलिए। मेरे को बताया पुलिस कैसे जीत सकते थे। इसके लिए मैं रोहित भाई मैं ये कहता हूँ, जो आपने क्ले का बोला ना, रियल लाइफ में भी अगर भागना होता है ना, तो अगर 4 लोग होते हैं ना कैदी, तो वो लोग चारों क्या करते पता है? पहले ना पुलिस के जेब से आधे लोग प्लानिंग बनाते हैं लेनी हमको चाबी, आधे लोग है ना पुलिस को ऐसे ही दिखाते हैं रोज की तरह हम लोग अपना ये कर रहे, आधे लोग काम करते हैं, 2 लोग,
दो लोग चुपचाप चाबी बनाने का प्लान करते हैं, ऐसे करते हैं रियल लाइफ में भी। और दूसरी बात, अगर इधर जो थर्ड बोला ना आपने, अर्चना भाग गई, उधर है ना बोल सकता था प्रियंका या अंकित इस बार यहाँ से भागेगा, अगर भागना है तो भागेगा साजिद खान, क्योंकि इतना अच्छा था, क्या कहते हैं ना वो जो भी कहते हैं जिससे भागना था, साजिद जा कैसे सकता है, उधर ही आडे में अटक जाएगा, आडा भी नहीं जा पाएगा। और जो दूसरा था जहां पर शिव जीता, उधर बोल सकता था एक काम कर, ये कूटेगा अब्दू या एमसी, नहीं एमसी की भी हाइट बड़ी है ना, क्या नाम है एक लड़की थी, वो लड़की कौन थी, दो मोटी छोटी थोड़ी, वो क्या नाम है, मोटी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, निमरी तो इतनी लंबी है ऐसे टच करके भाग जाएगी, अब्दू को बोलता, अब्दू को बोलता। और जो आपने बोला ना मर्ड वाला टास्क, वो अर्चना को बोलते नहीं, अर्चना तू भी मत कर क्योंकि तू इसमें अच्छी है, बना लेती है, निमरी तू बना और शिव तू बना, थोड़ा ये लगाते। और अगर चाबी लाना है तो एमसी लेके आ सकता है, साजिद कोई भी लेके आओ चाबी, ऐसे जीत सकते थे, राइट बोला ना, भी केबी को बाहर निकलना था, बिग बॉस ने ये नहीं बोला था, मैंने वही तो एक्सप्लेन किया, बिग बॉस ने बहुत बड़ी पावर जेलर के हाथ में दी थी कि एक्टिविटी आपको कैसे करवानी है, वो पूरी पावर जेलर के हाथ में थी कि वो कैसे उन कैदियों से एक्टिविटी करवाता, चाहे वो एक्टिविटी दो कैदियों से करवाता, मेरी बात सुनिए, चाहे वो एक्टिविटी दो कैदियों से करवाता, चाहे तीन कैदियों से करवाता या एक कैदी से करवाता, ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो था ना वो जेलर के हाथ में था कि एक्टिविटी कैसे करवानी है, दो से करवानी है, तीन से करवानी है या सिर्फ एक से करवानी है, और कैसे कैसे करवानी है, पूरी पावर जेलर के हाथ में। नहीं मैं एक मिनट, इनसे एक एक सवाल लॉक नहीं था, सारे बाहर आ रहे थे यार, एक को बुलाने के बाद सारे बाहर आ रहे थे, लॉक तो था नहीं ना वहाँ पे, ना बोल सकता था अंकित। कुणाल जी मेरी बात सुनिए, वो इसलिए बाहर आ रहे थे क्योंकि जेलर ने नहीं बोला था कि एक ही कैदी बाहर आ सकता है या दो कैदी बाहर आ सकते हैं, ये जेलर को तो ये तो नया नियम हो जाता है ना, उन्होंने ये कहा ना कि कैदियों से वो कराना है, तो कैदी वो नहीं समझ पाए ना कि कैदियों में दो कैदी भी हो सकते, वो नया रूल कैसे उन्होंने नहीं बनाया ना। मुझे एक चीज का, मैं एक सवाल पूछा, मुझे पूछना है मिश्रा जी एक सवाल पूछा, इतनी सारी जेल क्यों बनाई थी, इतनी सारी सेल क्यों बनाई थी, सिर्फ इतना बनाया सबको एक ही सेल में डाल देता डाल बिग बॉस, आप इतना बना रहे, इतनी मेहनत की होगी बिग बॉस ने, सारा का सारा जेल, जेल और जो सेल होती है ना, अब एक जेल में एक जैसे कैदी नहीं रहते हैं, आपने ये नकली जेल देखी है, फिल्मी दुनिया की जेल देखी है, हम यहाँ असली जेल देखे बैठे हैं, आप मुझे सिर्फ सवाल का जवाब दे दीजिए मैम, यहाँ पर जो सेटअप तैयार किया बिग बॉस ने उसके बेसिस पर बात होगी ना, तो मैं वही तो बता रही हूँ ना भाई, बिग बॉस के सेटअप के हिसाब से अगर वो जेलर चीजें नहीं समझ पाए, वो कैदियों में सारे कैदियों की गिनती कर ली, तो इसमें किसी दोनों पार्टियों की कहाँ गलती हो गई, दोनों पार्टी की नहीं, इसमें जेलर की गलती हुई ना, जेलर की गलती हुई थी, एक्टिविटी कराने की बात आ रही है, तो अगर ये चाहती आपकी सौंदर्य चाहती तो पूरी क्ले छुपा लेती, थोड़ी थोड़ी क्ले करके देती, चाबी की छाप लेने के लिए, यही तो गेम था विजया मैम, यही तो हम भी बोल रहे हैं, चाहती तो समझा पूरा बेवकूफी में पूरा टास्क ऐसे बिल्कुल बर्बाद कर दिया, छह राउंड होने चाहिए थे कायदे में, हम भी यही कह रहे हैं, हम भी तो यही कह रहे हैं, इक्वालिटी में लड़ाना चाहिए था इनको यार, कि जो जिस राउंड में विजेता होगा चाहे वो कैदी हो चाहे वो हो, तो वही बनता चला जाता दावेदार, तो यहाँ बात ना बराबरी पे आके खड़ी हो जाती है। हाँ विजय मैम वो वही बात तो हमने कल की थी कि ये इनको बोलना चाहिए था, कैदियों को भी बोलना चाहिए था ताकि इनके अंदर भी कम, लेकिन कैदी तो दावेदार होते ही नहीं ना कहीं से कहीं तक, ये भी तो बात है ना विजय मैम, ये पॉइंट मुझे अभी याद आया, कैदी तो दावेदार थे ही नहीं, दावेदार तो ये थे जेलर, नहीं तो कंपटीशन तो बना दिया ना, फिर कंपटीशन किस लिए हुआ था, इसीलिए तो हुआ था ना, कंपटीशन तो बनाएंगे ही ना, यही चीज दिमाग का गेम था मैम, यही तो उस वक्त दोनों बैलेंस करने का था, लेकिन यहाँ पे वो टास्क ही नहीं आगे बढ़ने दे रहा था ना, वो डिस्क्वालीफाई कर रहा था। ये लोग कहते हैं कि हम सारे सीजन देख के आए हैं, अगर बहुत सारे सीजन देख के आए हो और ढंग से नहीं देखे तो तुमने टास्क नहीं देखा तो फिर देखा ही क्या, सारे सीजन के टास्क देख लेते ना तो आते ही नहीं बिग बॉस में डर के मारे, कैसे ऐसे टास्क भी होते हैं। हाँ सभा में माँ बोलो, सभा में बोलना चाहती हूँ।
यार अब सुनो, अब ये टास्क टास्क का हो गया, वो शालिन टीना पर आ जाते हैं। शालिन टीना हाँ, है हाँ, टीना श्रीजिता है और टीना सौंदर्या है। मुझे आ रहा है, मुझे टीना को हर तरफ से फुटेज मिल रही है। टीना शालिन, टीना सुम्बुल, टीना सौंदर्या और टीना अशिष्टा। अब टीना को हर तरफ से फुटेज मिल रही है भाई साहब, भरपूर फुटेज मिलेगी उसको जी भर के। लेकिन एक बात नोटिस करी आप सबने, यानी कि जो एस वर्ड है ना, वो टीना की मतलब जिंदगी में क्या है, टीना शालिन, टीना सौंदर्या, टीना सुम्बुल, टीना श्रीजिता, टीना 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 स्टेन और टीना साबित, कल साबित, टीना स्टेन। ओह माय गॉड, सारे कुंभ, सुनो शिल्पा, सारे कुंभ राशि घुसे हैं टीना की लाइफ में। अब मैं उसको फेवर करूं क्या करूं? फेवर ही कहेंगे अब तो, हम फेवर कहेंगे। अरे देख क्या, वो तो विजय मैम उसके ऊपर पता चलेगा ना वो कैसा गेम खेल रही है। मैम उनको बोल दे, सभा मैम को कुछ भी। हमारी सभा बड़ी सहनशील है, जब बिल्कुल फुर्सत मिलेगी तभी बोलेगी। बोलो सभा मैम, बोलो बोलो सभा, बोलो। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुन रही थी, मैं सुन के भी जो चीजें मुझे भी समझ में नहीं, मैं वो पहले एक्सपीरियंस ले लेती हूँ। चलो मेरे दिमाग में भी था पॉइंट करके, है ना। तो हाँ मैं यही बोल रही थी कि टीना को अब जितना भी दिखाया जाएगा ना मैम, उसको सिंपति वोट मिलने चालू हो जाएंगे। जितना भी उसके साथ में कोई लड़ेगा ना, अगर ये लोग अभी भी दिमाग से काम करे ना इसके साथ, ये अगर श्रीजिता आई है, अगर वो ये दिमाग लेकर आएगी कि इसको कंटेंट ही नहीं देने देना है, इसको फुटेज ही नहीं देने देना है, तो इसको बाहर निकालने के ये आगे बढ़ सकती है। क्योंकि दिखेगी नहीं तो वोट मिलेंगे नहीं, कॉन्टेंट आएगा नहीं, फुटेज कटेगा नहीं। अब ये जितना उनसे भिड़ेंगे ना, और सारे घर वाले भी, आप देखना हर बार यही होता है कि एक को टारगेट करके जब भी घर में कुछ लड़ाई होती है, कोई एक टारगेट होता है ना, तो उसकी वोटिंग भी बढ़ जाती है, उसका फुटेज भी ज्यादा निकलता है एपिसोड में, आधे से बढ़ के एपिसोड उसी पे कट जाता है। तो जब घर वाले खुद ही ये लोग, जबकि छोटी छोटी बात पे चलो चलो इसको फुटेज नहीं देनी है, इसको फुटेज नहीं देनी है, ऐसे करते ना, ये प्रियंका हो या अर्चना हो या सौंदर्या हो या निमृत हो, कोई भी हो, हर एक के मुंह पे हर बार ये रहता कि फुटेज नहीं देना है, फुटेज नहीं देना है। तो अब इन लोग को अगर समझ में आएगा, वाह इन लोग इतने बुद्धिमान मानते हैं एक दूसरे, तो ये लोग ये नहीं करेंगे, वरना ये सिंपति वोट्स लेकर ही जाएगी और उसको एक चार एपिसोड झेलना पड़े, एक चार हफ्ते झेलना पड़ जाएगा सबको, फिर वही देखना चालू हो जाएगा। ओके सुनील जी, कहां गायब थे आप इतने दिनों से? अरे मैम थोड़ा सा काम में था। ओके ओके चलो, मानवी मैम ने ज्वाइन किया, मानवी मैम को बोलने देते हैं। हाँ मानवी मैम, म्यूट है आप, म्यूट है आप। मैं सबके सुनने के बाद बोलूंगी, आप बोलिए। ओके ओके सो सुनील जी आप ही बोलिए। हाय सुनील भाई। अरे हेलो असद जी, कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये है, जो बिग बॉस का गेम चल रहा है ना अभी, जो आप कल का एपिसोड देखो क्या डिकोड हुआ है, वो बिग बॉस ने अपना जितना भी कुछ कर सकते थे ना वो सब कुछ कर लिया उन्होंने अंकित के साथ में, पर अंकित भाई साहब अड़े हुए थे कि अगर चीटिंग करनी है तो ओपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, क्योंकि साजिद खान ने भी बोल के चीटिंग करी थी, इसमें कुछ बुरा तो नहीं है। पर बिग बॉस ने जब हल्ला मचाया वो अंकित की तरफ क्यों मचाया था, बेसिकली चीज ये है। मैं अंकित का सपोर्टर नहीं हूँ, पर इतना दिक्कत क्यों हुई बिग बॉस को? पर आप अभी देखो आज के गेम में क्या, अब टीना का गेम हुआ डिकोड बहुत ज्यादा, क्योंकि श्रीजिता आई है, उसको ये चीज फील हो चुकी है कि बाहर निकलने के बाद कैसा लगता है, जो अर्चना फील करके आई थी अब उसे फील हो चुका है, और वो सारी चीजें देख के आई है, उसने किसके बारे में क्या बोला है, और वो पॉइंट टू पॉइंट शालिन के सामने जो कैमरा वाली एक्टिंग करी है, क्योंकि वही बात उनके रिलेशनशिप पे बार बार आ रही थी कि ये चीज कैमरा के लिए होती है, कैमरा के लिए होती है, कैमरा के लिए होती है, पॉइंट टू पॉइंट उसने वो चीज बोल दी उसे। तो जो दूसरा बंदा आता है उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, जो दूसरा जो मानक ताला जो भी आ रहे हैं वो शायद मेरे को ऐसे लग रहे हैं कि एक पूना वाला कंटेस्टेंट आए थे वो जीतने के लिए, वो निकल गए थे फर्स्ट, वो शायद ऐसे मतलब ऊंची दुकान फीके पकवान वाले हो सकते हैं। अभी शायद अभी शिव की जो एक्स गर्लफ्रेंड है उनका भी सुन रहे हैं आने वाले,
तो वाइल्ड कार्ड का सीन क्या है कि कुछ ना कुछ अभी एक्सटेंशन भी मिला है शायद शो को, वो भी मैंने ट्विटर पर देख रहा था. हाँ तो बेसिकली सीन क्या हो रहा है ना, अभी इस गेम को एक्स कंटेस्टेंट्स के बदौलत पे ही ये गेम खेला जाएगा आगे के लिए. अभी इस गेम में हमको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए अगर गौतम विक भी दोबारा आ जाते हैं तो. यस, क्योंकि जो ये सौंदर्य जो कर रही है ना बिग बॉस, उसका काउंटर देख रहे हैं हर कंटेस्टेंट के लिए. शिव के काउंटर के लिए उन्हें लेके आ रहे हैं, मिहिर से बात हो रही है निमृत के लिए, क्योंकि बिग बॉस को भी 1-on-1 फाइट चाहिए. अब उन्होंने कल खुद कहा कि साजिद और अंकित करके आ रहे हैं शो में, ये तो बता दो. बिग बॉस ने सब कुछ फेवर करके देख लिया. अब बिग बॉस को भी ये लग रहा है कि भाई ने लिखा लो कैसे, एक सेव कैसे उस बंदे को जो उसको नॉमिनेट करना था वो कैप्टन बन गया, और जो उसको दूसरे को निकालना था वो उसने सेव कर दिया. अब दो बंदे तो ऐसे सेव हो गए, अब किसको निकालें. अब बिग बॉस ये तो नहीं खेल सकते कि नो इविक्शन नो इविक्शन, कितने वीक्स तक के लिए नो इविक्शन करेंगे, किसी को तो निकालना पड़ेगा ना. ऐसा तो नहीं होगा एक वीक में 7-10 लोगों को निकाल देंगे बाहर. तो ये पूरा गेम इस तरीके से डिजाइन हो रहा है कि सबके अगेंस्ट एक ना एक पार्टी आएगी. अब ये टीना के अगेंस्ट आ चुकी है, अभी शायद ये शालीन के जैसा बिल्डअप दिखने वाले लोग शालीन के अगेंस्ट ही हो. इस तरीके से सबके अगेंस्ट कोई ना कोई आने वाला है, और शायद अंकित अगले हफ्ते निकल जाए जैसा अभी चल रहा है, क्योंकि बिग बॉस अब एंटी हो रहे हैं अंकित के. दैट्स ऑल. हाँ ज़ैबा मैम आप बोलिए, ज़ैबा मैम आप बोलिए. हसनान जी, हसनैन जी आप अपना कैम ऑन कीजिए तब मैं आपको पैनल पे लूंगी, मैं आपको अदरवाइज किक आउट करूँगी. और कार्तिक जी ज्वाइन कीजिए आप. हाँ बोलिए ज़ैबा मैम. ज़ैबा मैम आवाज आ रही है आपको या ज्वाइन करके गायब हो गए आप? गायब हो गई. हाँ विद्या मैम आप बोलिए. अरे ये कहाँ से आवाज आ रही है भाई? फोन किसका बज रहा है? बॉम्ब तो नहीं है, एंटी बॉम्ब. रोहित जी आप बोलिए. हेलो हेलो. हाँ बोलिए. आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है, बोलिए आपकी. मैं अपने पॉइंट को वापस रिपीट करता हूँ. सबसे पहले बिग बॉस ने बोला कि सत्ता बदलने के लिए दावेदार आपके सामने आएंगे, तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि अंकित उन 6 सदस्यों के नाम बताए जिसको वो अगला राजा या रानी नहीं बनाना चाहता है. तो उसने नाम ले लिए. जब उसने दावेदार 5 लोगों को बना दिए, जब दावेदार 5 लोगों को बना दिए, उसके बाद बोला कि मैं बिग बॉस ने बोला कि मैं चाहता हूं, मैं आपको एक मौका देना चाहता हूं, जो 6 सदस्य बाहर हुए हैं उनको 5 लोग जो अंकित ने चुना उनको हराना है. और उसके बाद जो बोल रहे थे ना कि एक एक कैदी को बाहर बुला सकते हैं, 2 को बाहर बुला सकते हैं, कैदियां होती है, तब बोला कि बाकी जब जेलर अंदर आएगा बाकी सब कैदी बाहर आएंगे एक्टिविटी करने के, सब कैदियां बोला ना, कि बोला कि वो बोल सकता था कि 2 को बाहर बुलाओ कि 3 को बाहर बुलाओ. मैंने ये लिखा है, अभी मैंने पूरा एपिसोड देखा है. उसने बोला है कि बाकी सब जेल के बाहर के न्यूज़पेपर में एपिसोड. अच्छा नहीं, मैंने अभी लिखा है. तो बिग बॉस ने बोला है कि जब जेलर अंदर आएगा उसके बाद बाकी सब कैदिया बाहर आएंगे और उनको एक्टिविटी करनी है. तो आप जो बोल रहे हो ना, वो 2 को बुला सकता था, 3 को बुला सकता था, ये आपका पॉइंट कोई भी यहाँ पे नहीं होता है. दूसरी बात, उन्होंने बोला है कि एक कैदी को बाहर जाना है और जेलर ये सुनिश्चित करे कि वो कैदी बाहर ना जा पाए. आप बोल रहे हो ना, वो अब्दू का नाम ले सकती थी, अर्चना का नाम ले सकती थी कि तुझे इसमें निकलना है, तुझे कूदना है. तो मैम ये सब चीज गलत है. मैंने अभी पूरा एपिसोड वापस से देखा है. इसमें बिग बॉस ने पहले अंकित को नहीं बताया था कि जिन 6 लोगों को आप बोलोगे कि दावेदारी से हटाना चाहते हो वो इसमें वो आगे कैप्टन नहीं बन सकते. बाद में बोला था जब नाम बताने के बाद. आप एक बार एपिसोड वापस से सुन के आओ, उतना क्लिप देख के आओ, फिर आप दे सकते हो. हाँ कार्तिक जी बोलिए. भाई मेरे जो भी हैं आप, रोहित भाई बहुत बढ़िया बोल रहे हो, लेकिन आपके शब्द ना थोड़े अदल बदल रहे हैं. मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ. तो उसमें यह सीन है भाई, हम ना
एपिसोड एक ही बार देखते हैं और एक ही बार में हम लोग को समझ में आ जाता है। अब आपके ऊपर है कि आप किस एंगल से वो एपिसोड को देख रहे हो, किसी को इंडिविजुअल करने नहीं बोला है किसी। ये जो बोल रहे थे ना पहले, आप नहीं थे शायद, अभी आए होंगे, ये जो बोल रहे थे कि पहले बिग बॉस ने बता दिया था कि बाकी जो हो भी होंगे, जो भी होंगे 6 लोग, उनको भी इसमें हिस्सा करने का मौका मिलेगा। और ये लोग बोल रहे थे कि अगर वो 2 कैदी को भी बाहर बुला सकते थे, 3 को भी बाहर बुला सकते थे, इसलिए मैंने वापस एपिसोड देखा। सुनिए मेरी बात, आप बोल रहे थे कि वो लोग, बिग बॉस ने अंकित को ये नहीं बताया था कि वो लोग भी कैप्टेंसी के दावेदार बनेंगे कैदी। मैंने आपको बोला कि वो जो कैदी थे वो कैप्टेंसी के दावेदारी नहीं ले सकते थे, दावेदारी सिर्फ जेलर को ही मिलती। इसलिए बिग बॉस ने कल अंकित ने जो गलत डिसीजन लिया उसके डिसीजन के ऊपर जाकर उन्होंने जो वो इंस्पेक्टर को जो कैप्टेंसी की दावेदारी दी है, क्योंकि बिग बॉस भी नहीं चाहते कि गुप्ता कैप्टन। नहीं, जो बात बोल रहे थे ना कि प्रियंका 2 कैदी को भी बाहर बुला सकती थी, 3 को ही एक्टिविटी करने के लिए बाहर बुला सकती थी, इस बारे में बोल रहा हूँ कि बिग बॉस ने बोला था कि बाकी सब कैदियों को बाहर आना है। हम ये नहीं बोले कि रोहित भाई, हमने ये बोला कि बुला सकती थी, मतलब शी कैन डू दैट ऑल्सो, वो भी वो कर सकती थी, ये हम बोल रहे हैं, वो ही करना चाहिए, ये हम नहीं बोल रहे थे, ठीक है। और मैं आपका पूरा सुन के ही ऊपर आया हूँ, बाहर आना है, बाहर बोले सभी कैदियों को बाहर आना है, सभी कैदियों को बाहर आना है, मतलब बात सुनिए, जब आप बोले तो किसी ने इंटरप्ट नहीं किया और आप अपना कैम ऑन रखिए, अदरवाइज मैं आपको रिमूव कर दूंगी पैनल से। और दूसरी बात ये कि जब आपने बोला तो किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, तो अब आप भी इंटरप्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल, अगर 1-to-1 बात करना है तो मेरा नंबर ले लो, फोन करो, बात कर लेते हैं, या काउंटर लेना है तो सुन लो पहले, ठीक है। पहली बात कि भाई ये टास्क ही पूरा गलत था, ये मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर सिलेक्ट होते हैं तो पूरा 5 के 5 लोग सिलेक्ट होते हैं, या फिर इधर से कोई भी सिलेक्ट होता है तो यहाँ से भी 5 लोग एक साथ सिलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये होना चाहिए था कि इंडिविजुअली इफ यू आर सिलेक्टिंग एनीबडी, तो आइदर वो जेलर एक, वो अगर वो कार्य में अगर मतलब विनिंग अगर उसको मिलता तो वो उसका एक नॉमिनेशन जाना चाहिए था, और उसके साथ साथ जो टास्क कंडक्ट करवा रहा है वो जाना चाहिए था, और टास्क जो किया अगर वो जाना चाहिए था। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ग्रुप टीम ऐसा डिवाइड कर दिया गया और एक साथ 5 लोग जा रहे हैं, जिसमें से 2 नॉमिनेटेड हैं या 3 नॉमिनेटेड लोग हैं, जो कि मतलब उनका रहना ना रहना भी हम लोग को पता नहीं है, है ना। फॉर एग्जाम्पल जेलरों की बात करें तो वहां टीना दत्ता भी थी जो कि नॉमिनेटेड थी, है ना। तो उनमें से फॉर एग्जाम्पल अभी वीकेंड के वार पे अगर वो चली जाएगी तो उससे पहले तो वो कैप्टन कैसे बनेगी, नहीं बन पाएगी, है ना। या बन भी गई तो एज ए कैप्टन वो घर में रहते हुए वो घर से मतलब घर से बेघर तो होगी नहीं, तो दूसरे टीम में भी वही सीन था। तो पहली बात भाई, इस साल के जो कंटेस्टेंट्स हैं वो एक बार में टास्क को समझ नहीं पा रहे। दूसरी चीज, अगर तुम वैलिड रीजन नहीं दे पा रहे हो इसीलिए तुम्हारी बेइज्जती हुई। वैलिड रीजन ये हो सकता था उस जगह पे कि तुम डायरेक्टली बोल सकते थे कि जो लॉक का जो छापा तुमने मारा, मतलब जो प्रिंट तुम निकाल रहे थे वो प्रिंट एक्यूरेट नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम डिस्क्वालीफाइंग। बोला था घूमने का शौक है क्या भाई, रुक जाओ ना 2 मिनट। तो एक्यूरेसी नहीं है ये नहीं बोला था उन्होंने, उन्होंने साफ शब्दों में ये बोला था कि उनके जो प्रिंट है वो 2-2 प्रिंट किया हुआ है, जो कि वो क्लियर नहीं है करके पहले टाइम में बोला। दूसरे टाइम में आपको मैं ये भी बता दूं, पूरा गेम खराब की सौंदर्या शर्मा ने, ठीक है, जो कि उसका कमर पकड़ लिए, उसको खींचा तानी कर लिए करके वो जब चिल्ला चिल्लाई कर रही थी वहां से पूरा कचड़ा होना स्टार्ट हुआ। दूसरा चीज, जो थर्ड राउंड में जब प्रियंका जब चिल्ला रही थी, प्रियंका जब उसको ब्लॉक कर रही थी, तो वहां पे वो फिजिकल वायलेंस के ग्राउंड्स में हम जीत रहे हैं ये बोलना चाहिए था उसको, लेकिन उसने ये बोला कि फिजिकल हो रहे हैं और ये टास्क जो है वो डिस्क्वालीफाई होता है। तो ये डिस्क्वालीफाई करने वाला सिस्टम ना वो संचालक के हाथ में है, ना कि जो खेल रहे हैं उनके हाथ में है। वो अपना जीत मतलब वो अपना विन जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या फिर अपना जीत को मांग सकते हैं कि भाई ये मेरे को फिजिकल हुई। वहां छीना चपटी, वहां अर्चना को सौंदर्य शर्मा ने नीचे गिरा दी, उसके नीचे मतलब वो नीचे बैठी थी उससे छीन रही थी, वो छीना चपटी नहीं है। प्रियंका शर्मा धक्का मार दी, उसका घुटना छिल गया, वो छीना चपटी नहीं है। लेकिन वो लोग ये बोल बोल के खुद को डिफेंड कर रहे थे कि अगर वो मुंह के बल गिर जाती, अगर उसको चोट लग जाता तो क्या होता, अगर मगर में बात कर रहे थे।
तो कहीं ना कहीं ये टास्क अपने आप में ठीक था, ठीक है। और जो संचालक था उसके वर्डिंग्स अगर वो सही चुनता उस जगह पे तो शायद उसके ऊपर इतना बैशिंग नहीं हो पाता, ठीक है, उसके ऊपर इतना बैशिंग नहीं होता। ये कल भी हम लोगों ने बात किया है कि उसने जो रीजंस दिए वो विन डिक्लेयर कर देता ना, जेलर्स को विन डिक्लेयर कर देता, कार्य रद्द करने की क्या जरूरत पड़ गई, विनिंग डिक्लेयर कर देता, नहीं भाई ये मेरे को ये प्रिंट सही नहीं लगे, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द विन टू जेलर्स, ये बोल देता तो ठीक होता। वहां पे उन्होंने क्या बोल दिया कि नहीं नहीं ये डायरेक्टली रद्द हो जाता है। रद्द का मतलब ये होता है कि सर आपने पूरा दोनों टीम को डिस्क्वालिफाई कर दिया। रद्द का मतलब ये होता है कि पूरा कार्य रद्द कर दिया आपने, आपने कार्य होने ही नहीं दिया। अगर कार्य तुम होने नहीं दोगे, अगर ऐसे लोगों के हाथ में तुम अपना क्या बोलते हैं पावर दे दोगे, जो लोग को कि कार्य कंप्लीट करने का तक ताकत नहीं है, तो एंड ऑफ द डे यही होने वाला है। उसको कार्य पहली बात समझ में नहीं आया, दूसरी बात कंडक्ट कैसे करना वो समझ में नहीं आया, तीसरी बात उसको रिजल्ट देना भी नहीं आया। जो एग्जाम कंडक्ट कर रहा है अगर उसको रिजल्ट पब्लिश करने का मतलब विजन नहीं है, सो ही इज नॉट एबल टू डू एनी कार्य। सो इसीलिए उसी रीजन के वजह से टीना दत्ता और आपका शिव ठाकरे और आपका निमरित को बाद में बुला के बिग बॉस ने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यही चीज को समझाने की कोशिश किया है वहां पे कि भाई साजिद और अंकित क्या बोलने की कोशिश कर रहे थे और क्या उनका मोटो है, वो उनके मुंह से निकलवाओ। दैट्स इट शिल्पली। लिख लो ना, इतना सारा लिखते हो तो ये भी लिख लो। मानवी मैम आप बोलिए, आपको बोलना है कुछ? क्या ही बोलूं, कल से तो एक ही टॉपिक पे बोल रहे हैं सब। दिखते हैं अभी सुजीता आई है, क्या क्या ड्रामा हो गया अभी तभी बात करेंगे। अभी तो मैं जब ज्वाइन करने के लिए बस सुनने के लिए आई हूँ ऊपर, तो बोलूंगी कल से, बोलूंगी मैं कल से, मैं ज्वाइन करूंगी आपका। विजय मैम हो? अरे यार क्या पैनल ज्वाइन कर करके मतलब, जैवा मैम आवाज आ रही है आपको? हेलो जैवा मैम, विजय मैम। अरे यार फिर क्या फायदा जब आप हुई नहीं पैनल में, तो सभा को रिमूव कर दिया मैंने। हाँ रोहित जी बोलिए आप। सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि कैप्टन के हाथ में होता है कि वो कि अपना रूल कुछ बना सके और नहीं समझ में आया तो रद्द कर सके। जैसे जैसे अर्चना जब फिश वाले टास्क में ऊपर गई थी तो साजिद सर ने बोला था स्टेन को कि इसे तू इस इनको तू डिस्क्वालीफाइड कर दे, रद्द कर दे, रद्द कर ले। जब अंकित ने बोला था जब अंकित ने बोला था कि कोई भी फिजिकल होगा तो मैं इस टास्क को रद्द कर दूं, बोला था बकायदा कि मैं ये रात ये टास्क को रद्द कर दूंगा अगर कोई फिजिकल होगा तो, उस और ये बोले थे कि सौंदर्य सौंदर्य की बात कर रहे थे। जब दो लड़कियां उसके पैर पकड़ रहे हैं, बिग बॉस ने 6 चाबियां रखी है, अगर टास्क शिव को शिव की साइड में नहीं डालना था तो एक ही चाबी रखते। और जब पहले बिग बॉस ने बोल चुका है कि 5 दावेदार बता दो तो उन 5 दावेदारों के बीच में ही टास्क होना था अगले अगले कैप्टेंसी का। उन्होंने उन्होंने देखा कि इसमें शिव निमृत अब्दू वगैरह कोई नहीं है, इसलिए ये आगे का टास्क वो जो बाहर जो था वो बाद में इन लोगों को दिखाया गया, जो बाहर सेटअप बना था वो बाद में दिखाया गया, बाद में बोला है बिग बॉस ने। जब 5 दावेदार बन चुके थे तो उनके बीच में ही ये टास्क होना था, सिर्फ 5 लोगों के बीच में। और कितने लोगों के बीच में हुआ? 6 और 5 के लोगों के बीच में, 6 कैदी 5 जेलर। जब वो 6 कैदी एक साथ खेल सकते हैं तो 2 या 3 या 5 जेलर अंदर क्यों नहीं आ सकते? आप बात को समझो, ये टास्क सिर्फ शिव उनकी साइड के लिए ही बना था, इसलिए बिग बॉस को गुस्सा आया और अंकित को इतना बेश किया गया। हर बात पे वो बोला गया कि आपने पहले ऐसा कर दिया दूसरा, बल्कि अंकित ने बोल चुका था कि अगर तुम फिजिकल हो गए थोड़ा सा भी ये ऐसा वैसा करोगे मैं टास्क रद्द पहले बोल चुका था।
उसका खुद का नियम था। हुआ? कौन फिजिकल, फिजिकल हुआ ना, दो लड़कियां ने सौंदर्य के पैर पकड़े, दो लड़की आप देखो पैर पकड़ना फिजिकल है, दो लड़कियां ने, लेकिन किसने पकड़ा पैर, किसने पकड़ा पैर, किसने आपने पकड़ा? देखा आपने अर्थन देखा अर्थन किसने पैर पकड़ा, मुझे क्लिप भेजना अगर आपने देखा है तो, मैं अभी पूरा देख रही हूँ कहीं पर किसी ने पैर नहीं पकड़ा है किसी का। देखो आप देखो जब शिव ने चाबी ली, सौंदर्य चिल्ला रही थी, वो लोग नीचे भी चाबियां गिर गई थी, तो क्या नाम है उसके पैर के पास चाबी गिर गई थी, पैर के पास भी चाबियां गिर गई थी, तो वो लोग वो चाबी कोशिश कर रहे थे, जब सौंदर्य चाबी को जेब में नहीं जा सकती है, जब सौंदर्य सुनो और उसको क्या बोले हुआ, मैं आपको हटने साफ साफ बता देता हूँ रोहित भाई, सुनिए मैं बोल रहा हूँ, एक दो चाबियों की गुत्थी नीचे गिर गया, तो वो दोनों पैरों से वो चाबियों को दबा के रखी थी पैरों के नीचे, तो उसको हटा के वो चाबी निकालना चाहते थे, तो इसको अगर आप फिजिकल बोल रहे हो जैन साहब, तो आप बहुत ही गलत जा रहे हो, दो चाबियां पैरों के नीचे दबाया हुआ था, ये बात को आप समझिए, फिर से बोल रहा हूँ, सुनिए पहले, सुनिए पहले, आप बंदे के ऊपर पांच लोग चढ़ेंगे, एक बंदी ये रोना रो मत यार, एक बंदे के ऊपर पांच बंदे, एक बंदे भाई के जब जेल में ना, जेल में जब जेलर होता है ना, वो ना 200 कैदियों को एक जेलर ही संभालता है ना, कि उनके फूफा उनके चाचा को बुला के लाता है। शिव सही, निमृत सही, कार्तिक भाई मैंने ये पॉइंट रख दिया है, आपने जो पॉइंट बोला ये मैंने रखा है, सही बोल रहे हो कुणाल भाई, आप लोग यही चाहते थे कि आप लोग अंकित को और प्रियंका को गलत बोलो और शिव और निमृत को सही बोलो, ठीक है आपके हिसाब से सही, रोहित जी आपको समझाना है, आपको समझाना और दीवार पे सर मारना एक ही बात है जैन साहब, आपसे मतलब डिबेट करके ही बेकार है यार, मेरा टाइम वेस्ट। शिल्पा मैम से पूछिए मैं किसका फैन हूँ, शिल्पा मैम मैं कौन से ग्रुप को हमेशा सपोर्ट करता हूँ आपको भी पता है ना, और मैं खुद समझा, मैंने खुद ने समझाया, पर देखिए ये कैसे, कुछ भी बोलते हैं यार, कुछ भी बोलते हैं, बोल रहा हूँ जब शिल्पा मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं जब भी अंकित की बात करता हूँ, प्रियंका की बात करता हूँ, आप चुप रहती हो, जब मैं शिव और उनकी उनकी उनके अगेंस्ट बोलता हूँ तब आप बीच में बोलना चालू हो जाती हो, बोल रहा है एक मिनट सभा मैम, इतनी देर से तो मैं बोल ही नहीं हूँ, कुछ भी आकर कुछ भी बोल के चले जाओगे क्या, पैनल पे अगर मैंने तुम्हें यहाँ पर बिठाया हुआ है तो रिमूव। अरे हमारे सचिन भाई आए, विराट भाई आए, अरे यार रुक जाओ ना कुणाल, बीच में बोलने लग जाते हो कुछ भी, अगर मुझे तुम्हें यहाँ पर प्रियंका और अंकित का पॉइंट या शिव निमृत का पॉइंट नहीं रखने देना होता ना, मैं तुम्हें यहाँ पर पैनल पे जो मैंने एक घंटे से बिठा रखा है ना, कब का रिमूव कर देती मैं यहाँ से, वो अथॉरिटी है मेरे पास, बोलने से पहले सोचा करो कि हम बोल क्या रहे हैं, अगर मुझे तुम्हें यहाँ पर पॉइंट नहीं रखने देना होता मैं कब का रिमूव कर देती तुम्हें यहाँ से, जिस तरीके से तुम अपने पॉइंट्स रख रहे हो ना अभी उसी तरीके से बातें भी कर रहे हो, इलॉजिकल, हाँ बोलो किसको बोलना है, आपने ये भी बोला रोहित साहब, एक पॉइंट बस मैं बोलना चाहता हूँ, आपने ये भी बोला कि कैप्टन के पास यह अधिकार होता है कि वो रूल्स को चेंज करे या फिर अपने हिसाब से करे, तो भाई साहब बिग बॉस के घर में कोई भी रूल नहीं बना सकता नया रूल्स, ठीक है, जो रूल्स वहां लिखे गए हैं उसको फॉलो कर सकते हैं, ये शब्द आपके मुंह से निकले थे, आपको डाउट है तो वापस जाके सुन सकते हैं अपना खुद का डिबेट। दूसरा चीज ये है, वहां पर आप बोल रहे हो कि 1:6 हो गया तो वो चीज हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा, कार्य को खुद समझिए, वहां पर जेलर को अंदर घुसने के बाद वो उनसे कोई एक टास्क कंडक्ट करवा रहे थे, कोई एक इवेंट कंडक्ट करवा रहे थे, उसी दौरान उसका नजर ध्यान हटाते हुए किसी एक सदस्य को दीवार कूदना था या फिर चाबियों का गुच्छा जो है वो प्रिंट निकालना था या फिर वो टर्नल से बाहर निकालना था किसी एक सदस्य को, आप अगर समझदार जेलर हो तो अपना जो लूप होल है वहां जाके खड़ा हो जाते, कार्य कंडक्ट करते वक्त प्रियंका ने क्या किया, टर्नल से बाहर निकालने वाला कार्य जब हुआ वो सीधा जाके टर्नल पे खड़ी हो गई, सुंबुल ने क्या किया, दीवार के पास अपना हाथ ऐसे फैला के खड़ी हो गई, उसको चकमा देते हुए जो एक सदस्य बाहर निकलेगा वो बन जाएगा विनर, ये हुआ था टास्क, और इसमें तीनों टाइम दूसरा टीम जो कि कैदियों है तीनों टाइम उन्होंने जीत हासिल करी थी। नेशनल टेलीविजन पे बिग बॉस इतने पागल नहीं है कि
कि ये बोलते हुए आपको दिखेंगे कि तीनों कार्य जो है कि वो जीत गए, और आप लोग वैलिड रीजन ना देते हुए, अरे यार तुम हाथ हिलाते रहो, पैर हिलाते रहो, वहां भरतनाट्यम करो, मेरे को क्या, अब तुम मानोगे नहीं तो मैं क्या बोल सकता हूँ। किसी एक सदस्य को तुम अगर टास्क समझ पाए ना जैन साहब, आप अगर समझ पाए, किसी एक सदस्य को चकमा देके बाहर निकलना था, ना कि पूरे पांचों के पांच को दीवार कूदना था, ठीक है, किसी एक को ही निकलना था, और वो एक के वजह से पांच लोग को फायदा होता, क्योंकि उसके ध्यान भटाने में और बाकी के पांच लोग वहां पर उसके वहां पर उसको हेल्प कर रहे थे, ठीक है, ये है टास्क। समझो तीसरे राउंड में आपको किसी एक को ही रोकना था। अर्चना तीसरे राउंड में जब अंकित ने डिस्क्वालीफाइड कर दिया है, रद्द कर दिया है, उसके बाद अर्चना बाहर निकली है। हाँ, तो कौन सा विन दे दिया गया? जब अंकित ने डिस्क्वालीफाइड कर दिया, रद्द हुआ था, उसके बाद अर्चना बाहर निकली है। अरे सारी बात छोड़ो कार्तिक जी, सारी बात छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, ये जो टास्क है वो कौन सी टीम जीती है मुझे ये बता दो जरा, ये टास्क जो है वो कौन सी टीम जीती है? रोहित जी मेरा सवाल आपसे है, रोहित जी ये जो टास्क है वो कौन सी टीम जीती है? बिग बॉस जीते हैं, बिग बॉस। अरे बिग बॉस कैप्टन बनेंगे क्या वहां पे? फिर इन लोग बिग बॉस कर रहे हो, बिग बॉस के हाथ में सब कुछ। अरे जब यार तुम कम माल फूक के आया करो यार, क्या कुछ भी बोलते रहते हो यार। बस कल एपिसोड देखा है ना पूरा, जेलर जेलर कौन सी टीम जीती है? कैप्टनसी की दावेदारी किसकी टीम को मिली है? जेलर की टीम को मिली है, अंकित की टीम को मिली है ना, अब दिक्कत कहां पे आ रही है? अंकित की टीम में ना टीना है ना शालिन है, अंकित के टीम में अगर होती ना तो उसमें अर्चना था, शालिन और टीना को चूज किसने किया था? तो फिर हाँ, तो उसका एक रीजन था कि सबसे पहले बोल दिया था कि सत्ता बदलने के लिए पांच दावेदार चाहिए, बस सिर्फ पांच लोगों को। अब जब वो अर्चना कैप्टन बन चुकी थी तो इसलिए वो नहीं चाहता था। खत्म करो यार, दूसरा पॉइंट ले लो शिल्पा, खत्म करो टास्क, हम कल से भी वो कर रहे हैं यार, बोर हो गए अब ना। विद्या मैम वो रुकेगी तब ना, दूसरा कोई पॉइंट दे दो, हितेश कुछ बोलो यार, हितेश जी बोलेंगे प्लीज, हितेश सर आप एनकाउंटर जो भी कहते हो उसको बोलो यार, आप दे बोलो, बढ़िया मूड फ्रेश हो जाए, टास्क में पागल हो गए, टास्क कौन जीता है? बीबी जीता है। हितेश सर आप उनको ये दे दो जो भी कहते हो उसको, आर्गुमेंट या एनकाउंटर जो भी कहते हैं आप इनको दीजिए प्लीज। अरे काउंटर नहीं देना इस पॉइंट पे, हितेश नया पॉइंट दो यार, हितेश। हाँ जी हाँ जी, क्या हुआ? कुछ नया पॉइंट तो अच्छा यार, कल से टास्क में पागल हो गए, अब दूसरा कोई अच्छा पॉइंट उठाओ जिसपे बात की जाए, थोड़ा मूड सही हो। गए सर, सर को भेज दिया आप लोगों ने, कोई तो आता है कभी कभी। ना आप बोलो अच्छा पॉइंट बोलो, वो नीचे बैठ के सुनेंगे अभी, कमेंट करेंगे। कोई तो आता है उसको भगा देते हो आप लोग, ऐसे थोड़ी होता है। ये ऐसा ही करती है यार, एक घंटे उसे बोलने के लिए दे रहा हूँ, वो मुझे पता क्या कह रहा है, जब मैं शिव के अगेंस्ट बोलता हूँ ना तो आप मुझे बोलने नहीं देते, भैया हमारी रोज की डिबेट आकर देख ले पहले। नहीं नहीं हितेश भाई, बात बताओ, टास्क कौन जीता? ना बिग बॉस जीता। अब इसमें आप क्या क्या डिबेट कर लोगे आप बताओ, क्या ही काउंटर दे दोगे? मैं कल भी एक चीज बोला था, मैं आज भी एक ही चीज बोल रहा हूँ, ये जो लोग आके बार बार बोल रहे हैं बिग बॉस चाहता ही नहीं था कि वो लोग कैप्टन बने प्रियंका और, तो वो दावेदार कैसे बन गए पांचों, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, अंकित कैसे कैप्टन बन गया? अगर बिग बॉस उनको चाहता ही नहीं कभी कैप्टन बनाना, तो उनको बनने क्यों दे दिया? जब हेलीकॉप्टर वाला टास्क था उसमें उनको नॉमिनेशन में सारे उनकी टीम के आए, क्यों होने दिया बिग बॉस ने? ये लोग समझते ही नहीं है, ये जो एक ही चीज एक टास्क में खुद थोड़ा चीज हो जाता है उसमें, अरे बिग बॉस चाहते ही नहीं उनको कैप्टन बनाना, फिर क्यों बन गया अंकित कैप्टन? और अगर बिग बॉस को उनको दावेदार नहीं बनाना होता दूसरी टीम को प्रियंका और को, और डायरेक्ट इनको बनाना होता, तो बिग बॉस डायरेक्ट यही बोल देता कि अंकित तिवारी तुम्हारी कैप्टनसी बेकार थी, सब सो रहे थे, इसलिए मैं तुमसे कैप्टनसी छीनता हूँ, और तुमने जिन लोगों को सिलेक्ट किया उनसे कैप्टनसी छीनता हूँ, और जिनको तुमने रिजेक्ट किया उन लोगों को मैं कैप्टनसी देता हूँ, क्लियर बोल देता। इतने पैसे लगा के टास्क बनाता बिग बॉस, इतना टाइम वेस्ट करता, पागल थोड़ी है बिग बॉस। तो ये पता नहीं क्यों इतना लॉजिक दिमाग लगाते हो, मेरे को समझ में नहीं आता, ये लोग बस एक ही चीज को लेके बैठ जाते, बिग बॉस चाहता है उनको कैप्टनसी नहीं बनाना चाहता, नहीं बनाना चाहता, बिग बॉस के पास 50 तरीके बिग बॉस पता भी नहीं चलने देगा तुम्हारे को कब किसको कैप्टन बनवा दिया, उसको जिसको चाहेगा ना उसको कैप्टन बना देगा वो बिग बॉस चाहेगा। जब अर्चना को भी तो बनाया था सजा के नाम पे बना दिया ना उसको, फिर उसको पावर भी दी थी, और अंकित को अगर इनको कैप्टन है तो अंकित को क्यों बोलता पांच जने चुनो जिसको तुमको कैप्टन बनाना है, वो इसको पावर ही दे देते अंकित को, ये बताओ ना।
फायर फायर कर ये देता लोग ना। ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि बस ये एक ही चीज को लेके बैठ जाते, बिग बॉस चाहता ही नहीं था। अरे बिग बॉस सब चीजें चाहता है, बिग बॉस नहीं चाहता बाद में फिर साजिद के लिए क्यों बोलता बिग बॉस बुला के, अंकित के लिए बोलता ओनली श्रीवर को, साजिद के लिए भी तो बोल रहा है ना वो, क्योंकि साजिद भी टास्क में इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहता था। बिग बॉस का एक ही मोटिव था वहां पे कि बिया जो तुम टास्क करते हो ना मेरे को टास्क करवा के दो, अब उस टास्क में तुम बायस हो अनबायस हो मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा टास्क कंप्लीट करो उसका रिजल्ट निकाल के दो। अब तुम टास्क ही नहीं कर रहे हो, तुम तो कह रहे हो इसको क्या कहते हैं वो डिस्क्वालीफाई कर दो, तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए वो सब चीजें हो रही थी वहां पे। अगर आप टास्क कंप्लीट करते वहां पे डिसीजन अनफेयर लेके बोल देते कि वो टीम जीत गई तो बिग बॉस इतने माथापड़ी नहीं करता, पर आप टास्क डिस्क्वालीफाई कर रहे हो तो बिग बॉस भी क्या कर सकता है फिर, टास्क तो करोगे ना आप, इतना बिग बॉस आप इतना वो पैसा लगा के टास्क बना रहा है तो उसको तो कंप्लीट करो कम से कम, अब फेयर खेलो अनफेयर खेलो उससे बिग बॉस को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और सिंपल सी चीज, सबसे पहले अंकित सबसे पहले बिग बॉस को गुस्सा किस चीज का था, कल बिग बॉस ने जब सबसे पहले सोफे पे बिठाया था पहली लाइन यही बोला था अंकित ने, ये बोला था कि बिग बॉस का एक एपिसोड आधा तो टास्क में निकल जाता है, तो बिग बॉस आधा उसी चीज से चिढ़ा हुआ था, बिग बॉस तो उस चीज को प्रूव करना चाहता था, तो बिग इनको भी तो समझना चाहिए ना ये कुछ इतना इतना सब चीजें बोलेंगे तो बिग बॉस उनको रिप्लाई तो करेगा ना अपने वे में। अब बिग बॉस उनसे बहस तो कर नहीं सकता वहां बैठ के, तू अंकित ऐसे कैसे बोला आप तेरे को हम बताएंगे, वो अपने तरीके से तो उन चीज को क्लियर करेगा ना, तो वो अपनी अपनी चीजें से कर रहा है। और ये बायस बायस की कहते डिसीजन चेंज नहीं करता बिग बॉस, ये लोग भूल गए एमसी स्टैन को, जब एमसी स्टैन को अंकित ने संचालक था, अंकित ने विन अंकित और दूसरा कौन था शायद टीना, टीना उसके साथ ये टीना ही थी शायद ना, उन दोनों ने उसको अंकित और गौरी उन्होंने उसको 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 चूज कर लिया था, उसको टास्क जिता दिया था, जब बिग बॉस ने उनको टास्क से हटा दिया था एमसी स्टैन को, कंटेस्टेंट चेंज कर दिया था, पार्टिसिपेंट चेंज कर दिया था, हाँ इनको हटा दिया था, जज को भी बदल दिया था, जज भी बदल दिए थे वो, लेकिन किसकी वजह से, क्योंकि एमसी स्टैन जीता था, जज का तो कोई रोल ही नहीं था ना उसमें, तो कंटेस्टेंट का रोल था ना। हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो बिग वो पहली बार हुआ था हिस्ट्री में बिग बॉस की कि संचालक के डिसीजन को अमान्य करार दे दिया था बिग बॉस ने। हाँ और अब ये इतने बड़े बड़े रिव्यूअर मैं देख रहा हूँ और लोग रहे बिग बॉस की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, कौन सा रिव्यू करते हो, मैं कहता हूँ बंद कर दो अपनी अपनी दुकान, तुम लोगों इसी सीजन में हुआ है वो दूसरी बार, और लोगों को पता रहता नहीं है, बस बातें करने आ जाते हैं यहाँ पे फालतू की बड़ी बड़ी बातें करते, कमेंट डाल दिया बिग बॉस के सीजन में पहली बार अंकित गुप्ता के साथ ऐसा हुआ क्यों, अरे इसी सीजन में हुआ है देखो तो सही, पहले बिग बॉस तो देखो ढंग से बिग बॉस में क्या क्या चल रहा है, तो बिग बॉस इस बार कर ही ऐसे रहे, बिग बॉस पूरा इंटरफेयर कर रहा है, अब उस एक टास्क को लेके बस ये हो गया वो हो गया, अब इतनी धारणाएं मनाते फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बिग बॉस प्रियंका और अंकित वालों को पावर दे तो दिक्कत और ना दे तो दिक्कत, बायस्ड होकर उनको कैप्टनसी की दावेदारी दे तो दिक्कत, तब भी बिग बॉस जीत रहा है। हितेश पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये ना यहाँ पे इनको टीआरपी जो इनकी बनी हुई है, एक इन्होंने अपना लेवल अप कर लिया है, वो डाउन करना बिग बॉस क्यों चाहेंगे, उनको तो चाहिए ना कंटेंट, कहाँ से निकलेगा, वो सिर्फ बिग बॉस कंटेंट निकालना चाह रहे हैं और वो निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि ऐसा हुआ ना देखो अंकित की कैप्टेंसी में किसी ने उंगली नहीं उठा रहे कि तुमने मुझे ज्यादा ड्यूटी दे दी, तुमने मुझे कम ड्यूटी दे दी, तुमने मुझे ये ड्यूटी क्यों दी, तुमने मुझे वो ड्यूटी क्यों दी, जैसा कि हर बार होता है कि तुमने मुझे एक काम दिया तीन काम दे दिए, तीन क्यों दिए, भला को कम काम क्यों दिया, अंकित की कैप्टेंसी में कोई उंगली नहीं उठा रहा था, प्रॉब्लम ये थी कि कंटेंट आ ही नहीं रहा था कहीं से, अब ये अंकित की अपनी वो है क्योंकि अंकित किसी के काम में किसी के दिए हुए काम में अंकित ने उंगली नहीं उठाई कभी। अरे सबसे अंकित ने उंगली क्या नहीं उठाई विजय मैम, उसके जो साथ के सो रहे हैं अर्चना सौंदर्य प्रियंका सब सो रहे हैं और वो कह रहा है कि मुझे भी नींद, उनको उठाने की बजाय कह रहा है यार नींद तो मुझे भी आ रही है मैं भी सोना चाहता हूँ, बताओ उनको उठाने के बजाय। वही मैं कह रही हूँ ना कि ये पूरा जो लंबेड़ पली है केवल कॉन्टेंट के लिए पाली गई थी और कॉन्टेंट निकल नहीं पा रहा है, समस्या इस बात की है, तो वो ये चाहते हैं कि कोई सीधा साधा कैप्टन ना बने, कैप्टन ऐसा बने जो इनकी नाक में दम करता रहे और ये चिल्लाते रहे और लड़ते रहे। इज्जत से कंटेंट नहीं दोगे तो बेइज्जती से कंटेंट निकाल दिया जाएगा, मिलेगा वो वही हो रहा है कार्तिक, अब देख लो वही हो रहा है, बिग बॉस ने अगर पैसा दे रहा है वही पैसा दे रहा है ना, कुछ कंटेस्टेंट ऐसे जिनको बिग बॉस पैसा दे रहा है और कुछ कंटेस्टेंट ऐसे जो बिग बॉस को बिजनेस दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं दो दो करोड़ दे रहे हैं नहीं किसी और तरीके से। ऋषिकेश जी का मैम आज ट्विटर पे बिग बॉस वालों ने एक पिक शेयर किया उसमें एमसी स्टैन एंड अब्दू को छोड़ के सबका फोटो है, ये तो हितेश जी को पता होगा, मैंने देखा नहीं है हितेश जी ऐसा कुछ ट्विटर, मैंने भी नहीं देखा मैम, मैंने भी नहीं देखा, मैंने ऐसा होता रहता है, ऐसा होता रहता है।
ऐसा होता रहता है कई कई पिक। शिल्पा क्या कमेंट था मुझे बताओ। ये विजया मैम ये देखो मैम आज ट्विटर पे बिग बॉस वालों ने एक पिक शेयर किया है उसमें एमसी स्टैन एंड अब्दू को छोड़ के सबकी फोटो है। तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे पिक डालते रहते हैं बिग बॉस जिसमें कभी कोई होता है कभी कोई नहीं होता। शिव ठाकरे भी नहीं होता था पहले, अब शिव ठाकरे आने लगा है पिक्स में भी बिग बॉस के। तो ऐसा होता रहता है डालते हैं कभी किसी को हटा देते हैं कभी किसी को हटा देते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसकी टेंशन। बिग बॉस के जो एंट्री प्रोमो में तो बहुत लोग नहीं है। और अभी तीन चार दिन से जो है ना एमसी स्टैन के नाम पर ना बहुत ज्यादा हाइप मिल रहा है, तो बिग बॉस ना उस चीज का भी बहुत फायदा उठाते हैं। जो कि वॉलंटियर एग्जिट का चल रहा है ना ये भी बहुत ज्यादा हाइप हो रहा है सोशल मीडिया पर, तो इस चीज का भी मेकर्स पूरे दिमाग से खेलते हैं लोगों की, ऐसी बात नहीं है कि चल रहा है तो भी। और कल मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस टीम होता है कंटेस्टेंट का, तो बिग बॉस का कोई टीम नहीं होता क्या? बिग बॉस की कोई क्रिएटिव टीम नहीं होती? वो पूरा सोशल मीडिया पर सब देखते हैं क्या बात चल रहा है, किस पे एंगेजमेंट आ रहा है, क्या टॉपिक्स हाईलाइट हो रहे हैं, किस पे एंगेजमेंट आ सकता है, कैसे शो चलना है आगे। तो वो सब टीम क्रिएटिव टीम है ना, पूरे वीक का एक ग्राफ बना के फिर उस पे डिस्कस होता है, सब चीजें होती हैं। ऐसे नहीं होता कोई सबकी पीआर टीम है तो क्या बिग बॉस खाली बैठा है वो अकेला कमरे में बैठ के अकेला सोचता है? उनकी भी टीम्स होती है, वो भी अपने अपने तरीके से अलग अलग फील्ड में जा जाके अपनी अपनी चीजें देखते हैं फिर उनको मैनेज करते हैं। तो ये सब चीजें फालतू की बातें होती है, अपन यहाँ बैठ के कुछ भी बोल देते हैं, बट जनरली तौर पर ढंग से अगर सोचा जाए ना तो सब चीजों के जवाब अपने आप मिल जाते हैं। Yes. अब जो कंटेंट नहीं दे रहा बिग बॉस उसको तो निकालने की कोशिश करेगी ना। कल जैसे बिग बॉस ने अंकित को साजिद को बोला, क्यों बोला? इसलिए तो बोला ना क्योंकि उनका सीन खत्म हो चुका है, अब आधा बिग बॉस हो चुका है, अब उनके चक्कर में दूसरे कंटेस्टेंट को रखना पड़ेगा ना उनको जो कंटेंट दे रहा है। तो बिग बॉस को तो कंटेंट से मतलब है ना, तो इजीली इजी बात है, इसलिए बिग बॉस उनको निकालना चाह रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ आप बोल रहे हो ना एमसी स्टैन का भी, अभी देखना इस वीक एमसी स्टैन के ऊपर कुछ ना कुछ जरूर कार्रवाई होगी, ये लिख के ले लो आप मुझसे, क्योंकि जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है ना बार बार उसकी बातों को, और उसकी कल भी बातें दिखाई गई कि मैं बाथरूम में मुझे इस तरह के थॉट्स आते हैं, मैं गलत कर दूंगा वो कर दूंगा, तो वो सब चीजें उसने बोली है और वो दिखाया है ना, तो बिग बॉस उसका मतलब है कुछ ना कुछ उस पर एक्शन होगा जरूर, तो वो भी हमको देखने को मिलेगा इस वीकेंड पे। तो वो सब चीजें बिग बॉस करते हैं अपने अपने तरीके से, बट वो ये एमसी स्टैन को अगर बिग बॉस रखेंगे ना तो बिग बॉस को भी पता है कि उसकी वजह से 30% पब्लिक अभी बिग बॉस देख रही है, एक जने को रखने से। इस बार ना बिग बॉस के पास ना वीकेंड के बार के लिए ना कंटेंट भी नहीं है, अगर आप देखो तो कोई इतना है भी, और वो उनको पता है कि अगर कंटेंट आ सकता है फिर वो एमसी स्टैन के नाम पर ही आ सकता है, और ये अंकित की बैशिंग होगी होगी तो अंकित की होगी तो बैशिंग। एक चीज समझ में नहीं आया, ये बिग बॉस ने अभी जो कल वाइल्ड कार्ड एंट्री की है ये कौन से गलत टाइम पे किया है? एक दिन मिलेगा आप उसको हमको देखने को आज उनको आने के बाद, अब उन्होंने दो दिन किया हमको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि कल तो शुक्र वो सलमान खान आ जाएंगे, तो हमको तो पता ही नहीं चलेगा उन्होंने दो दिन में कैसे किया, किसके साथ बॉन्ड बनाया, किसके साथ नहीं बनाया, क्या नहीं किया। तो गलत टाइम पे एंट्री करा दी मेरे को लगता है, वीकेंड के वार पे करानी चाहिए थी उन लोगों की एंट्री, बट अब उन्होंने करा दी एक दिन पहले। अभी ना लाइव बंद कर दिया है पूरा, आज बंद कर रखेंगे, कल बंद रखेंगे, शनिवार बंद रखेंगे, इतवार को चालू करेंगे ये लाइव, तो ये हमको यही तो कह रहा हूँ, हमको तो पता ही नहीं चलेगा ना वो के दो तीन दिन में क्या कंटेंट। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, अब ऐसा ना देखो इतेश क्या करेंगे, अब ये ना पूरा हमें लगता है कि ये इन प्लेयर्स को भी आगे ले जाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। साजिद को देखो रखेंगे, साजिद का अलग फंडा है वो हम लोग भी जान रहे हैं आप भी जान रहे हो, ठीक है। साजिद क्यों है शो में? साजिद पहले वीक में ही निकल जाना चाहिए था, नॉमिनेशन में आया फिर भी बचा लिया गया, क्यों? तो वो साजिद अभी रहेंगे। अच्छा बिग बॉस ये भी चाहते हैं कि स्टैन भी खुल के बोले, आगे आए कुछ कंटेंट दे बढ़िया सा। बिग बॉस ये भी चाहते हैं कि अंकित भी फटे, अंकित भी गालियां बके, अंकित भी ऐसे लड़ाई करे, ठीक है। तो ये लोग वो चाह नहीं रहे हैं इनको निकालना, लेकिन अब क्या करेंगे फिर? ये कहने के बाद भी नहीं आगे बढ़ रहे ना, इतना कहने के बाद भी प्रेस करके भी। अब कल देखो निम्न सबको बुलाया, तीन को बुलाया, साजिद की बुराई कर दी शिव ठाकरे के सामने, ठीक है। निमृत वहीं बगल में बैठी थी, निमृत कैसी गुड़िया की तरह फुदकती जा रही थी निमृत को, निमृत को पता है कि उन्होंने सेट कर दिया है शिव ठाकरे के साथ उनको, तो निमृत तो खुश हो गई। उसके बाद शिव ठाकरे का क्या होगा आप ये देखो ना, शिव ठाकरे फैन हम देखते हैं कि वोटिंग में निम्मो को सेकेंड नंबर पे ला रहे हैं, माई ग्लेम में उसके लिए वोटिंग करा रहे हैं, बाद में क्या होगा? टीवी से इनको निम्मो आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही है शिव के कंधे पे बैठ के, इनके फैंस बोलते क्या हैं करते क्या हैं मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा। वो बात तो सही है, पर ये जो क्या बोलते, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ
ये जो प्रोमो जो कटा हुआ है सृजिता के ऊपर और टीना दत्ता के ऊपर, सृजिता मतलब टीना दत्ता ये नहीं सोच पाई थी कि वो जो जो भी वो अंदर बैठी थी जिस तरह, वो कभी 1% का भी उसके अंदर वो नहीं था कि यही लड़की अंदर भी आ सकती है घर के अंदर करके। वो जब अंदर आए हक करने के लिए आई तो बोली पीछे हट पीछे हट, वहीं बैठ जाके नहीं चाहिए तेरे, तुम्हारे अंदर इतना नेगेटिविटी है कि मैं हक भी नहीं करना चाहती, वैसे टाइप का ही कुछ बोली। और फिर वो कुछ भी ये बोली तुम्हारे अंदर डार्कनेस बहुत है ये वो, तो वो वॉकआउट करके हाँ तो अब तो तुम बोलोगी मुझे डार्कनेस है। तो फिर वो जब जाके वहां पे बैठ गई, बैठने के बाद ये बोली कि मैं तुम्हें निकालने ही आई हूँ, तो वो बोलती है कि तुम मुझे निकालोगी ये वो करके। फिर वो जैसे ही अंदर आई ना, उसकी शक्ल में 12 बज गए थे, उसका रिएक्शन उसके जो एक्सप्रेशन थे ना बहुत मजे आए। फिर वो बिग बॉस को बोल रही थी आपको मतलब मैं खुश रहती हूँ तो आपको 2 मिनट बर्दाश्त नहीं होता है क्या करके। तो उसके बाद उन्होंने ये बोला कि फिर वो जब शालिन को वो जब हक भी कर रही थी ना, तो हटो 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 कैमरा में दिखना चाहिए और टीना को भी दिखना चाहिए करके, वो मतलब पूरा पूरा 100% एक बंदी को ऐसे पागल कुत्ते को पीछे पड़ने जैसा वो पड़ जाएगी। बात की बात बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा, उनकी दोस्ती हो जाएगी यारी हो जाएगी या फिर टीना दत्ता इस बार निकल जाएगी, क्योंकि वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि वो टिक पाएगी अगर होता है तो। जिस लड़की के नाम के इतने प्रमोस कट रहे हैं, टीना वर्सेस शालिन, टीना वर्सेस सौंदर्या, टीना वर्सेस श्रीजिता, आपको लगता है कि मेकर्स उसको मतलब इतना लाइमलाइट में रख के और फिर उसको शो से बाहर निकाल देंगे? और वो बिग बॉस को भी बोल रही कि तुमसे मेरी खुशी देखी नहीं जा रही क्या, वो कहीं से कहीं तक नहीं निकलने वाली। लेकिन अभी तो जो दिखाई दे रहा है ना कि मुझे सब कुछ टीना के वर्सेस ही दिखाई दे रहा है, टीना के अगेंस्ट ही दिखाई दे रहा है। लेकिन एक चीज और बताऊं, जो बाहर से माइंड सेट करके जाते हैं ना कि हम अंदर जाकर ऐसा गेम खेलेंगे, चाहे वो श्रीजिता हो, चाहे वो विकास मानक कला हो, कोई भी हो, अगर आप बाहर से कोई माइंड सेट करके जाते हो ना, तो वो आपका गेम ना 1 या 2 हफ्ते तक चलता है, उसके बाद ना ऑटोमेटिकली आप डाउन हो जाते हो, क्योंकि वो ऑर्गेनिक नहीं होता। आप माइंड सेट करके गए, माइंड सेट करके आप कितने दिन का जाओगे, मैं ये कर लूंगी मैं वो कर लूंगी, तो वो मुझे लग रहा है बस उसका 1-2 हफ्ते का कंटेंट होगा श्रीजिता का, इसके बाद वो पूरी तरीके से डाउन हो जाएगी। कार्तिक जी, मेरे ख्याल से इस बार वही होना चाहिए जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, एमसी स्टैन वही होगा ना तो बेस्ट है। एमसी स्टैन को उसमें डाल दो सीक्रेट रूम में, ये मैं भी चाहती हूँ हो जाए, बेस्ट हो जाए। वो समझे तो सही, उसको लगता है झूठ बोल रहे शिव के बारे में, मेरे को निमृत के बारे में। भाई ये ना बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ा जुआ होगा, खेलने में है ही नहीं। नहीं नहीं, मैं वही बोल रहा था, ये बहुत बड़ा जुआ हो जाएगा अगर डाले। अगर वो वहां जाने के बाद टीवी बंद करके सो गया तो तुम क्या कर लोगे बताओ? उसको अलाउड है, मतलब उनको अलाउड है या भाग गया? अरे वहां से मौका मिला तो भाग गया, इसके अपने घर को पर सो सकता है, क्या दिखाएंगे? ऐसा क्या किया है निमृत शिव ने उसके आगे? बड़े चाले एमसी के बारे में सी, ये लोग कितना करते हैं सब देखते हैं हम लोग, जेबा मैम आपने कुछ पूछा पॉइंट टू पॉइंट बोलना चाहिए। जेबा मैम आपने भी कुछ पूछा, एक ही पॉइंट पे आ जाते तुम घूम फिर के, जब से मैं नहीं देख रही तुम पूछा ना, अरे ज्यादा नहीं पढ़ा इन्होंने, बोला ना कि टीना को करो, टीना के अलावा कौन कौन है इस बार? एक तो निमृत है, निमृत तो उनकी फेवरेट नहीं जाएगी। थोड़ा प्रियंका वालों की भी बात कर लेते, उनको भी स्क्रीन टाइम दो, ऐसे नियर गलत बात है, वो शो में कुछ नहीं कर रहे, तो आप भी कुछ नहीं बोल रहे। पैर पैर आखिरी में गौतम के फैन है ना, कैसे बोल सकते हैं? आज इनके साथ बहुत एक बहुत अलग इंसिडेंट हुआ है प्रियंका वालों के साथ, चोरों के घर में चोरी हुई है आज, माइक ग्लैम से 1 नंबर से हट गई प्रियंका, तो आज सही कह रहे हो अपने आप को फेयर बोलते हैं कि उनके लॉयल फ्रेंड से बोलते हैं और इनके बॉट्स बोलते हैं, तब भी नंबर 1 पे नहीं आ रहे, बताओ। बोट्स वालों के घर बोट्स लग गए आज। हाँ बोट्स वालों के घर बोट्स लगे, लेकिन बोलते हैं कि उनके बोट्स नहीं है, इनके बोट्स हैं। अब इसका सबूत किसके पास है भाई? उनके भी तो मेरे को वो दिक्कत है, इतने तो इलेक्शन में नहीं आते जितने इनको आ रहे हैं। अरे वो मेरे को प्रॉब्लम है, बेचारे शिफ्टों में काम कर रहे थे, वो शिफ्ट बना बना के वो गाने गा गा के बेचारे माइक क्लेम कर रहे। मैं उनकी एक दिन उसमें घुस गया स्पेस में, वो एक वहां पे ना भजन गा रहा है और एक बोरा लगे रहो 1 2 3 100 हो गए, लगो लगो 200 हो गए, 200 हो गए, 300 300 400 हो गए, 400 हो गए। मैंने कहा ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या कर तो वो पागल हो रखे थे बेचारे उनके साथ, मेरे को लग रहा है इतने फ्रस्ट्रेटेड होंगे इस टाइम, तो वो ये क्या हो गया हमारे साथ, 24 घंटे उन्होंने ना
माइक ग्लेम में कमेंट किया 24 घंटे किसे कहते हैं यार, 24 घंटे करने के बाद निमृत कौर आ लेवल की 1 मिनट के अंदर अंदर पार हो गई। तो बोट्स, 1 मिनट में 2 लाख बोट खरीदे उन्होंने, 1-1 लाख बोट मतलब 1 मिनट में। नहीं तो इसमें मेरा दो मैं एक बताऊं विजय मिश्रा जी, सॉरी मेरे एक दोस्त ने 1000 वोट दिया, ये मैं बता रहा हूँ, इतना बड़ा क्रेजी है। किसको दिया है? निमृत को माइक लेम में। तो ये सिर्फ भागने वाले दे रहे हैं निमृत को। निमृत को वो लोग नहीं भाई, हम तो मैं तो गई भी नहीं हूँ एक भी बार माइक लेम में, मैंने डाउनलोड भी नहीं किया है। अब्दू वाले गलत हुआ था बिचारों के साथ। अब्दू वाले करेंगे ना ज्यादा, क्योंकि अब्दू ज्यादा पागल है। शिल्पा हितेश ने जो शुरू में ही बोल दिया था वही होने वाला है, 25 लाख इधर जाएंगे, ट्रॉफी उधर जाएगी, समझ रहे हो? वही चक्कर फंस गया और वही हो गया। अरे तो निमृत को कुछ तो देना है ना यार, उनको भी बिग बॉस कैसे तोड़ी है। तो मैं कह रही हितेश की बात 100% सही निकली भाई, यहाँ पे तो इतना रो रही है बिचारी, इतना गेम में उसको डिप्रेशन भी 3-4 बार हो गया, तो अब कुछ तो बिग बॉस भी तो देंगे ना, ऐसे थोड़ी निकाल देंगे, कुछ तो उसको भी कंटेंट है। आसिफ जी कैमरा ऑन कर लो, अथर जी आप भी कैमरा ऑन कर लो, पता ये टाइम पे थोड़ा बोलना पड़ता है थोड़ा ये टाइम पे, अथर जी अभी तो रात भी नहीं है जो लाइट का इशू होगा। हाँ ये तो दिन पे मेरा थोड़ा मुश्किल होता है ये टाइम पे। हाँ आसिफ जी तो चलो ऑफिस में इस टाइम, अथर जी आप तो अभी घर पे थे, विजया मैम को आपकी हुड्डी इतनी अच्छी लगती है, और डोरीमोन तुम उठकर बैठ जाओ, तुम बहुत जल्दी थक जाते हो, काम कुछ करते नहीं हो, बोलते बोलते हो नहीं और थक बहुत जल्दी जाते हो तुम। डोरीमोन को बोलने दो भाई, कुछ बोलने दो डोरीमोन, बोलो कोई एक आध बढ़िया पॉइंट बोलो, टीना का पॉइंट, टीना के अलावा, टीना के अलावा, लेकिन टीना को छोड़ के कोई पॉइंट बोलो, और श्रीजीता को भी छोड़ के, वरना उनका लाएंगे, मेरे साथ गलत किया मेरी बहन, श्रीजीता और टीना को छोड़ के तो फिर क्या बोलूं मैं, तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता। देखा मैं समझ गया था क्या कहने वाले ये। मैम ये पता क्या है, हमने ना एक सर्वे किया था, हमने मतलब कि फैमिली मेंबर्स कुछ फ्रेंड्स ने मिलके एक सर्वे किया था, तो हमने घर घर जाके लोगों से बिग बॉस वालों की मतलब कि सर्वे किया था, तो लोग तो टीना को इतना पसंद कर रहे हैं, जैसे हम कमेंटों पे देख रहे हैं उसके ओपोजिट है लोग, तो बिल्कुल वो कह रहे देश के लोग टीना को इतना पसंद कर रहे हैं। अच्छा सर्वे किया आपने? हाँ जी मैम हमने सर्वे किया था कुछ स्टूडेंट्स ने। अच्छा, मिलके कहाँ कहाँ गए थे डोरीमोन, कहाँ कहाँ सर्वे किया था? हाँ हमने मैम चंडीगढ़ गए थे, पटियाला गए थे और लुधियाना गए थे। हाँ तो उतने पे तो होंगे ना उसके सपोर्टर? नहीं नहीं कोई बात नहीं, उतने में होंगे ना, 1000-2000-3000 तो होंगे सपोर्टर ना, उसमें क्या प्रॉब्लम है। अब निमृत की फैन आ गई जशन मैम। मैंने कुछ नहीं बोला है ना, मैंने कुछ नहीं बोला जाने में। आपके आते सब भाग रहे जशन मैम देख लो, और मैं तो निमृत सपोर्टर हूँ यहाँ पे, पहले बता रही हूँ मैं तो निमृत को सपोर्ट करती हूँ। सबसे पहले ना डोरेमोन को कंबल से निकलना पड़ेगा, कोई गेम नहीं खेल सकता बिग बॉस में, वही खेल रही सबसे अच्छा गेम, इतने दिन से बोल रहा हूँ लोग मानते नहीं मेरी बात। शिफ्ट को निमृत ही लेकर जा रही है सपोर्ट ना करो, पहले ये आप कर लो, पहले क्लियर कर लो आप भाई, निमृत हो गया, निमृत को लेकर चल गया, तो मैं कुछ वही बड़ी बात है, निमृत खुद को लेकर चल रहे हैं, उसको सारे वोट जो डल रहे ग्लेमर में, सब शिफ्ट फैन के है, सब ये ना सब हमारे फैंस के, उसके खुद के कोई भी वोट नहीं है। कौन नहीं मिले? अरे जशन मैम ही चली गई। तो बोलने नहीं दिए। अरे बाटा का गेम खेलती है निमृत, कोई गेम ही नहीं है बंदी का। जशन मैम को भगा दीजिए। निमृत का कोई गेम ही नहीं भाई। मैम कौन भी निमृत नेटवर्क इशू हुआ क्या हुआ? नहीं ऐसे तो वो जाती नहीं है, आई थिंक नेटवर्क इशू हो गया होगा, ज्वाइन करेंगे भी दोबारा से। कार्तिक मैम बहुत अच्छा बोलती है, जशन मैम बहुत अच्छा बोलती है। हितेश भाई अभी क्या बोले देखो,
डोरेमोन एक सेकंड रुको, हितेश दा अभी अभी बोले कि वही तो बिग बॉस चला रही, अभी बोलते हैं कि क्या गेम, नहीं नहीं मैं कब बोला वो चला रही है, अरे सर झूठ मत बोलो कार्तिक जी गलत बात, अरे बिग बॉस चला रही है, I don't know निमरत ने बोला तो बिग बॉस को चला रही है, मैं तो बोल रहा हूं पॉइंट लेके आया था बोर्ड्स का, निमरत बोर्ड से जीत गई नंबर 1 पे, मैं तो अरे निमरत मैं बोला था उसकी वजह से प्रियंका और अंकित को कैप्टनसी बनने का मौका मिला है पता है आपको, निमरत की वजह से ओनली उसने जिताया था, बात कर रहे ऊपर वाले कभी भी गलत नहीं खेलती, वो बनती टास्क ऊपर वाले चार नंबर पे सुई आती है ना, जब भी सात पे सुई आती जब भी चार पे बताई थी उस बंदी ने, क्या बात करते हो आप, कार्तिक सर पता है दोस्ती में यार जय अमिताभ बच्चन ने क्या किया था कि आंटी जी इंसान तो बहुत अच्छा है मेरा दोस्त पर दारू पीता है, दारू जरूर पीता है पर जुआ खेलता है, दोस्ती में नाम मामले में निमरत ऐसी है, याद है ना वो गप्पा ने डाल, आप सब चुप रहेंगे, हाँ कुणाल बोलो बोलो और बोलो कुणाल क्या बोल रहे थे बोलो, याद है शोले मूवी तो सबने देखी होगी, शोले मूवी अमिताभ बच्चन वो शादी का रिश्ता लेके जाता है ना अपने दोस्त का वीरू का, वो वैसे सब है निमरत अपने दोस्त के बारे में, सामने आंटी है शिव या कोई दूसरे लोग, सॉरी शिव नहीं दूसरे लोग हैं और ऐसे सब डायलॉग बोलती है शिव के बारे में, कुणाल खत्म, शिव को नहीं खत्म, बाकी कार्तिक जी वेट, कार्तिक जी वेट, कुणाल खत्म, बाकी कुणाल और कुछ, कुणाल और कुछ बोलना है निमरत के गेम के बारे में, कैसा कैरियर डिएट हो गया भाई तुम्हारा कुणाल, मेरे को पता है क्या लग रहा है वो जश्न में बोले जा रही है अपन को सुनाई नहीं दे रहा, मैं इतनी देर रुकने वाली है ही नहीं वो बंदी अरे कुछ गलत पॉइंट पूछ दिया क्या सिर्फ ऐसे ही तो बात कर रही है एमसी, नहीं नहीं आपने सही पॉइंट रखे अपने, अभी जश्न मैम ज्वाइन करके काउंटर करेंगे फिर आप उनको काउंटर करना, और नेटवर्क चाचू बना दिया और क्या बोला, अच्छा ही तो बोला, हां डोरेमोन वैसे एक मिनट बिग बॉस में निमरत कौन है, अभी तो इतनी सारी है ना अभी क्योंकि गौतम भी मूंछ कटाने के बाद दाढ़ी कटाने के बाद वैसे ही टाइप का कुछ लग रहा था, सब लोग बोल रहे थे इसके चाची लग रही है, चाहता हूँ आप सब लोगों से मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, जैसे कुछ लोगों के लिए कुछ लोग आना शुरू हो गया है, जैसे कि टीना के लिए वो आई सृजिता आई और एक बंदा है मैं किसी मंडली का हिस्सा नहीं हूँ मैं न्यूट्रल हूँ करके वो बंदा भी आया, कि वो आते संग कहाँ ज्वाइन होगा भगवान जाने हो, क्या उसका मूव होगा, प्रियंका का फ्रेंड है वो, प्रियंका और अंकित का फ्रेंड है विकास मानकतला, उन दोनों का फ्रेंड है, अच्छा हाँ फ्रेंड है तो बहुत अच्छी बात है, मैं ये पूछ रहा था कि ये प्रियंका का बाहर कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है क्या, जिसको लाके खड़ा कर दो तो ये और आग बबूला हो जाए, उसकी दुश्मन खुद ही है सर, खुद ही है वो उसकी दुश्मन, बिग बॉस ना प्रियंका के, कार्तिक जी मैं आपको बताऊं बिग बॉस ना प्रियंका के दुश्मन नहीं प्रियंका के सपोर्टर को लाएंगे, जिस तरीके से अर्चना प्रियंका को बोला जाता है ना कि अर्चना के साथ मिलकर गेम खेल, एक सपोर्ट सिस्टम का वो है, अंकित उसका सपोर्ट सिस्टम है ही, अभी बाहर से विकास मानकतला आ ही रहा है तो आप समझ रहे हो ना गेम कैसे जा रहा है अपने फ्लो में, अभी उसके सपोर्टर आएंगे उसके अगेंस्ट कोई नहीं आने वाला है, और प्रियंका का सबसे बड़ा दुश्मन तो अंकित है, इससे बड़ा दुश्मन कौन होगा भाई जरा ये बता दो हमको, दुश्मन सबसे बड़ा दुश्मन कौन सी है ना, कि तेरी वजह से मेरी इमेज खराब है, तेरी वजह से मैं गलत काम कर रही हूं, मैं मुझे बोलना है यहां पर अंकित डिस्क्वालीफाई, अंकित डिस्क्वालीफाई, बिग बॉस ये राउंड डिस्क्वालीफाई होता है, जेब्रा बोल रहा हूँ क्या, जेबा जेबा मैम किसको सपोर्ट करते हैं, शिव 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 शिव, अब शिव फैन यहाँ पे तीन लोग हैं, अतर जी जेबा मैम और आसिफ भी बैठे हुए हैं हमारे, जेबा मैम तो गायब हो जाती हैं बीच बीच में, विजया मैम यहाँ कम आती हैं, अब देखो अब मैं ना अब कोई नहीं बोलेगा, अब मैं जशन मैम को ज्वाइन कर रही हूँ, कुणाल ने हाँ हाँ कोई बोलेगी निमरत के लिए और जशन मैम उसको काउंटर करेंगे, मेरे पास पॉइंट था निमरत के अगेंस्ट बोलने के लिए या फिर उसके बाद बोल लूंगा, नहीं नहीं बोलिए अब कार्तिक जी, पहले इकट्ठे कर लो ना पॉइंट, नहीं अगर पहले मैं कंफर्म कर पहले जैसन मैम ऑडिबल है कि नहीं, जैसन मैम, जैसन मैम आर यू देयर, जैसन मैम आवाज आ रही है आपको, नहीं आ रही,
नहीं यार, मैं नहीं बोलूंगा। मुझे एक पॉइंट बोलना है प्रियंका के लिए, मुझे कुछ बोलना यार, मैं बोलता नहीं हूँ। अथर्व जी फिर डोरेमोन, अथर्व जी फिर डोरेमोन, डोरेमोन पार्ट वन, डोरेमोन पार्ट टू। हाँ मुझे सिर्फ इतना कहना है कि प्रियंका का अपना दुश्मन कौन है, वो आई मी माई सेल्फ, ये तीन जो लफ्ज है ना इसके अपने दुश्मन है और कोई नहीं है। मान गया अथर्व जी, ये पॉइंट तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं, वैसे है यही वाकई है, अगर ये चीज वो छोड़ दे तो वो सबसे अच्छी बन जाएगी घर में। बिल्कुल हकीकत बोली आपने। पवन कैंबल जी का कि बिग बॉस गार्डन एरिया में स्टैचू बनाएंगे अगले सीजन में प्रियंका का, उसके नीचे लिखेंगे महान प्रियंका। ओके हाँ, डोरेमोन बिग बॉस महान है के बजाय प्रियंका महान है हमारे दिल की चाहने का। पता क्या है, अब ना क्रिसमस आ रहा है तो हम टीना को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि टीना मेरे घर में ना चॉकलेट के लड्डू बना के भेजा करती थी, तो मेरे दादा दादी को निकाल दो बाहर, इविक्शन में तो है। हाँ हाँ बोला बाहर बुला, बाहर बुला, बुला को कर रहे हो तो बुला लो, मेल कर दो कलर्स वालों को, क्योंकि वो हमारे लिए लड्डू बनाया करती थी चॉकलेट के लड्डू बनाकर ना वो उस डब्बे में देकर भेजा करती थी, वो 5 किलो लड्डू हम खाते थे पूरी सर्दी सर्दी चॉकलेट के लड्डू चाय के साथ। तो हाँ ये आई टोटली अग्री विद दैट पॉइंट, क्योंकि टीना ने स्टार्टिंग में भी यही किया था, टीना ने स्टार्टिंग में भी श्रीजिता को पूरी तरीके से इग्नोर किया था, अभी तो वो आई है उसको समझ में आ रहा है कि बिग बॉस इसको मेरे लिए बुलाकर लाए हैं, तो अभी वो भी अपना कंटेंट देगी, रोना वोना वो सारी चीजें, लेकिन धीरे धीरे देख लेना श्रीजिता डाउन होगी। मुझे भी यही लग रहा है श्रीजिता जाएगी शिल्पा सालिन की तरफ, देख लेना तुम, और फिर डाउन नहीं होगी, ये गेम दूसरी तरफ पलटेगा। श्रीजिता सौंदर्या शालीन ये इनका बनेगा। हाँ ये अलग होगा गेम बिल्कुल, जस्ट अपोजिट होगा, किसी को फायदा हो या नहीं हो। हाँ। शालीन शालीन को एक लड़की और मिल जाएगी फ्लर्ट करने के लिए ये कंफर्म है। पर टीना श्रीजिता की चटनी बना देगी देख लेना, हमारी टीना श्रीजिता की चटनी बना कर भेजेगी उसको बाहर। चटनी बनाने का काम अर्चना का है, डोरेमोन चटनी बनाने का काम अर्चना का है। डोरेमोन वो बिचारी फ्लाइट में भी सिलबट्टा लेके गई वजन का कोई ख्याल किए बिना, ये भी तो सोचो। अब क्या हो रहा है सिलबट्टा, अब सिलबट्टा किसी काम का ही नहीं, अब तो कुछ चटनी नहीं बन रही घर में, कुछ नहीं हो रहा, वो दिखाएंगे। डोरेमोन मैं शिफ्ट के बाद ना टीना को पसंद करता हूँ। हाय भगवान, टीना के फैन बन रहे हैं, ऐसे ही टीना जीतेगी देख लेना। पर पता है जेवा मैम, मुझे आपसे कुछ पूछना है, क्या आपको नहीं लगता है कि शिव को निमृत को छोड़ देना चाहिए अब इस टाइम पे, गेम जो जिस हाई टाइम पे चल रहा है, वो अपने दोस्तों को नहीं छोड़ेगा मैम कुछ भी हो जाए। पर एक बात मेरी एक सुनिए, क्या दोस्ती में वो ट्रॉफी यहाँ पे गिव अप करने कर देगा, ऐसा नहीं होगा ना, बात नहीं है, लेकिन उसके लिए उसके दोस्त इम्पोर्टेंट हैं कुछ भी हो जाए। जैबा मैम इस पे मैं आपको कॉन्टेक्ट देना चाह रहा हूँ, उसके दोस्त इतने इम्पोर्टेंट हैं तो कहाँ है इंस्टैंड, कहाँ है साजिद भाई, उनके खिलाफ हाँ। तो बोलने के और करने के लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन भाई जो निमृत, हाँ मैं बता देता हूँ ना और जो निमृत उसके वोट काट रही है, जो निमृत उसके सब कुछ में उसका खराब करिए, उसके साथ रहने को तैयार है वो, मतलब इसका गेम क्या चल रहा है। शिफ्ट के फैन में भी हूं, फैक्ट्स पे बात करना पसंद है। हाँ फैक्ट पे बात करेंगे ना, अभी हम फैक्ट्स पे बात करेंगे, चलिए फैक्ट्स पे बात कर लेंगे, फैक्ट्स पे बात करते हैं। सबसे पहला फैक्ट्स, जब भी निमृत को जरूरत रहता है वो निमृत के पास जरूर जाता है, लेकिन स्टैंड के पास क्यों नहीं जाता, बताइए फैक्ट्स का जवाब। आपको कैसे पता कि स्टैंड के पास नहीं गया है, हम भी शो देख रहे हैं ना, उसी से पता है ना, तो एक घंटे टीवी पे जो आता है शो, लाइव पे जो आता है शो, स्टैंड जब लो था अचानक से वो कैसे पावर अप हो गया। हाँ पावर अप हो गया क्योंकि साजिद भाई बैठे, खुद से हो गया। हाँ वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, टीना आ जा रही है कभी, अच्छा? साजिद आ जा रहे है कभी, कोई आ जा रहा है। सुम्बुल नहीं गई थी उसके पास बात करने? हाँ, सुम्बुल क्या शिव है, स्टैंड साजिद अब्दू निमृत ये लोग डिनर के टाइम पे उसको ये नहीं कर रहे थे। शिव की बात हो रही है यहाँ पर, हम लोग और लोगों का नाम क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, हम फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं ना, है ना सबकी ग्रुप की बात करिए आप, नहीं हम शिव की बस बात कर रहे हैं। जब वो लो था तब उसको लंच के टाइम पे डिनर के टाइम पे ये चार लोग नहीं बैठे हुए थे उसके साथ,
अरे वो छोड़ी ना, आप शिव के बारे में बताइए मुझे, मुझे दूसरों का नाम नहीं जानना। उसमें शिव भी नहीं है ना वहां पर, तभी तो हम बोल ले। जितना वो निमृत के लिए कंसर्न दिखाता है, जितना दूसरों के लिए कंसर्न दिखाता है, उतना स्टैंड के लिए कंसर्न कहाँ है उसके दिल में? मुझे दिखता है, आपको नहीं दिखता है? हमें देखो, देखो यहाँ पर बोल रहे क्या हुआ, क्या हुआ, कॉल किसके लिए बोल रहे हैं तो देखो। नहीं नहीं मैं एक्चुअली, इन्होंने बोला कि निमृत अच्छा है, मैं निमृत के बहुत खिलाफ, मैं निमृत के सबसे ज्यादा निमृत का पैट, निमृत का जो होता है ना, वो रोती है, वो चीखती है, चिल्लाती है, बात करती है। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो साइलेंट जाके कोने में बैठ जाती है अपने इंसान है तो ये सब प्रतिक्रिया इंसान से निकलती है। शिव फैन कैमरा ऑन नहीं करते क्या कोई भी? आप पहले डिसाइड कर लो, आप निमृत की फैन हो या शिव की फैन हो। अगर आप निमृत को सपोर्ट करी तो आप निमृत को, निमृत का पॉइंट उठाया, मैंने थोड़ी ना उठाया है। निमृत उनके सामने बैठ के रो रही है चीख चिल्ला के, तो उसको बोलेंगे ना? ऐसा नहीं है कि वो अपने बेड में जाके छुप रही है या लोगों से छुप रही है। हाँ तो जो ट्रू देखिए, सिंपथी लेने का काम कर रही है ना वो, तो हम लोग भी तो वही बोल रहे। अरे आप जो पॉइंट बोल रहे हैं ना आसिफ जी, मैं उस पे बात कर रही हूँ कि वो निमृत के पास जाता है, जबकि निमृत खुद बेड पे रो रही है बैठ के। जब उसके सामने रहेगी तो सब, साजिद भी गया था, तो सामने ही तो करोड़ देने की बात किया था, साजिद भी गया, अब्दू भी गया, सुम्बुल भी गई, शिव भी गई, तो स्टैंड किधर था? एक सेकंड, 2 करोड़ सुम्बुल के ऊपर प्रैंक किया गया था। एक सेकंड आसिफ जी, सुम्बुल के ऊपर प्रैंक किया गया था, जब सुम्बुल रोने लग गए उसके पास कौन गए थे? कौन, नाम बताइए? शिव और निमृत गए थे, फिर अब्दू भी गया था, और नीचे से पैर उठा के प्रैंक किया था। एक एक करके पहले आसिफ जी, मत करो आसिफ जी, पहले आप बोलो अपना पूरा पॉइंट, फिर ज़ेबा मैम बोलेंगी, जब शिव है ना, शिव लो नहीं होता है कभी भी, आप देख लेना, वो सैड नहीं होता है, वो रोता नहीं है। जब बिग बॉस ने इमोशनल, क्या उसको जरूरत नहीं पड़ती है उसके दोस्तों की? मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप पहले डिसाइड करो, आप शिव के सपोर्ट में बोलना चाह रही है, निमृत, निमृत के बारे में बोला, सपोर्ट में बात कर रही हूँ, मैं शिव के सपोर्ट में बात कर रही हूँ, आपने बोला ना निमृत जब रोती है तो जाता है। अरे जब आप बोल रहे निमृत रोती है तो जाता है, या पॉइंट मैंने बोला या आपने बोला? मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने निमृत का पॉइंट रखा था, निमृत ऐसा करी वैसा करी, आप निमृत की सपोर्टर हो, मैंने नहीं, नहीं, नहीं रखा था, आई एम सॉरी, पहले आपने बोला। अरे दोनों के दोनों ओवरलैप मत करो यार, कोई बोलो फिर खत्म करके दूसरा बोलो यार, तो कॉन्टेक्स्ट क्यों बात कर रहा था? अरे आसिफ जी, और मैं बताऊं ना, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, आसिफ जी ने एक क्वेश्चन किया था, मैं आपको कॉन्टेक्स्ट क्यों बात कर दिया, फिर पहले ये बताइए मुझे, मैंने क्वेश्चन किया था ना आपको, मैंने फैक्ट बताइए बोला मैंने। आपने उनसे पूछा कि आप निमृत फैन हो या शिव फैन है, तो मैं आपको बता देती हूँ, ज़ेबा मैन जो है वो शिव फैन है। नहीं नहीं वो नहीं पूछा था, वो उन्होंने कुछ निमृत के बारे में बोला था, तो मैंने उस पर कंटेंट दिया। आप शिव की दोस्ती शुरू हुई, स्टैन और वो दोस्ती के बारे में जब सवाल उठा था, मैंने उनको फैक्ट पूछे, तो फैक्ट में इन्होंने मुझे बोला जब निमृत रोती है तो ये जाता है, स्टैन जब सैड होता है तो क्यों नहीं जाता, ये इन्होंने पॉइंट उठाया। अब उस बात पे मैंने काउंटर दिया कि निमृत जब रोती है वो सबके सामने आके बीच में बैठ के रोई है, वो अकेले में जाके कभी रोती हुई आपको नजर आई है? कब नजर आई है? वो सबके बीच में रोती है, जैसे परसों अब्दू सैड हुआ था, अब्दू अपने रूम में जाके छुप गया था, किसी को नहीं पता चला वो सैड है। बाद में जब वो आके बाहर बैठा था, उसने एक पॉइंट बोला कि जब स्टैन सैड होता है तो सब लोग उसके पास जाते हैं, जब मैं सैड होता हूं तो मेरे पास कोई नहीं आता है, ये पॉइंट उसको लगा था। उसने आपने ये भी बोला, उस जगह पे आपने ये भी क्वेश्चन उठाया कि जब निमृत रो रही थी तो तब स्टैन कहाँ था, ये आपका सवाल भी था, राइट? हाँ। तो स्टैन को, स्टैन के, अरे यार आसिफ रुक जा यार, तो स्टैन को कैसे पता चलेगा कि एक लड़की बेडरूम के अंदर बैठ के रो रही है? वो क्या भगवान है? वो बाहर बैठा होगा कहीं पे, उसको कैसे पता चलेगा सर? मैडम अगर आप, क्योंकि मैंने ये सवाल उठाया, वो वहीं खड़ा हुआ था, वो बैठ के पास भी नहीं आया। मैं एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ पर एमसी स्टैन और निमृत फ्रेंड्स नहीं है।
अगर चलो मान के चलो फ्रेंड्स भी नहीं है तो मैं एक चीज कंप्लीट करना चाहता हूँ, आप समझिए इस बात को पूरी तरह और बिना इंटरप्ट किए। जब एक इंसान रो रहा है उसके इर्द गिर्द ऑलरेडी 5 लोग मौजूद है तो छठवां जाके वहां पर ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि जब आपको पता है प्रैंक हो रहा है, ठीक है, और एक बंदा नीचे बैठा हुआ है जमीन पे, दूसरी बंदी नीचे बैठी हुई है जमीन पे, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में बहुत दूर बैठी है, ऑलरेडी 5 लोग उसको जाके उसके कंधे पे हाथ दे चुके थे कि हाँ बेटी मत रो, ये प्रैंक है, तो फिर से जाके वहां पर मतलब क्या बोलते हैं उसको, ओवर ड्रामा क्रिएट करने की स्टैंड को जरूरत नहीं था कि ये मत रो रे, ये कर मत कर, तो जाके उसको जाके हाथ करके लगा लो कि आलो निमृत बोलेगी तो शिव उसके नक्शे कदमों पे नहीं चलेगा, निमृत बोलेगी स्टैंड को समझा तो वो नहीं समझाने लग जाएगा, अपने हिसाब से जब उसको समझाना होगा उसके नाम ही नहीं लिया मैडम। अरे मैम लोग निमृत का कौन लेना है, मेरी बात आपने लिया, सुनो जब देखो जो सबसे ज्यादा दोस्ती फील करता है ना एमसी स्टैन को शिव से ही फील करता है, उसको ये लगता है कि शिव ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और जब शिव इमोशनल हुआ था ना, जब शिव रोया था तब एमसी स्टैन भागा हुआ आया था वहां पर। हाँ कि शिव क्या हुआ क्या हुआ, हाँ, क्या हुआ। शिव कितने बार रोया है 2 महीने में, जितनी बार भी रोया सेवा मैम, अब ये तो कोई पॉइंट नहीं हुआ मैं बोल रही हूँ, निमृत के रोने पे भी गया है, निमृत के रोने पे भी गया है, मैं बता देता हूँ चीजें मैं क्लियर कर देता हूँ। मूड स्विंग्स कितने बार होते हैं पूरे सीजन में, कितने बार हुए हैं उसके मूड स्विंग्स, हो गया जयवा मैम बोलूं, वही तो मैं भी सोच रहा था, हो गया उनका, बोलो हितेश भाई बोलो, बोलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है। मैम फर्स्ट चीज मैम ने बोला निमृत रो रही थी जब स्टैंड नहीं गया, तो मैम कल वाली सिचुएशन में अगर आप बात करें ना, तो जब वह निमृत जहाँ पर रो रही थी ना उस टाइम ऑलरेडी उसके पास शिव और साजिद सर कंसोल करने के लिए थे, और वो रो भी साजिद की वजह से रही थी, पता है ना, साजिद को बोल के कि साजिद सर आपसे मेरे को उम्मीद थी, आप मेरे से बात, मैं किससे बात करूं, मेरे को आप पे हक है इसलिए मैं बोलती हूँ ये सब चीजें। और इससे जस्ट पहले जब निमृत को पैनिक अटैक आया था ना, वो उसको डिप्रेशन के चक्कर में वो रोई थी, इससे जस्ट पहले उस टाइम सबसे पहले स्टैन ने उसको संभाला था, ठीक है, आप वापिस एपिसोड में जाके। और जब टास्क के बीच में जब उसकी लड़ाई हुई थी, जब वो चिल्ला रही थी हेलीकॉप्टर पर टास्क में, जब उस शालीन से लड़ाई हुई थी उस टाइम में सबसे पहले उसको एमसी स्टैन ने कंसोल किया था, तो जब वो बंदा उसके पास होता है ना सबसे पहले वही कंसोल करता है, बट उसके अंदर एक उसका भी नेचर है ना, वो बीच बीच में घुस के फुटेज खाने के लिए ना, या वो बीच बीच में घुसता नहीं है, सिर्फ फुटेज के दिमाग में रख के कि मैं यहाँ पे अगर उसको कंसोल करूंगा तो मुझे फुटेज मिलेगा या मुझे दिखना होगा, तो जब उसको ऑलरेडी लोग कंसोल कर रहे हैं ना तो वहां पे वो खड़ा था सिर्फ, वो उसको बीच बीच में नहीं, मैं भी मेरा भी योगदान दे देता हूँ, मैं भी मैंने बोला ही नहीं कोई फुटेज के लिए जाता, मैं बोल रहा हूँ अब माइंड में थॉट होता है ना, आदमी क्यों करते हैं वहाँ बिग बॉस में, हाँ हाँ वैसा होता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ एमसी स्टैन का वो नेचर नहीं है मैम, नेचर वाइज कई लोग बिग बॉस के घर में नेचर वाइज टास्क में या एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं एक अपना पार्टिसिपेंट दिखाने के लिए, मैं वो पॉइंट बोल रहा हूँ, उसमें एमसी स्टैन नहीं आता है क्योंकि वो उस चीज के लिए नहीं करता, वही तो हम क्वेश्चन उठाते ना यहाँ पे उसी चीज को, तो के लिए तो उसको लेक मतलब माइनस पॉइंट मिलता है, मन करता है तो वो चला जाता है, जब उसका मन नहीं करता है वो नहीं करता है, मतलब नहीं नहीं मन नहीं, चाहे मैं फुटेज के लिए ना कर रहा हूँ चाहे मैं इसलिए ना कर रहा हूँ, जब जेन्युइनली उसको लगता है तब वो जाता है ना, जब उसको जेन्युइनली मैं यही तो बोल रहा हूँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ, दूसरा भी उसके पास जब जेन्युइनली होते हैं तब जाएंगे उसको कंसोल करने के लिए, आप बात तो सुनोगे पूरी में, कोई तो आ रहा था जेन्युइनली की बात कर रहा हूँ, सुन तो लो पहले आप, अब बात तो सुनो जेन्युइनली की मैं बात आ रहा हूँ, आपने बोला ना शिव नहीं, शिव को जब पता होगा वो निमृत सामने रोती है इसलिए वो चल जाता है, स्टैन नहीं रोता सामने, या जो भी आपका पॉइंट था मैं बता देता हूँ, अभी थोड़े दिन पहले ही शिव ने स्टैन ने शिव और निमृत के सामने बोला था अरे मेरे को घर जाना है, मैं 4 करोड़ दे दूंगा 2 करोड़ दे दूंगा, मेरे को नहीं रहना मेरे को घर जाना है, शिव के सामने बोला था और निमृत के सामने, बट शिव ने उसको वहां पे समझाने की कोशिश नहीं की, निमृत स्टैन वहां पे वहां से गेट खोल के चल भी गया, उसके बाद शिव कमेंट मार रहा है निमृत को, ऐसे थोड़ी होता है यार ऐसे बोल रहा है वो, तो ये चीज उसके सामने भी तो बोल सकते थे ना, उसको कंसोल भी तो कर सकते थे या उसके साथ भी तो जा सकते थे, इतनी तो फ्रेंडशिप है या इतनी भी फ्रेंडशिप नहीं है, वो निमृत के साथ बैठ के उसके लिए कमेंट पास कर रहा है, तो ऐसा नहीं है शिव को पता है कि वो मतलब परेशान हो रखा है, या जब आप एक सेकंड से रोको, मैं 2 करोड़ देकर जाऊंगा, ये वाली जो चीज हुई थी इससे पहले से वो काफी लो है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ उस टाइम पर लो था, वो काफी लो हो रहा है, उसको बार बार समझाते हैं, लेकिन ऐसा है ना एमसी स्टैन का माइंड समझाते हैं, यही तो मैं बोल रहा हूँ, हमने नहीं देख रहा ना वो कहाँ समझाते हैं, शिव कहाँ समझाता है उसको, मैंने नहीं देखा एक बार भी ये सुनते हुए, और अगर समझाता तो बिग बॉस भी हमको दिखाते
किसी उसको समझाता हुआ दिख रहा है, हमको तो नहीं दिखाया एक बार भी। मैडम पूरा लाइव फीड देखते हैं हम भी देखते हैं लाइव फीड, और उसके लाइव फीड में कुछ होता है ना तो आधा घंटा बैठे रहे। मैम अगर लाइव फीड में कुछ होता है ना तो शिपमैन अब तक ट्विटर पे ट्रेंड चला दिए थे उसका, ये देखो आप बोलते हो नहीं करता, ये देखो कर रहा तो है ही नहीं, क्लिप दिखाएंगे कहां से। यहीं पे बोलते हैं लेकिन कहीं और पे ये चीज बोलते ही नहीं है कि वो दोनों की दोस्ती नहीं दिखती है, क्योंकि मैम सब जगह बोलते हैं लेकिन बोलने दिया नहीं जाता ना, दुबलापन नहीं होता ना, जो सच है वो बोल देते हैं। हम शिपमैन हम दुबले नहीं बनते ना कि भाई नहीं 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 करता है नहीं करता तो नहीं करता है, हम बोलते हैं चले उसका गेम है वो खेलेगा उस तरीके से, उसका गेम है बैक नहीं करना ये करना उसका गेम है, लेकिन हम ये नहीं बोलते नहीं नहीं वो करता है सब झूठ नहीं बोलते लोग, झूठी कहानी नहीं बनाते, स्टोरी मेकिंग नहीं। मेरा कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, दूसरी चीज आपने भी बोला वो दोस्ती नहीं बताया, तो मैम दोस्ती नहीं बता तो ये स्टैन वाले पॉइंट पे मैंने ये बता दिया। अब्दू का ले लेते हैं अपन बात, एक बात बताओ उस ग्रुप में जो सेम सिचुएशन शिव स्टैन और गोरी ने एक टाइम उठाया था, वो सेम अब अब्दू को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है कि शिव ठाकरे अब चेंज उसका बिहेवियर चेंज हो गया है मेरे खिलाफ, चाहे वो निमृत के लिए हुआ हो मैं तो मानता हूँ उसको निमृत की वजह से लग रहा है, बट लग रहा शिव के लिए ही है ना ये, उस ग्रुप में सिर्फ एक ही बंदे से सबको शिकायत क्यों है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता वो बंदा सही है और सारे ग्रुप वाले खराब है, समझ रहे हो मेरी चीज को, तो कुछ ना कुछ तो इशू होगा ना, पीठ पीछे बोलते हैं ना हितेश जी वो खराब होते हैं, बोलना है तो वो भी मुंह पे जाके बोल सकते हैं। अब्दू ने क्या पीठ पीछे बोला, प्रॉब्लम हो रही है, अब्दू ने क्या पीठ पीछे बोला के सामने उसने ऊपर बोला था ना, वो कन्वर्सेशन भी थोड़ी कट की गई जो एपिसोड में हमें कम दिखाई, ऐसे तो 100 बार हुआ है कि शिव ने भी निमृत के साथ मिलके बोला है। यार आप पॉइंट भी नहीं सुन रहे हो, आप कमेंट एक एक पॉइंट पे कमेंट करे जा रहे हो, पॉइंट तो सुन लो पूरा फिर आप एक साथ दे लेना आपको जो काउंटर देना है, पॉइंट तो कम्प्लीट हो जाए। तो आप दोस्ती की बात कर रहे थे ना, तो वहां पे एक तो अब्दू के साथ उसकी लैकिंग चल रही है दोस्ती का, देखो एक दिन पहले अब्दू को वो बोल रहा था अब्दू तेरे को सॉरी मांगा उसके कान पकड़ के, बोला तेरे को कभी भी फील हो ना अब मैं ध्यान रखूंगा स्पेशल तेरा, तू नाराज तो नहीं हो रहा, ये सब चीजें मैं देखूंगा, तू मेरा हाथ पकड़ के ले जाना तुझे कोई प्रॉब्लम हो। सेम अगले ही दिन अब्दू जब नाराज हो रहा है तो वो अब्दू के लिए अब्दू इसका बहुत ज्यादा हो रहा है, अब्दू अब तू कुछ ज्यादा नहीं कर रहा है बट, और अब्दू गुस्सा होकर चल गया लेकिन वो अब्दू के पीछे नहीं गया, उसको जब पता है अब्दू को प्रॉब्लम हो रहा है, उसने खुद ने प्रॉमिस किया है अब्दू को कि अब कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं ध्यान रखूंगा, तो अब्दू से उसको फिर बात करनी चाहती लेकिन वो उठ के नहीं जाता है वहाँ पे, वो वहीं बैठा रहता है ठीक है, क्योंकि उसको सब बोलना इतनी दो दो तीन तीन बोलोगे तो अरे दोस्ती के पॉइंट पे मैं बोल रहा हूँ, मैं तो एक ही पॉइंट बोल रहा हूँ ओनली, बट उसको मैं आपको एग्जांपल तो दूंगा कहाँ का नहीं दिखा रहा, एक ही पॉइंट बोला सिर्फ मेरे दोस्त थी। बोल रही हूं यार, मैं एग्जांपल बोल रही हूँ, आप एक साथ 10-15 एग्जांपल दे दोगे तो मैं, अरे मैडम अभी तो दो ही एग्जांपल दिए हैं मैंने, 10-15 दो ही एग्जांपल दिए हैं, मैं ये बोल रहा हूँ टोटली बात ये है शिव ठाकरे एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्ती पे, कल देख लो साजिद वाला, साजिद में भी उसने दोस्ती नहीं निभाई, मैं भी फॉर एग्जांपल बोल रही हूँ यार, एक साथ आप कंटिन्यूस ज्यादा पॉइंट मत दीजिए जिससे मैं भी भूल जाऊंगी, ये मेरा पॉइंट बोलो जाए मैम, आप बोलो पहले, आप बोलो, आप भी एक ही पॉइंट बोलना, बट फिर अब ना आपने कितने पॉइंट्स बोले थे, दो पॉइंट बोले थे क्या वो वाले, चलो तीन बोलो आप, बोलो आप, मैं भूल सकती हूँ, मैं सुनती हूँ ना फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है तो मैं वो याद रख लेती हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ दो दो तीन तीन पॉइंट बोलिए जिससे मैं भी याद रखू ठीक है। साजिद सर ने जाके अंकित के सामने भी ये चीज बोली, आपने एक पॉइंट मिस कर दिया कि इस घर में रियल मुझे मैं लगता हूँ, तुम लगते हो और एमसी स्टैन लगता है, 50-50% अब्दू भी मुझे फेक लगने लगा है, वो भी फेक करने लगा है ठीक है, ये किसके पीछे बात हो रही है, शिव ठाकरे के पीछे बात हो रही है। अब्दू ने जाके एमसी स्टैन के सामने क्या बोला, मुझे लग रहा है ना शिव ब्रो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, जब भी मैं निमृत के साथ बात करता हूँ ना फेस एक्सप्रेशन चेंज करते, ये सारी फनी क्लिप पूरे ट्विटर में भरी हुई है, ये किस फेस चेंज की बात कर रहा है ठीक है। और एमसी स्टैन ने भी एक चीज बोली, क्या साजिद ब्रो डेली कॉफी देते हैं, अभी उन्होंने भी मुझे नहीं दी, ये चलता रहता है ब्रो, इट हैपेंस, एक चीज बोली, फ्रेंडशिप में ऐसा होता है इतनी सी बातें नहीं पकड़नी होती है। तुरंत अब्दू ने क्या किया, नीचे आके साजिद को फटाफट बोल दिया एमसी स्टैन का पॉइंट चेंज करके कि स्टैन ब्रो बोल रहे, जबकि स्टैन ने उस वे में बोला ही नहीं था जिस वे में अब्दू ने दिखा दिया जाकर, स्टैन को प्रॉब्लम ही नहीं थी कॉफी वाले पॉइंट से, लेकिन साजिद के सामने उसने क्या जाकर बोल दिया कि ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, इंग्लिश में बोल रहा था कि ऐसे बात कर रहे थे, ही इज टेलिंग कॉफी है ना कॉफी तुमने उसको नहीं दी, जिस तरह से उसने बोला आप दोनों सिचुएशन देखना जाके सुनना, स्टैन ने जिस तरीके से बोला, अब्दू ने जाकर किस तरीके से बोला, और अब्दू जो है ना निमृत को लेकर इतना ज्यादा पॉजिटिव हो गया है, एक बॉटल थी, बॉटल से वो खेल रहा था ऐसे ही शिव, वो बॉटल गिर गई निमृत की, गिर गई तो ये गुस्सा हो गया निमृत के ऊपर, सॉरी शिव के ऊपर की
why are you doing this with Nimrit's bottle bro, why are you doing this, वो एक्सप्रेशन ऐसा मजाक को भी हर चीज को वो अपने पर्सनली ले रहा है। और कल वाला इतना बड़ा क्या मुद्दा हो गया था, एक चॉकलेट वाली चीज ही हुई थी ना, वो जब छोटी 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 चीजों पे इतना करने लग जाएंगे तो किसको इरिटेट नहीं होगा। शिव थोड़ी ना भगवान है, वो भी इंसान है ना, दिन में कितनी चीजें अब्दू ने की होगी कि छोटी छोटी, वो बर्थडे के लिए केक, सिर्फ एक चॉकलेट था, सिर्फ वो छेड़ रहा था कि इसको मत दे, इतना ही बोला था ना उसने, इस बात पे वो नाराज हो गया, तो उसके लिए तो वो छोटी बात पे नाराज होना ही हुआ ना। तो अब्दू जो अपने कन्वीनियंस के साथ जो उसको लग रहा है, जो अब्दू ने एक चीज और बोली थी, तुम लोग हिंदी में बात करने लगते हो, तुम निमरित से बात करते हो, निमरित स्टैंड से बात करते हो, सुम्बुल ये लोग, तुम लोग सब हिंदी में बात करने लगते हो, तुम लोग गेम के बारे में बात करते हो। जो चीज उसने स्टैंड के सामने सेम चीज नहीं बोली, स्टैंड के सामने अलग बोली, स्टैंड और अंकित के सामने, जब शिव के सामने आया तो उसने क्या बोला, यार यू ऑल टॉक विथ ईच अदर इन हिंदी, हाउ विल आई अंडरस्टैंड, तो मैं चला जाता, तुम लोगों ने नोट नहीं किया। और उसने सिर्फ अगर शिव और निमरित का नाम लिया होता ना तो मैं आपका पॉइंट वैलिड समझती, लेकिन वहां पर उसने स्टैंड सुम्बुल चारों का नाम लिया था, तो उसको अगर सिर्फ शिव से प्रॉब्लम है ना तो बोले ना जाकर सामने से। जब आप लोग पीछे बात कर रहे हो उसके, शिव तो नहीं कर रहे इन लोगों के पीछे बात की मुझे अब्दू से ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम वाली बात भी उसने मुंह पे बोली ना, अब्दू के तेरा बहुत हो रहा है, अब्दू मुंह पे बोला ना, पीछे थोड़ी ना जाकर बोला। अब्दू ने शिव को बता तो दिया ना अकेले में जो बात उसने स्टैन को बोली थी, तो फिर वो चुगली कैसे हुई मैम, उसने वो का वो तो शिव को भी तो बताया कि तेरा बिहेवियर चेंज हो रहा है मेरे लिए, सेम बोला उसने, बिहेवियर चेंज, मैं नहीं सुन, बिहेवियर चेंज था, शिव का बिहेवियर चेंज लग रहा है, ये चीज बोली उसने, और बात की थी स्टैन को भी यही बोला था, बिहेवियर चेंज हो रहा है, स्टैन के सामने यही बोला था, नहीं मैं बता रही हूँ ना आपको लाइन टू लाइन बताओ ना क्या बोला था, स्टैन के सामने बोला कि यू नो व्हाट शिव ब्रो का ना मुझे थोड़ा बिहेवियर चेंज लग रहा है, जब भी मैं निमरित से बात करता हूँ ना तो मुझे ऐसा करके देखता है, ये चीज बोली, ठीक है। जब शिव ने उससे बात की तो उसने क्या बोला, तुम लोग ना क्या करते हो, मुझे तो मैं जब सैड हुआ था ना तुम लोग नहीं आए, जब स्टैंड ब्रो सैड होता है, वो बाद में बोला था, एक सेकंड, पॉइंट उसने स्टार्ट वहां से ही किया था उसने, कि ब्रो मुझे लगता है तुम्हारा बिहेवियर चेंज हो गया, वहां पे भी उसने पॉइंट यही से स्टार्ट किया था। हाँ उससे रीजन भी तो दिया ना उसने, बिहेवियर चेंज हुआ रीजन भी तो क्या दिया है, जो रीजन ऊपर दिया वो अलग था, वर्डिंग तो अलग अलग हो सकते ना, मेन मुद्दा तो एक ही था, अब उसने स्टैन के सामने जो वर्डिंग यूज किया था कि शिव तेरा बिहेवियर मुझे चेंज लग रहा है दूसरों के साथ नहीं मेरे साथ, ये चीज उसने नहीं बोली, वहां पे क्या बोला, तुम सारे लोग, तुम निमरित और सुम्बुल और स्टैन बोला ना कि उसने स्टैन का नाम भी लिया था, मैंने स्टैन का नाम लिया था उसने, अब्दू हां लिया था, मैं लिया था, लिया था, अरे मेरी बात स्टैन शिव और निमरित चारों का नाम लिया कि तुम लोग आपस में हिंदी में बात करने लगते हो, बात ही नहीं समझ रहे हो, मुझे अकेला छोड़ देते हो, शिव की बातों को चारों पे ले जाते, उसको प्रॉब्लम तो शिव से हुआ था ना, उस शिव को स्पेशली बोल रहा था ना, क्यों नहीं बोल रहा स्पेसिफिकली, मुंह पे तो बोला था शिव के, मैम स्टार्ट ही शिव से उसने ये किया था, मुझे तेरा बिहेवियर चेंज लगता है, उसने ये नहीं बोला था स्टैन का लगता है, साजिद का लगता है, निमरित, उसने बाद में वहां से, अरे यार आप लोग बीच बीच में बोलोगे फिर कैसे चलेगा, ऐसे उत्तर दिया, उसने क्या किया, स्टैन की बात को पलट के नीचे बात की, अरे कॉफी वाली जो बात बोली थी ना, स्टैन ने नेगेटिव वे में बोला ही नहीं था, लेकिन हाँ, तो, जो घबरा घबरा के साजिद के सामने उसने बोला, दोनों टाइप दोनों तरफ बिहेवियर उसका चेंज था, स्टैन ने कोई उसका मोटिव यही था कि वो ग्रुप में सब चीजें सॉल्व हो जाए, इसलिए उसने बोला था वहाँ पे भी, मेरे को तो उसमें कुछ चेंज नहीं लगा कि उसने कुछ अलग तरीके से चेंज, उसने जो बात बोली स्टैन के वो तब क्यों नहीं बोला शिव को, जो अब्दू ने साजिद को बोला था ना, मेरे को उसमें ना कोई भी नेगेटिव वे नहीं लगा कि वो किसी नेगेटिव वे में जो है साजिद को रिप्रेजेंट करना चाहता, मुझे यही लगा अगर स्टैन कुछ बोल रहा था, स्टैन किस लिए बोला, अब्दू के बोलने के बाद स्टैन ने एज एग्जांपल बोला था, तो नीचे अब्दू जाके अपनी बात तो बोला ही नहीं, स्टैन की बात बोल दिया ना वो, तो उसको अपनी बात शिव से बोलनी थी इसलिए नहीं बोला, शिव से बोला ना उसने अकेले में बैठा था ना, शिव बाजू में बैठा था ना, अरे मैडम उसको अकेले में बात करनी थी ना शिव से, ऐसा कुछ नहीं है, दूसरों की बात आप सारों के लोगों के सामने कर दोगे, शिव की बात आपको अकेले में करनी है, ये क्या तो शिव से ही बात हो गई, शिव से प्रॉब्लम है तो शिव से ही करेगा ना, ये उसको कब फील हुआ था ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये कब फील हुआ था, ये एपिसोड में दिखाया ही नहीं, एपिसोड में बस उन तीनों को बैठे हुए दिखाया है,
वहां पर निमरित तो और क्या नाम है ये शिव ठाकरे, सबसे पहले ये दोनों बैठे हुए थे, ये टीना के बारे में बातें कर रहे थे, फिर वहां पर जो है सुंभुलाकर बैठ गए, ठीक है, फिर ये लोग कंटिन्यू रखा इन्होंने, फिर वहां पर निमरित ने बोला भी था कि यार तो सुंबुल के सामने जो है वो बातें कर रहा है, उसने शिव ठाकरे को बोला भी था, ठीक है, फिर उसके बाद वहां पर अब्दू आकर बैठा, अब्दू आकर बैठा तो इन लोगों ने वो टॉपिक जो है वो चेंज कर दिया और फिर ये लोग ना मजाक मस्ती करने लग गए वहां पर, फिर अब्दू जब वहां से उठकर चला गया तो दोबारा से इन्होंने वो टीना वाला कॉन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट कर दिया, वहां पर उसको फील हुआ था, फिर वो वहां से एमसी स्टैंड के पास गया था, फिर वो वहां से एमसी स्टैंड के पास गया। मैम मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अच्छा ओके मैम, मैं एक चीज मैं बता देता हूँ, इसने जो एग्जैक्ट वर्ड बोले थे स्टैंड से बात करने के बाद ऊपर से नीचे आने के बाद, उसने क्या क्या बोला था साजिद भाई से, सीधी सी बात उसने बोला था, उस वक्त शिव भी बैठा हुआ था, उसने कहा था साजिद सर, साजिद भाई, साजिद ब्रो डोंट सिट एंड टॉकिंग अबाउट स्टैंड, He is angry and बस रहने दो अत्तर जी, आपने यही झूठ बोल दिया, उसने ऐसा नहीं बोला, angry नहीं बोला उसने, क्या बोल रहे हो अत्तर जी, उसने बोला था मैं कुछ बता रहा हूँ आप स्टैन को मत बोलना, मैं आपको कुछ चीज बोल रहा हूँ आप स्टैन को मत बोलना, ठीक है, आपने ये बोला था, कौन सा शो देखते हैं अत्तर भाई, अरे आप अलग देखते हैं आके यहाँ पर कुछ और डिटेक्ट कर, और सिंपल एक सेकेंड, सबसे पहली बात यहाँ पर बात क्या हो रही थी, हमारी बात हो रही थी स्टैंड के ऊपर, हम अब्दू को क्यों घुसा दिए इस टॉपिक में, को समझ मैं वही बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम ये हो रहा है, बात सिप की सफाई नहीं दे रहे हो आप लोग, बोल रहे पूरे ग्रुप का ग्रुप घुसा देते हो, बात पॉइंट उठाया है ना हितेश जी, ये लो मैंने पॉइंट, मैंने तो पॉइंट मेरे को तो उठाने नहीं दिया, आपने पॉइंट के बारे में बात हो रही है, अब्दू का भी सेम प्रॉब्लम हो रही है, साजिद सारे लोगों को शिव से क्यों प्रॉब्लम हो रही है, पॉइंट मैंने उठाया या आपने उठाया, तो आप शिव का जवाब दो ना, आप तो सबको ही घुसा रहे हो ना, स्टैन भी ऐसे बोलता है, निमरित भी ऐसे करती है, वो भी बोला हितेश जी, आपने बोला कि अब्दू भी नहीं, हितेश भाई ने नहीं, शिल्पा मैम ने बोला था, पहले आप अपना करेक्शन कर लीजिए, आपको पता है क्या बात है, किसके पॉइंट पे छोड़ो वो, चलो चलो छोड़ो चलो, अब उसको आगे बढ़ते हैं, मैं बात करता हूँ, साजिद की बात पे आ जाते हैं, अब्दू को छोड़ो, साजिद की बिग बॉस ने कल साजिद के लिए बोला, शिव ठाकरे एक बार में मान गया, दोस्ती कहां गई, उसने बिग बॉस ने बोला कि आप दोस्तों का बोझ उठा के चल रहे हो, तो एक बार भी उसने बोला नहीं सर बस मैं तो मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है मैं दोस्तों का साथ लेके चलता हूँ, निमरित भी तो दोस्त है, निमरित को तो वहीं बिठा रखा था, वो बोझ नहीं है, फिर साजिद के लिए, और जिस साजिद के लिए बोल रहा था मेरे लिए तो मैं आधा बिग बॉस जीत गया, मैं साजिद सर के सामने खड़ा हो गया, तो मतलब वही ना ड्यूअल पर्सनैलिटी हो गई ना, ये तो आप अकेले में कुछ बोल रहे हो, पीछे से कुछ बोल रहे हो, फिर आपने बाहर जाके भी साजिद से बोला है, आप बीच में बोल रहे हो, उसने कुछ बोला, जब वो चुप बैठा हुआ है तो आप मान लोगे कि उसने गलत बोला ऑटोमेटिकली, मुंडी लाए ना, सुन रहा है एग्री डिसएग्री की बात नहीं है, वो सुन रहा है, एग्री किया उसने, सही बोल रहे हो बिग बॉस, आपने बोला सही बोल रहा है, मैंने भी तो यही तेरे को बताया था, ये मैंने भी तो यही तेरे को बताया था, निमरित ने, अच्छा मैडम नहीं बोला, उसने बोला क्लियर एग्री किया उसने कि बिग बॉस सही बोल रहे हो आप, अब वापिस एपिसोड देखना, उसने एग्री किया है वहां पे, यही तो पॉइंट है, और मैं सब चीजें छोड़ो, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, आपको पॉइंट पॉइंट में बार बार वो मिस हो गया था, आपको पता है शायद आपने भी इस डिबेट में पॉइंट बोला, मेरे को ध्यान नहीं है, मैं बता रहा हूँ, या फिर कई शिव फैंस ने तो मेरे को बोला है, और मैंने हमने आंखों से भी देखा, शिव ने थोड़े दिन पहले ना लाइव में बोला था कि मेरा अभी भी वीना के साथ रिलेशनशिप है, हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ है, हम साथ में है, फिर कल वो उसने ऐसा क्यों बोला कि मेरा ब्रेकअप हो गया, तो उसने एक ही शो में दो दो झूठ क्यों बोले, उसका रीजन मुझे बताना आप, अगर आपको पास पता हो तो, उसने ऐसा कभी नहीं बोला कि उसका रिलेशनशिप है, पहले से वो बोल रहा है हमारा ब्रेकअप हुआ है, क्या बात कर रहे हो आप, उसने खुद उसने शालिन के साथ बैठकर बोली है ये बात, शालिन के साथ उसने कन्वर्सेशन की है कि हम दोनों का जो है अभी भी है बात, मैम क्लियर बोला, क्लियर घूम फिर के नहीं, प्यार है जयबा मैम, नहीं हम रिलेशन में है अभी भी, मैं रिलेशन में सिंगल नहीं हूँ, अच्छा ये भी लाइन था, मैं सिंगल नहीं हूँ ये भी लाइन था, एक जगह और थी जहाँ पर ये बॉयकॉट एंट्री की मजाक मस्ती कर रहे थे ना, उस टाइम पर गौतम गिज भी था, गौतम गिज भी था वहाँ पर, भी उसने बिना के लिए बोला था कि भाई मैं तो रिलेशन में हूँ, जब एमसी स्टैन ने भी बोला था उसको, क्योंकि उसने यही बता रखा उन लोगों को, लेकिन कल उसने बोला कि हमारा ब्रेकअप हो गया, सामने बोला है ब्रेकअप हो गया है तो उनको क्वेश्चन उठाना चाहिए ना, पहले तो तूने ये बोला था सबके सामने, नहीं बोला शालिन को बोला था, शालिन को बोला था, और कल शालिन के सामने नहीं बोला उसने, मैम एक सेकंड अटल भाई, एक सेकंड सर आप कुछ ज्यादा से कुछ बोला नहीं अटल से, एक सेकंड क्या कर रहे हैं, अरे उनको बोलने तो दो पहले, कुणाल जी उनको बोलने तो पहले, हाँ मैम क्या बोला आपने, जाए मैम आप अलग अलग बातें ही कर रहे हो, जो हुई नहीं है वो बातें भी आप यहाँ पे जाके बोल रहे हो,
पूरी दुनिया को पता है उनका ब्रेकअप हुआ है, वहां जाकर अंदर बोल देगा कि पूरी दुनिया को ना शिव फैंस ने जब ये बोला था ना, शालिन को क्लिपे है ना वहां पे क्लिपे ट्विटर पे डाली थी, ट्वीट किए थे कि लोग कहते थे कि ना शिव ने उसको बीना को छोड़ दिया, ये लो शिव खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि बीना अभी भी उसके साथ है। आप फैंस ने ही किए थे, आप फैंस ने मैंने खुद हितेश से पूछा था, हितेश बात कर रहे हो इनका ब्रेकअप हो गया, लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि अभी ये दोनों साथ में रिलेशन में, फिर जो मन से कुछ नहीं बोलते, जो शिव फैंस थे वो खुद बोल रहे थे कि लो क्लियर हो गया कि ये दोनों अभी हाँ। भी साथ में, इनका ब्रेकअप नहीं हुआ। मैं हाँ। हम यहाँ पर ना ये एक चीज बता दूं, लेकिन मैंने जो सुना है ना, मैंने ये सुना है कि उसको प्यार है अभी भी वीना से, भले ही वो लोग अलग हो गए हैं, ब्रेकअप हो गया, प्यार खत्म नहीं हुआ, ये चीज बोली। फिर भी आप अभी भी गलत बोल रहे हो, उनके सामने भी बोला है उसने ये चीज, कल भी उसने बोला कि मैं मूव ऑन हो गया, वो मूव ऑन नहीं हुई है, कल भी उसने बोला वो नहीं हुई है, वो तो हो गया ब्रेकअप, फिर ब्रेकअप क्या हुआ, ये भी नहीं हुआ वो भी नहीं हुई, फिर ब्रेकअप का मतलब क्या होता है बताओ ना मुझे आप, मैम ब्रेकअप मींस क्या हो गया। जयरा मैम मेरे को एक चीज पूछनी है आपसे यार, वो जो टास्क था रैंकिंग वाइज खड़ा था, सिंगल है लेकिन प्यार करते हैं, हाँ प्यार तो रहेगा ही ना, प्यार थोड़ी ना इतना, शिल्पा मैम शिल्पा मैम एक मिनट रुको, शिल्पा मैम हाँ शुभ जी आप, प्यार खत्म नहीं होता है, जब तक रहेगा रहेगा, जब खत्म होना है तभी होगा, वो ट्राई भी तो करेंगे ना मूव ऑन करने की, और उसने रीजन भी तो बताया कि वो काम में बिजी है, ऐसा नहीं है कि उसको किसी और के साथ चक्कर चल रहा है या फिर कोई और बॉयफ्रेंड बन गया है, वो काम में बिजी हो गई है। मैडम आप एक तरफ का सुनते हो, उसने ये भी बोला था मैं मूव ऑन हो गया, वो मूव ऑन नहीं हुई है, आप एक तरफ का सुनते हो, गलती है किसकी गलती है, मैं मुझे एक चीज बोलना था, पुराने गलती नहीं है, झूठ बोल रहा है ना वो, ब्रेकअप मींस ब्रेकअप होता है, चाहे आप उसके दिल में कितना ही उसके लिए हमदर्दी रख लो या उसके लिए रिस्पेक्ट रख लो, बट ब्रेकअप का मींस होता है वो रिलेशनशिप में नहीं है, अब वो दूसरे रिलेशनशिप के लिए अपने आप को अलाउ कर चुका है, और वो बात भी तो उसने बोली साजिद के सामने कि हाँ मैं सिंगल हूँ, जब उसने पूछा कि तुम सिंगल हो क्या, तो उसने बोला हाँ मैं सिंगल हूँ, तो मैं यही तो बोल रहा हूँ, अलग अलग इंसान के सामने अलग अलग बातें बोलता है, शालिन को बोला मैं सिंगल नहीं हूँ, यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, वो अलग अलग इंसान को अलग अलग चीजें बोल रहा है, यही तो मैं बोल रहा हूँ आपको, शालिन को देखा है, अब आपने आप देख लूंगी आपके, ट्विटर पे मिल जाएगा आपको, एक पॉइंट और रखूंगी मैं यहाँ पर, क्योंकि और अथर जी ने बोला ना कि उसने स्टैन का नाम भी लिया था, यही मैं बोल रही हूँ कि अब्दू ने स्टैन का नाम वहाँ पर नहीं लिया था, अब्दू ने सुम्भुल निमृत और शिव का नाम लिया था, नहीं स्टैन का नाम भी लिया है, नहीं लिया है उसने, एपिसोड तो है ना मैम, मैम एपिसोड अभी भी है ना, जाके देख सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि लाइव फीड की बात है, उसने अरे शिव ने या तक शिव ने अब्दू को बार बार ये बोला था तेरे को कोई प्रॉब्लम हो ना तू निमृत के पास जा, मेरे पास आ साजिद के, उसने स्टैन के लिए एक बार भी नहीं बोला कि स्टैन के पास भी जाना, वहां पे भी उसने स्टैन का नाम नहीं लिया था, तो वो भी उसको उसका भी पता चलता है वो कितना उसको ना टेकिंग ऑफ ग्रांटेड ले रहे हैं, और शिव नहीं वो सभी लेते हैं, निमृत भी लेती है शिव भी लेता है, मैम वो तो क्लियर है, वो एविडेंट है, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हैं, उसके जो माइंड जो उसका है ना इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गया है। ज़ैबा मैम मुझे एक बात बताओ, ज़ैबा मैम मुझे एक बात बताओ, जब अब्दू गया था शिव ठाकरे के पास, ठीक है ना, तो फिर सारी इनकी कॉन्वर्सेशन हो गई, स्टार्टिंग में अब्दू ने शिव ठाकरे ने क्या बोला कि किससे प्रॉब्लम है तुझे, किससे प्रॉब्लम एमसी स्टैन से, साजिद एमसी नहीं, समवन डिड समथिंग एमसी स्टैन ब्रो, साजिद ब्रो और मी, ये कुछ बोली नहीं, मी नहीं बोला उसने, मी नहीं बोला है, बोला है, बोला है, बोला है, बोला है, बोला है, उसने नहीं बोला है, एपिसोड में है, मैम जो एपिसोड के बारे में बात कर रही है ना, मैं उसके ऑडियो ही आपको सुनवा देता हूँ, बाकी का तो बात है, हाँ ऑडियो चला दो आप, दो मिनट में ऑडियो चला देता हूँ ताकि मैम को भी पता चल जाए क्या बोला, वीडियो दिखाइए, वीडियो वीडियो के साथ, अरे ऑडियो एक ही बात है ना, ऑडियो में आवाज तो सबकी पट है, दिखाने में प्रॉब्लम क्या है, नहीं दिखा सकते, कॉपीराइट दिखा सकते मैम, कॉपीराइट आ जाता है, इतना तो सब्जी, मुझे एक पॉइंट रखना है आसिफ भाई, एक पॉइंट रखना है, याद है वो रैंकिंग का टास्क हुआ था, सबको रैंक वाइज खड़ा रखो, जब नंबर तीन पे अब्दू को रखा तभी शिव कुछ नहीं बोला, नंबर पांच को इसको रखा क्या नाम है साजिद को, सिर्फ कुछ नहीं बोला, एक सेकंड अटर भाई, अटर भाई मुझे बोलने दीजिए कब से कहना है प्लीज, हाँ नंबर टू पे, नंबर तीन पे अब्दू को रखा, नंबर पांच पे साजिद को रखा, कुछ नहीं बोला सिर्फ, इसको एमसी को नाइन पे रखा तभी क्यों नहीं बोल रहा है, उसको बोल सकता था निमृत को पीछे रख, सेवन पे रख, फोर पे रख, नहीं
एमसी के लिए तभी फीलिंग क्यों नहीं आई? इन दोनों को रख दिया जबकि ये दोनों कुछ करते नहीं। अरे अटर भाई प्लीज एक सेकंड कंप्लीट करने दीजिए। हाँ तो इन दोनों को रख दिया। अब्दू ज्यादा काम करता है एमसी से, कुछ टास्क भी नहीं करता। एमसी टास्क भी करता है, साजिद भी कुछ नहीं करता काम टास्क, अब्दू भी नहीं करता। इसको एमसी को पहले तो रख सकते थे, काम और टास्क करता है। और दूसरी बात वो बचाता भी कब है? उल्टा याद है मैम, अर्चना ने जब ये हुआ था नॉमिनेशन टास्क जहां पर बॉटम ये हुआ था एलिमिनेट, अर्चना ने क्या बोला था लास्ट में? बोला अर्चना तू जा अभी। अर्चना ने बोला अब मैंने जाऊंगी, मुझे अपने दोस्तों को नहीं करना है नॉमिनेट, तू एक काम कर इसको भेज दे, क्या नाम है टीना को भेज दे। याद है उसने बोला अब मेरे को नहीं करना है प्रियंका तेरे को नॉमिनेट या किसको भी, ऐसी बात हुई थी। वही तो मैं कह रहा हूँ अर्चना खड़ी रही जबकि वो रोज लड़ती है दोस्तों से, पर वो खड़ी रही। ऐसा सा शिव खड़ा रहा नहीं रहा, अपने दोस्त ये 9 पॉइंट पे चला गया पीछे। टीना निमृत को बोल सकता था पीछे रख, 4 पे रख, 8 पे, 6 पे रख, नहीं जबकि अब्दू इतना करता भी नहीं है। इसका आंसर दीजिए जयपा मैम। मेरे को काउंटर देना भाई इसका, एक सेकंड भाई इसका काउंटर मुझे देने दो, मुझे बहुत देर से टाइम भी नहीं मिला है बोलने का क्योंकि जयपा मैम और ये हितेश जी का दोनों का काफी देर से चल रहा है। और प्लीज थोड़ा सा सुन लेना क्योंकि मैंने बीच में किसी के कुछ बोला नहीं है। तो कुणाल आप कह रहे हो कि एमसी स्टैंड को 9वें रैंक पे रखा, उसमें शिव ने नहीं रखा, उसको रैंक दी थी निमृत ने। अगर शिव उसमें कुछ बोलता भी, सब लोग इतना कुछ बोले थे, क्या किसी का रैंक चेंज हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि वो निमृत का कॉल है उसके अकॉर्डिंग। रही बात इस दोस्ती की, जब स्टैन कुछ काम करता ही नहीं है, कुछ शो में इन्वॉल्वमेंट दिखाता ही नहीं है, इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से था वो, निमृत के हिसाब से भी था, लेकिन निमृत को क्या लगता है कौन किस रैंक पे स्टैंड करता है उसके अकॉर्डिंग उसने वो चीज बोली थी। जबकि मेरे हिसाब से जब स्टैन खुद अपने लिए नहीं बोल रहा कि मेरे को 9वें रैंक पे क्यों रख रहे हो, तो बाकी लोग क्यों बोलेंगे भाई उसके लिए? अपने लिए खुद तो बोलना शिव को, वो अपने लिए बोलता ही कब है मुझे ये बताओ। दूसरा तुम शिव कह रहे हो शिव ने स्टैंड के लिए कुछ नहीं किया, जब साजिद खान राजा बना था तब साजिद खान खुद कंफ्यूज था कि इसको मैं उसमें डालू शाही कुक में फेवरेट्स में डालू या ना डालू, तो कौन था बंदा बोलने वाला? शिव था कि नहीं सर कर लेगा शिव, तो वो स्टैंड तो कर लेगा ना, कुछ तो कर लेगा, चाय तो बना लेगा, चॉपिंग तो कर लेगा, तो वहां पे उसको शेव कराने वाला शिव ही था। स्टैंड खुद नहीं करा रहा था, स्टैंड तो बोल ही नहीं रहा था, स्टैंड तो चुप था, नहीं ब्रो ये वो। भाई एक सेकंड बोलने दो भाई, मेरा खत्म होने दो, फिर बीच में बोलना मुझे जाए बोलने दो, कोई नहीं आसिफ जी उनकी बड़ा निकाल ले दो उनको एक बार, अपने पास भी तो टाइम आएगा ना, यही तो मेरे को इनकी रियलिटी देखनी है। ये भी बोलते हैं कि करता है और ये भी बोलते हैं कि स्टैंड कुछ नहीं कर रहा, यही दोगलापंती तो मेरे को देखनी है। मैंने क्या बोला अभी हितेश मेरी बात सुनते आप, जायबा और मैम और आपका यही चल रहा था कि एक पॉइंट वो बोल रहे थे एक वो बोल रहे थे, हमें समझ ही नहीं आ रहा था क्या खिचड़ी पक रही है। एक बंदे को एक बार भी बोला मुझे बोलना है, आपने उंगली कड़ी की, आपने उंगली कड़ी की, आपने उंगली कड़ी की मैम, पूछ की थी मैंने भाई, आप माइक को कभी तो बोल सकते थे ना, आप माइक ऑन करके बोल सकते थे मेरे को पॉइंट रखना है, और भी तो रख रहे ना पॉइंट। अब मैम की नहीं सुन रहे आप, शुभ जी आपको समझ नहीं आया लेकिन मुझे समझ में आया था कि क्या बोल रहे थे हितेश जी और क्या बोल रही थी जैबा मैम। अग्री मैम बट हम लोग भी अगर पैनल में ऐड हुए तो हम लोगों का भी थोड़ा राइट बनता है ना समझ में आए चीजें। मेरा मतलब मुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं है, हितेश सर जो बोल रहे हैं बोले, जायबा मैम जो बोल रहे हैं बोले, बट वन टू वन बोले ना तो समझ में आता है कि हाँ वो क्या बोल रहे हैं, बट एक वो वर्ड बोल रही है बीच में वो बोल रहा है तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, वो चीज है। और अतर भाई आप मुझे लास्ट में या आसिफ जिसने भी बोला था मुझे बता देना कि मैंने क्या झूठ बोला है, ठीक है? अब आप मुझे बताओ कि मैंने क्या झूठ बोला। आपने बोला कि स्टैन ने कुछ भी नहीं बोला, जबकि उसको जब प्रियंका ने बोला कि तू कुछ नहीं करता है अंकित वंकित सपोर्ट में जब बोली थी, सबसे पहले स्टैन ही आगे लड़ा है वहां पर कि तुम क्यों बोल रही हो, तेरा तू अपने पांच पे खड़े रहे, छह पे खड़े रहना, मैंने तो किया है बहुत किया, ये किया है वो किया, सारे टास्क किया है मैंने, कौन सा टास्क नहीं किया नाम बता टास्क का, सब कुछ बोला स्टैन ने, कैसे नहीं बोला आप बोल ले। और वहां पर जब एमसी स्टैंड बोलने की कोशिश करता है, जब एमसी स्टैंड बोलता है ना तो वहां पर शिव बीच में आता है कि उसको फुटेज लेना होता है उस टाइम पर। अब मैं क्लियर बोल रही हूं, वो एमसी स्टैंड को राइट टाइम पे आने नहीं देना चाहता, वो इतना वेल इनफ है कि वो अपने लिए स्टैंड ले सके अगर उसकी किसी से फाइट हो रही है तो। लेकिन वहां पर शिव ठाकरे को बीच में कूदना है, जब वो प्रियंका के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा है वहां पर शिव ठाकरे को बीच में इसका आंसर देने दो, जब एमसी स्टैंड बोलेगा तब शिव। आर्थर जी मैं बोल तो रही यार, चलो आप ही बोलो, सॉरी गलती हो गई, काउंटर दे दो पहले, आप काउंटर दे, नहीं मुझे काउंटर नहीं देना, आप बोल लो, सॉरी गलती हो जाती है, नहीं अब मैं बोल दे, मुझे क्या बोलना था अब तो मैं भूल गई, आप बोलो। अच्छा मैं आप लोग कह रहे हो ना
कि एमसी स्टैंड के अंदर इतनी वो है कैपेसिटी, वो बोल सकता है मैम मैं मानता हूँ एमसी स्टैंड के अंदर कैपेसिटी है, तो वो उससे क्यों नहीं बोला जब वो रैंकिंग दे रही थी निमृत। मेरा तो सिर्फ इतना हो वहां पे है, क्योंकि जब निमृत रैंकिंग दे रही थी तो वहां पे टीना दत्ता खड़ी हो गई थी और उसने तो वो उससे अब्दू से भी रैंकिंग छीन ली थी, कह रही थी कि मुझे वहां की रैंकिंग दो, वो नंबर दो, तो वहां पे अब्दू हट गया था जगह से। वहां पे एमसी स्टैंड क्या कर रहा था उस वक्त, एमसी स्टैंड क्यों नहीं बोला? मेरा तो सिर्फ इस गेम क्वेश्चन उठ रहा है। निमृत को टास्क मिला था, निमृत टास्क, निमृत ने टास्क किया, एमसी स्टैंड ने वो एक्सेप्ट किया। प्रियंका ने जब उसको बोलना स्टार्ट किया तो वहां पर एमसी स्टैंड ने उसको वन ऑन वन देना स्टार्ट किया, एमसी स्टैंड ने उसको वन ऑन वन देना स्टार्ट किया। तो जो शिव ठाकरे अब तक नहीं बोला था, फिर वहां पर शिव ठाकरे क्यों आया बीच में इंटरप्ट करने के लिए? आप यही तो मसला है मैम, यहाँ पर एमसी स्टैंड लेट स्टार्ट ले रहे हैं ना मैम, यहीं पर तो लेट स्टार्ट ले रहा है अपने उस वक्त बोलता ना जब मेन उस वक्त निमृत गलत काम कर रही थी। एक सेकंड अथर भाई, अथर भाई पहले आप ना अथर भाई एक सेकंड डिसाइड कर लीजिए, अथर भाई अथर भाई एक सेकंड, सबसे सिंपल सी बात आप ये बता कीजिए, वहां पर साजिद ने भी बोला क्या? साजिद ने भी तो नहीं बोला फिफ होने पे, कुंबुल ने भी नहीं बोला टेन होने पे, एक सेकेंड क्यों नहीं बोले? क्योंकि निमृत इसी के गैंग में थी, उन लोग अपने टीममेट के बुराई नहीं करना चाह रहे थे वहां पर, उन लोग अपने टीममेट के साथ नहीं उलझना चाह रहे थे, इसलिए उन लोग शांत थे। और जैसे दूसरी टीम ने बोला वहां पर वो सबके सब आ गए, चाहे वो साजिद ने भी अपने अपना सपोर्ट में बोला, चाहे स्टैंड ने भी बोला, चाहे सुंबुल को भी जब बोली सुंबुल ने भी बोला, जब तक अपने टीम में बात रहती लोग चुप रहते हैं, लेकिन जो बाहर वाली टीम आती है उनको नहीं छोड़ते, ये उनकी आदत है हमेशा से। जब तक निमृत कर रही थी तब तक चुप थे, क्योंकि टीम मेट ही है, साथ में ही बैठना है, साथ में ही उठना है, लेकिन जैसे बाहर वाला उंगली किया छोड़े गई भी नहीं, फाड़ दिया फिर दो मिनट। मेरा सिर्फ यही सवाल है, निमृत का टास्क था ओनली वन, नंबर वन स्टैंड के अंदर कैपेसिटी है, वो अपना स्टैंड रख सकता है, तो किसी को जरूरत नहीं है। जब निमृत गलत रैंकिंग दे रही थी, टीना भी उसके अपोज गई और अब्दू की रैंकिंग छीनने की कोशिश की, यहाँ तक कि अब्दू हट गया था, लेकिन फिर भी निमृत जी ने दूसरा पॉइंट भी बोलोगे क्या? एक ही पॉइंट को पांच बार बोलोगे? लेकिन जब इन्होंने वही पॉइंट मेरे रखा हुआ है कि साजिद जी, साजिद जी भाई जब वो बंदी नहीं मान रही, टास्क निमृत का था, तो ये क्या यहाँ पे शिव का तो कोई वो नहीं था ना, ये मेरे को आंसर चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है ना, तो आप लोग क्या करते हो पॉइंट कुछ और था, उसको घुमा और करते। पॉइंट यहाँ पे ये था कि शिव ठाकरे को बोलना, अरे अब बोलने दो यार अतर जी, यार आप बोलने नहीं दे रहे हो, बोलो चलो चलो बोलो, मैं कंप्लीट नहीं किया ऐसे था, आप, आपको बोलना नहीं होता, आपको बीच में ही बोलना होता है, ऐसे आपको टाइम देते बोले नहीं मैडम आप बोलो पहले मैं सुन रहा हूँ, अब आप बोलने नहीं दे रहे, बोलने तो दो, आपने बोल दिया मैंने सुन लिया, मेरे को बोलने तो दो। आप क्या कर रहे हो, आप लोग पॉइंट घुमा रहे हो, आप लोग बार बार क्या बोलने लग जाते हो, वहां पे एमसी स्टैंड ने खुद ने स्टैंड नहीं लिया, हम ये बात कर रहे हैं, हम ये बोल ही नहीं रहे निमृत ने उसको गलत रैंकिंग दी वहां पे, उसको निमृत को सही रैंकिंग देनी चाहिए थी, कुछ करना चाहिए था। मैं बोल रहा हूँ जब उन लोगों को टास्क में इन्वॉल्वमेंट करना होता है या टास्क में फायदा लेना होता है, जब भी तो एमसी स्टैंड को इन्वॉल्व करते हैं ना वो आगे से, जब एमसी स्टैंड संचालक बना था जब भी तो उसको आके वो चीजें बता के अपने फेवर में उन्होंने टास्क करवाया ना, उसको पीछे से बोल बोल के ऐसे कर ले, ऐसे बोल दे, ऐसे कर दे। और जब आप अभी वो सर ये शुभ जी बैठे हैं, शायद शुभ जी बोल रहे थे ना, जो कैमरा ऑफ कर लिया इन्होंने, सिल्वर में म्यूट हो आप, शुभ जो सर आप सर सर ने सर बोल रहे थे एमसी स्टैंड कुछ करता नहीं है, शिव ठाकरे ने साजिद के टाइम भी उसको पॉइंट रखा था वो किचन में रसोईया बनाने के लिए, तो सर आप ये चीज भी भूल गए, शिव ठाकरे कैप्टन भी एमसी स्टैंड की वजह से बना था, तो पहले चीज है ना इन्वॉल्वमेंट, उसने अगर शिव ने कुछ किया है ना तो एमसी स्टैंड ने भी उसको बराबर से वो अब कुछ करके दिया है, ठीक है, एक बार उसको कैप्टन बनाया, दूसरी बार राशन टास्क था उसमें उसने अपनी कैप्टनसी को दाव पे लगाया शिव ठाकरे की वजह से, शिव ठाकरे ने बोला इसलिए, ठीक है, तो वो भी अपना पूरा योगदान शिव के लिए करने की जितनी कोशिश होती है ना उतने करने की कोशिश करता है, हर टास्क में वो शिव को आगे रखता है, सब चीजें करता है, वो अपनी दोस्ती पूरी तरीके से निभाता है। तो आप बोलते हो करने की बात, तो करने का तो आप ये छोड़ ही दो कि वो कुछ बोलता नहीं करता नहीं, उस वो फालतू के मुद्दे बना के इशू नहीं करता, ये आप जरूर बोल सकते हो। दूसरी चीज, हमने वहां बोला ही नहीं कि निमृत ने उसको रखा तो उसको निमृत के लिए उसको पॉइंट उठाना चाहता है, निमृत ने क्या करा, मैं बोल रहा हूँ शिव का उसको वहां पे क्या फर्ज बनता है, वो बाद में जाके निमृत को बोल सकता था कि निमृत अनफेयर जब तू हो ही रही थी तो तू इतना अनफेयर और हो जाती, स्टैंड को भी अपने वहां पे रख लेती, स्टैंड को तूने इतना पीछे रख दिया और हम सबको तो आगे रख लिया, क्यों? क्योंकि उसको ये फर्क ही नहीं पड़ता कि उसको उनको लगता है कि स्टैंड
स्टैन को कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ये लोग तो अभी नाराज होके बैठ जाएंगे या फिर ये लोग इशू उठा लेते हैं, तो ये इन लोगों को मैं आगे रख लेती हूँ, पर स्टैन को उसने आगे रखा नहीं, क्यों? क्योंकि उस बता रहा हूँ ना, वो टेकिंग ऑफ ग्रांटेड लेते हैं उसको, तो वहाँ पे सीवीएच कर सकता था। एक सेकंड, आपने कैप्टनसी की बात की, वो पहली कैप्टन यार, एक सेकंड आप बोल रहे थे, अब शुभम जी फिर बोलते हैं बीच में बोलते हो, एक सेकंड कंप्लीट तो होने दो मैडम। मैंने भी सुब्र जी ने बोला, फिर अत्तर जी ने बोला, आसिफ ने बोला, फिर मैं बोल रहा हूं। मैम सॉरी बट सुन लिया करो प्लीज, आप पहले पूरी बात सुन लिया करो, बीच में एक बात बोलना एक सुनना वो मत करो प्लीज। तो प्रॉब्लम पॉइंट यही है, यहाँ पे यही आ रहा है, हम वहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये रख रहे हैं कि शिव ठाकरे चाहता, शिव ठाकरे निमृत को वहां पे नहीं बोलता टास्क में, कोई दिक्कत नहीं, बट टास्क खत्म होने के बाद वो क्वेश्चन पूछ सकता था निमृत से कि निमृत तू जब फेयर अनफेयर हो ही रही थी तो तू पूरी तरीके से अनफेयर होती, और अनफेयर तो वो राउंड वाले टास्क में भी तो अनफेयर ही हुए थे ना, 4 को 6 7 बता के, तो अनफेयर तो होते ही है ना वो लोग, सबको पता है अपने ग्रुप के लिए, वो तो बोलते भी है कि भी हम अपने ग्रुप को फायदा देने के लिए हम अनफेयर होते हैं, डंके की चोट पे होते हैं, तो वो डंके की चोट पे होते हो तो स्टैन के टाइम क्यों नहीं होते आप लोग, जब तुमको फेयरनेस कहां से दिखने लग जाती है, अब स्टैन उसके लिए पॉइंट नहीं उठाता तो इसका मतलब ये है कि तुम उसके साथ करते रहोगे, तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, टेकिंग ऑफ ग्रांटेड तो आप लोग ही ले रहे ना उसको, स्टैन नहीं उठाता पॉइंट, मैं आपके बात से एग्री भी कर लिया इस पॉइंट पे, बट शिव का फर्ज बनता है ना, शिव उस टाइम या तो निमृत को क्वेश्चन करता कि निमृत तूने उसको 9वें नंबर पे क्यों, या फिर स्टैन को ले जाके साइड में बोलता इस चीज से ना तू मतलब डिमोटिवेट मत होना, या इस चीज को दिमाग में मत लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, वो कुछ भी करके ना उसको, लेकिन वो कोशिश ही नहीं करता, बात तो यही है ना, वो कोशिश ही नहीं करता कुछ बोलने की। और अभी एक जयबा मैम पॉइंट भी बोल रही थी कि निमृत के रोती है एक्सप्रेस करती है इसलिए वो पॉइंट रखता है, और एमसी स्टैन के आपको पता मूड स्विंग हो जाता, तो मैडम निमृत से ज्यादा तो मूड स्विंग किसी के होते नहीं, वो तो डिप्रेशन में ही चल जाती है आपने देखा है, तो उसको भी तो कंसल्ट करने वो बार बार जाता है ना, उसके सर पे हाथ रख रख के उसको समझाता है, गेम डिस्कस करता है, बिग बॉस ने उससे बात की, वो बाहर आके उसने निमृत से डिस्कस की, तो उस ग्रुप में क्या निमृत के अलावा कोई ग्रुप उसके मतलब मेंबर नहीं है उस ग्रुप में, और किसी से वो बातें शेयर नहीं कर सकता, डिस्कस नहीं कर सकता, और जब शिव ठाकरे रोया था जब भी एमसी स्टैन आके उसको कंसोल किया था, तो वो भी तो अपनी दोस्ती निभा रहा है, सब चीजें कर रहा है, चाहे वो कितना ही अकेले में रहता है या पॉइंट ही नहीं उठाता, बट जहां जरूरत होती है ना ग्रुप को एमसी स्टैन सबसे पहले वहां खड़ा होता है, एक भी जगह मुझे बता दो जहां ग्रुप को जरूरत हो और एमसी स्टैन पीछे हट गया हो, या एमसी स्टैन ने धोखा दिया हो, या एमसी स्टैन ने मूड स्विंग किया हो वहां पे कि नहीं आज तो मैं तुमको सपोर्ट नहीं करूंगा, आज मैं फेयर खेलूंगा, या आज मैं प्रियंका और की तरफ से खेलूंगा, या आज मैं अपने लिए खेलूंगा, तो वो तो पूरा अपने ग्रुप के लिए कर रहा है ना, और वो तो ओपनली बोल चुका है मैं तो ट्रॉफी शिव ठाकरे को देना चाहता हूँ, तो उस पर तो आप क्वेश्चन ही नहीं उठा सकते आप ये चीज का, तो पॉइंट ये है शिव ठाकरे को उससे यार अत्तर जी आप लोग बोलो यार पहले, तीन जने बोले थे मेरे से पहले, शुभ जी ने बोला, आपने बोला, तो एक बात बताओ तीन लोगों का काउंटर तो देंगे या नहीं देंगे? आंसर कर दिया था ना आसिफ भाई भी, तो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला उन्होंने, आसिफ जी ने कुछ नहीं बोला, अरे यार बताता हूँ यहाँ पे कैप्टनसी की बात हो रही है, यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ, हितेश भाई बोल रहे हैं कि कैप्टन, हाँ हितेश भाई कह रहे हैं कि शिव की कैप्टनसी के लिए स्टैन का हाथ है, हम मानते हैं क्योंकि एग्जैक्टली जब भी टीम में जब भी कैप्टनसी का हाथ होता है तो स्टैन आता है, और भी बहुत से जो इनका पूरा का पूरा जो सोकर लोग ग्रुप है उसमें स्टैन का हाथ होता है, शिव अकेले कैप्टनसी नहीं हासिल कर सकता, तो ये मैं मानता हूँ आपकी बात, तो क्योंकि ये ग्रुप का है नहीं। दूसरी बात, जब भी कोई लेकिन अब सिंगल टास्क होगा जैसे निम्बर वाला और दूसरे टास्क होंगे उसमें वो शिफ्ट नहीं कर सकता, उनका स्टैंड नहीं ले सकता। दूसरी बात और एक और जो थी राशन वाली बात आप जो कह रहे हो उसमें भी जो बात कह रहे हो वो उस स्टैंड ने अपना बलिदान दिया, तो क्योंकि चाहे शिफ्ट अपना बलिदान नहीं देता वो भी तो देता है, दोनों तरफ से दोस्ती चल रही है मेरे भाई। और एक चीज मैं आपको बताना मुझे कब दिया स्टैंड, एक जी सेकंड अथर जी आप गलत पॉइंट बोल रहे हैं, मैं बोल रही हूँ आप दोनों पहले शिपेंस डिसाइड कर लो कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, इतना ज्यादा सार्केस्टिक होने की जरूरत है, इट्स नॉट फनी मैडम, सार्केस्टिक होना पड़ेगा क्योंकि आप खुद शिव फैंस को रोक रहे हो कि आप गलत बोल रहे हो, बोल रहे हो कि बलिदान दिया था, हम किसका बिलीव करें, बलिदान नहीं दिया था निमृत ने, पहले आप पॉइंट को आप छोड़ो, अब मैं सार्केस्टिक हो गया तो उसको क्लियर भी करो, पहले
पहले मैडम पॉइंट क्लियर करो, नीचे वाले ऑडियंस के लिए पॉइंट बोलते हैं, मेरे लिए बोल आपके रहे लिए हैं नहीं बोलते। क्योंकि मैंने अथर जी को बोला है चुप रहने के लिए, आपको बीच में सारे लेकिन आपने मेरे को बोला ना सरकास्टिक होने की जरूरत नहीं है, नॉट फनी। आपने बोला सरकास्टिक होने की जरूरत नहीं है, नॉट फनी, उसका जवाब मैं नीचे नीचे ऑडियंस होती है ना मैम, वो जो क्या होता है वो आपके और मेरे को सुनने नहीं, वो पॉइंट सुनने आती शिव के या प्रियंका के एमसी स्टैन के, वो मेरी और आपकी डिबेट सुनने नहीं आते, वो पॉइंट सुनने आते। पॉइंट क्लियर हमको बोल रहे थे, पॉइंट क्लियर कर रहा था मैं, आप पॉइंट क्लियर नहीं कर रहे, आप मेरे लिए बोल रहे हो। कुछ नहीं था, हम दोनों आपस में बोल रहे थे कि मैंने बोला अथर जी को, अथर जी आप पॉइंट ये हो था, मैं बता रहा हूँ ना पॉइंट क्या था, आपके बोलने से पॉइंट नहीं था, पॉइंट ये था आप अथर जी को बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो, अथर जी भी शिप है आप भी शिप है, तो ऑडियंस को नीचे पता चले ना किसकी कौन सही बोल रहा है कौन गलत, भूल के गलत बोल सकते हैं ना, भूल से। तो ये तो नीचे वाले अब आपने मन में सोच लिया ना, ये ऑडियंस डिसाइड करेगी ना वो अथर जी सही बोल रहे हैं आप सही बोल रहे हो, आप जो लॉजिकल पॉइंट है ना वो नहीं बोल रहे, दूसरी तरफ घुमा रहे हैं आप, खुद ही डिसाइड कर लेते हो कि आप लॉजिकल हो। जैबा जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना कि जब हम गलत चीजों पे जब ना देने लगते ना सफाई मुझे ना, लेक्चर नहीं ऐसे ही दो दो तीन तीन पक्ष आते लेकिन आपको लेक्चर देना है, आपको लेक्चर देने के लिए हम बैठे भी नहीं, अब हमारे पास टाइम नहीं, आपको लेक्चर देते हैं। ने कोई राशन बलिदान नहीं किया था, निमृत ने किया था, स्टैन और शिव ने डिसाइड करके बोला था घर वालों को राशन दे देते हैं, वो जो सेकेंड जाके उस चेयर पे बैठा हुआ था ना उस वाले टास्क में निमृत ने राशन ये कर दिया था, बलिदान दे दिया था, तो घर वाले ने फुल हंगामा कर दिया था, हंगामा करने के बाद सेकेंड जब स्टैन आया था इन दोनों में आपस में डिसाइड करके राशन ले लिया था, कैप्टन से छोड़ दिया। किसके कहने पे, किसके कहने पे लिया था मैम, क्या किसके कहने पे, किसके कहने पे लिया था, एमसी स्टैन अपनी कैप्टनसी लेता ना फिर, उसने राशन क्यों लिया, किसने बोला था उसको राशन लेने के लिए, कैप्टनसी मिल जाती उसको वो जो, जो उस कुर्सी पे बैठता उसको कुर्सी से हटा के, शिव की कैप्टनसी रहती, राशन ले लेता तो उनके पास राशन आता जी, तो वही तो बोल रहा हूँ नहीं जाती उसके पास, शिव के पास कैप्टनसी रहती, फिर वो टास्क, फिर उस टास्क का मतलब क्या था, फिर उस टास्क का मतलब क्या था कैप्टन, वो टास्क था जो पहले चेयर पे जाके बैठेगा कैप्टनसी की दावेदारी उसके पास रहेगी, नीचे एक बंदा रहेगा, उसके बाद चेंज भी होगी, चेंज भी हट जाएगा, बैठने वाले ने अपनी राशनिंग ले ली तो फिर वो कैप्टनसी का दावेदार, तो फिर निमृत क्यों नहीं बैठी, क्योंकि निमृत और शिव, निमृत निमृत और शिव के बीच वो एग्रीमेंट हुआ था कि मैंने तेरे को सपोर्ट किया, आगे कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तू मुझे करना, बोल क्या रहे हो आप, पहले समझिए मैडम मैं सही बोल रहा हूँ, आप सुनो, जो एग्रीमेंट हुआ था अगर वो राशन ले लेता है तो राशन उसका हो जाएगा, अगर राशन नहीं लेता है तो इसका मतलब वो ऊपर वाले को कैप्टनसी का दावेदार देखना चाहता है, अगर वो छोड़ देता है तो वो जाके नहीं बैठ जाता है ऊपर, मैडम मैडम आप सर भूल गए, बाद में प्रियंका ने मुद्दा भी उठाया था इसी बात का, हितेश भाई, हितेश भाई बाद में प्रियंका ने बात मुद्दा भी उठाया था, मैं पहले ऑडियो सुना दूं, जो लोगों ने यहाँ पर काउंटर दिया था उसका ऑडियो सुन ले लोग यहाँ पर, फिर बाद में दूसरी बात ये करेंगे, every day calling me, Stan, are you drinking coffee or no? I don't know, bro, Shaji, they not told me anything. No. I'm talking for Ankit, maybe making... सुना अथर भाई क्या बोला उसने, हाँ साजिद ब्रो चेंजिंग, ये बोला था स्टैन ने, स्टैन ने ये बोला था, मैं टाइमिंग बता देता हूँ, एपिसोड नंबर बता देता हूँ, 67 ना टाइमिंग है 7:30, जाके कोई भी वूट पे देख सकते हैं 67 एपिसोड, टाइमिंग है 7:30, वहां पर ये बोला है, देखिए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आप जाके स्टैंड से मत बताना, ठीक है, और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो आपसे नाराज है कॉफी के लिए, एंग्री बैंग्री नहीं बोला उसने, और दूसरा ये कि अभी मुझे ये लाइव ऑफ करना पड़ेगा, ये कॉन्वर्सेशन नाइट में स्टार्ट करें क्या, ठीक है मैं काउंटर पे मैं सारे ऑडियो लिख रखता हूँ, ऑडियो सारे लिख के रख सकता हूँ, नहीं क्यों बैक स्टेज क्यों करेंगे मैम, एंड हो जाएगा ना, वो जवाब हो जाएगा, तो मैं बोल रही हूँ अथर जी जिसको रहना वो रुके, हम लोग बात करनी होगी ना, अच्छा हम लोग बात कर सकते हैं मैम, ऐसे होस्ट के जाने के बाद भी, हाँ हाँ बंद होने के बाद रह सकते हैं, लेकिन वो नीचे कोई नहीं सुनेगा, नीचे किसी को नहीं पता चलेगा हम क्या बात कर रहे हैं, सुनाना नहीं है ना हमको, अरे हम आपस में बात कर सकते हैं ना, नहीं हम लोग आपस में भी बात कर सकते हैं ना, ऐसी कोई बात नहीं, यार मुझे वो कैप्टन पॉइंट बोलना है, प्लीज आपने बोलने दीजिए मुझे, पहली जो कैप्टनसी थी ना उससे एक दिन पहले ही प्रियंका से इतनी फाइट हो गई थी, उसने बोला था कि कैप्टन